Okay, so hi everybody. This is Darshan Khare reporting live from Pune with the cameraman Darshan Khare only. First and foremost thing, सब मुझे ये बताइए कि ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर है क्या? ऑडियो तो मैंने टेस्ट किया है, ये पिछले वंडर विजन में भी यूज हुआ था सीए इंटर के, तो आई एम वेरी श्योर कि ये क्लियर है काफी. बट फिर भी एक बार आप देख लीजिए, आपका इंस्ट्रूमेंट या हेडफोन वगैरह होगा तो प्लीज इसको एडजस्ट कर लीजिए. हाय अस्मिन, हाय निस्वार्थ, हाय यश, हाय सृष्टि, हाय प्रीति, हाय अंजू, हाय सी रमेश, श्रुति, मनोरमा, किशोर, हर्ष, अक्षिता, हिमांशु, राहुल, हर्ष, अड्डू, सिंकलिंग, हाय सर, नमस्ते, अजू, हाय बेटा. हील मैं पहले ही बोला सेशन ऑफलाइन मिलने की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए देख लीजिए, क्योंकि यूट्यूब के रिस्ट्रिक्शंस है, उसके हिसाब से हमें वर्क करना पड़ता है. यूट्यूब ने अलाउ किया तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा बेटा. नहीं बेटा, कोई जरूरी नहीं है. प्रीवियस लाइव स्ट्रीम हमने कुछ सिचुएशन में बचा ली थी इंटर की, पर ये वाली होगी नहीं होगी वी आर नॉट श्योर. पिछले लाइव स्ट्रीम बचाने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी बेटा, सो इस बार ये वापस होगा क्या? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, सो प्लीज बी देयर एट द लाइव सेशन, इट इज रिक्वायर्ड. हाय जयेश, मोहित, आनंद, मोना, युवराज, नितेश, अकाउंटिंग सॉल्यूशन, सरोज कुमार, मोहित, सुभाष, ओंकार, तरु, शिखा, अनिके, अरे बाप बाप रे, आनंद कुमार दुबे, हाय बेटा, इम्जाफर, जमशेफान, क्या नाम है बेटा आपका? ओके, शाउट आउट निरंजन मेहता, ओके, नितेश पाटीदार, कुलदीप, हील, हर्ष, वैष्णवी, नेहा, सागर, सुभाष, हर्ष, रजत गुप्ता. ओके, एक सवाल पूछा है समीर लखानी ने कि सर व्हाट विल बी ड्यूरेशन ऑफ वन डे, तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर 10-15 मिनट्स, सो सभी लोग ज्वाइन कर पाए टेंटेटिवली, सो ये वन डे रिविजन हम फिर बाद में शुरू करेंगे. सो कुछ क्वेरीज है तो आप अभी पूछ सकते हो. हाय हाय लिखना बंद करो, मैं इतने सारे लोगों को कैसे हाय करूँ? लाइव चैट शुरू है. अच्छा, कुछ रूल्स आप वन डे के समझ लीजिए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, नियरली मैं 12-13 घंटे का वंडर रिविजन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम 15 आवर्स तक जा सकता है. आज हम 2 बजे से शुरू कर रहे हैं, रात के 8-9 बजे तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद में एनर्जी रहेगी तो उसके बाद में भी हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ड्यूरिंग वंडर रिविजन कोई भी स्पैम मैसेज ना करे. अगर कोई स्पैम मैसेज करता है, होता है, 2-3 लोग होते हैं, कोई अच्छी चीज करते रहता है कोई बंदा, तो उसके पीछे लग जाते हैं या उसके बीच में टांग अड़ाते हैं. तो अगर कोई ऐसा स्पैम मैसेज करता है, वो मेरे चैनल से परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर उस चैनल को एक्सेस ही नहीं करते आएगा. सो प्लीज स्पैम मैसेज ना कीजिएगा. एक और चीज है, लास्ट इंटर वनडे रिविजन जब मैंने लिया था, सो ऑब्वियसली जब हम 12-13 घंटे का वनडे रिविजन लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो नहीं, मैं तो पूरा ट्राई करूंगा कि जो सही है वही पढ़ाऊँ, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एक आध चीज इधर उधर होने के चांसेस हो सकते हैं. तो अगर आपको ऐसा कोई डाउट हो कि कोई सर चीज इधर उधर है, तो अभी कमेंट में आप पूछ सकते हो सर ऐसा है तो, कि मैं उसको समझा सकता हूँ कि ये किस तरीके से है. क्लियर है? आप वनडे रिविजन में मेरे बूस्टर बुक यूज करो तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास बूस्टर बुक नहीं है और आपके पास सिर्फ किसी दूसरे ऑथर की या टीचर की बुक है, तो आप वो रिफर कर सकते हो. एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी चीज बता दूं कि अगर आपके पास कोई बुक नहीं है और आप क्वारंटीन की वजह से कहीं अटके पड़े हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप सिर्फ वन डे रिविजन देखो और उसके कंटेंट की तरफ ध्यान दो, और जो आपको लगता है वो पेन और पेपर लेके कहीं ना कहीं नोट करके रखो, और मैक्सिमम इसका स्क्रीनशॉट लो, तो हम यहाँ पे समय सेव कर पाएंगे. ठीक है? सो अभी मेरा तहे दिल से सबसे रिक्वेस्ट है, सबको मेरे तरफ से बहुत बड़ा वाला हाय, पर अभी हाय बोलना बंद कीजिए प्लीज. और अगर आपको कोई दिक्कत है तो अभी अगले 5 मिनट में पूछ लीजिए, जब तक और बच्चे एडअप होते हैं तब तक के प्लीज. ओके, 275 के आसपास स्टूडेंट आ चुके हैं. सर बूस्टर बुक है, वेरी गुड. कोई दिक्कत है तो आप यहाँ क्वेरी पोस्ट कर सकते हो बच्चों. मोहित थैंक यू सो मच बेटा, स्मार्ट लग रहे हो. इसी भी पूरा ही लर्न करना है चारुल, क्योंकि अमेंडमेंट है, इसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, एक वर्ड भी नहीं छोड़ सकते चारुल आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट टॉपिक है. ठीक है? 1 GB कितना चलेगा नेहा? अब अगर आप 1 GB और 2 GB के बारे में सोचोगे तो मुश्किल है जिंदगी में, मतलब कौन सी चीज में कितना पैसा खर्च करना चाहिए.
यू शुड हैव दिस डेडिकेशन। ठीक है, जब हमने हमारा टीचिंग प्रोफेशन शुरू किया था तो हमने पैसे की तरफ देखा ही नहीं था, आज भी नहीं देखते है बोलना। और आपको शायद नहीं पता कि मैं कौन से हालत में फिलहाल वन डिवीजन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये दिखते वक्त आपको बहुत भारी दिख रहा है। मैं आपको 2-3 दिन बाद मेरे लाइव सेशन के अंदर बताऊंगा कि मेरे रूम की हालत क्या है, मेरे घर का काम पूरा काम चल रहा है। सो आई विल शो यू कि मैंने कौन से हालत में वन डिवीजन रिकॉर्ड किया है। तो आपका डेडिकेशन आपके एक्सक्यूजेस को हटाता है, ये चीज को याद रखना। तो कितना जीबी चलेगा रिचार्ज कर लो, 2-2 दिन के 3-3 दिन के भी रिचार्ज आते हैं, प्लीज डू इट। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब बाकी सब चीजों से तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, एक पार्टी थोड़ी कम कर लेना। ठीक है, ईसी भी वनडे रिविजन में कवर नहीं होगा। हाँ, मैं पहले ये डिक्लेयर कर दूं, फेमा के रिविजन में ईसीबी, ओडीआई और इम्पोर्ट ये कवर नहीं होगा। इसके लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे है, ओडीआई और इम्पोर्ट के नहीं है, जो आगे के सेशंस में हम कवर करने वाले हैं उसके लेक्चर्स प्रिपेयर्ड है। थोड़ा सा प्रोसेसिंग और फिनिशिंग टच चल रहा है, तो नियरली 8-9 अप्रैल तक के या 10 अप्रैल तक के वो अपलोड हो जाएंगे। तो उसका वन डे रिविजन हम यहाँ पे कवर नहीं करने वाले, बिकॉज वो न्यू टॉपिक है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग उसमें से 8 से 10 मार्क का पूछा जाएगा। 6 टॉपिक 30 मार्क के लिए है अगर इकोनॉमिक लॉ के, तो ये चीज को आपने जरूर याद रखना है कि उसमें से फेमा कम से कम इस बार 12 से 15 मार्क के लिए आने ही वाला है, आने ही वाला है, क्योंकि इसके अंदर एडिशन भी है और अमेंडमेंट भी है। तो इसलिए हम इसी भी ओडीआई और इम्पोर्ट ये किसी भी रिवीजन में कवर नहीं करेंगे, इसको डिटेल में ही पढ़ना है, डिटेल में ही पढ़ना है। जो सही है बेटा, सही चीजें करना सीखो, क्लियर है? इससे आपके मार्क्स में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। ओके, ये सर इट अप्लाइज टू बोथ ओल्ड एंड न्यू सिलेबस। बेटा मेन बुक भी चलेगी, लेकिन मेन बुक के साथ में सुरभि फिलहाल ना जाओ तो इट इज बेटर, क्योंकि हम बहुत फास्ट स्पीड में जाने वाले हैं। सो इट इज क्वाइट रिक्वायर्ड कि आप उसके साथ कोप अप करो। आप साथ में खुली रख सकते हो, अगर आपको कुछ नहीं समझा तो आप पॉज करके मेन बुक को रेफर कर सकते हो। इमरान जमेस फान ने बोला है सर प्लीज चैट ज्यादा मत पढ़ना। बेटा आप वनडे रिविजन सी एंटर का देख लो, हम चैट ज्यादा पढ़ते ही नहीं है फिलहाल, सिर्फ जब तक सभी बच्चे ज्वाइन होते हैं 2 बजे तक तब मैं चैट पढ़ता हूँ। बाद में एक बार मैं पढ़ाने लग गया तो मेरा चैट की तरफ ध्यान भी नहीं रहता, जब स्क्रीन ऑफ होता है तभी सिर्फ मैं क्वेरी सॉल्व करता हूँ। तो चैट ज्यादा पढ़ने का सवाल नहीं है, जिनको लाइव चैट से दिक्कत है उनके सेलफोन में या कंप्यूटर में ऑप्शन होगा कि भाई लाइव चैट आप बंद कर सकते हो, आप उसको अभी क्लोज कर दीजिए, तो इससे आपको तकलीफ नहीं होगी बेटा। ठीक है, सीएमए फाइनल के लिए भी एप्लीकेबल है बेटा। सरोज कुमार मिश्रा, 6D के केस लॉ का एक लेक्चर ऑलरेडी नितेश अपलोड हो चुका है, दूसरा लेक्चर आ जाएगा। देयर विल बी ब्रेक्स, हर एक चैप्टर के बाद में रीचा एक एक ब्रेक होगा, सो विल बी कवरिंग दैट। विक्रम सिंपल बुक मेरा ओल्ड वाला बुक था विच इज नाउ अपडेटेड विद द बूस्टर बुक। अगर आपके पास सिंपल बुक है मतलब आपके पास 3 अटेम्प्ट पहले वाली बुक है, तो आई विल रादर नॉट सजेस्ट टू गो विद द सेम, बट आप अभी कुछ भी नहीं है तो आप उसको रेफर कर सकते हो। और मैंने बहुत सारे बच्चों को अपील किया था कि आप इसको बूस्टर बुक से चेक कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, और हमारा पूरा बुक सेट ये कॉस्ट बेसिस पे अवेलेबल था बीच में पूरे 1.5 महीने के लिए क्वारंटीन के पहले। थैंक यू सो मच थ्रिल ब्लेजर, आई ट्राइड माय बेस्ट डोनेशन के लिए। मॉड्यूल से आई विल नॉट सजेस्ट, मॉड्यूल में कई सारे आंसर गलत है गर्वित, फेमा के तो खास करके, सो आई विल नॉट सजेस्ट। मैं बताऊंगा भी कहां कहां मॉड्यूल में आंसर गलत है। ऑल द बेस्ट बेटा, लेट्स गो। न्यू एडिशंस के मेरे लेक्चर यूट्यूब पे आएंगे ऑलरेडी, अनु कंठे कंठाड़े न्यू एडिशंस के मेरे लेक्चर ऑलरेडी ईसीबी का आ चुका है, ओडिया है, और इम्पोर्ट प्रोसीजर्स का भी लेक्चर मेरा आ जाएगा 10 अप्रैल तक के, आप वहां से पढ़ सकते हो। ईसीबी अक्ष आप मेरे नोट्स में से करो तो अच्छा है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मैंने लेक्चर भी दिया और उसके नोट्स भी दिए हैं, अभी भी उसका पीडीएफ अवेलेबल है, आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हो अगले 5 मिनट में। सीएस प्रोफेशनल के लिए विनीत सिंह आप टॉपिक टैली कर सकते हो, फिर ही जाके ये वर्क करेगा। अक्ष ने पूछा है रेगुलर बैच अभी अगर आप ले रहे हो तो आपको बुक्स फिलहाल पीडीएफ में नहीं, डिजिटल नोट्स में इनक्रिप्टेड मिलेगी, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो आपको फिजिकल नोट्स शिप की जाएगी बेटा, अगर आपने शिपमेंट चार्जेस पे किए हैं तो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं, शिपमेंट चार्जेस ही पे नहीं कर रहे तो उनको कोई बुक शिप नहीं होने वाला। नरसिम्हा गुप्ता आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश वेर एवर पॉसिबल। बूस्टर बुक ही गर्व, ऑलरेडी क्लास में मैंने बोला है कि बूस्टर बुक इज इनफ फॉर रिविजन। जरूर निरंजन मेहता, कॉन्फिडेंस बहुत देखे जाएगा ये। थैंक यू सो मच महिद,
इंटर का रिवीजन मैंने मेरे तरफ से पूरा ट्राई किया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपको वो पसंद आया। आर्बिट्रेशन चैप्टर इंपॉर्टेंट है पर उसके श्रुति केशारी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स है, दो लेक्चर्स आप उसमें से कर सकते हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ, समय भी बचेगा। क्वेश्चनेयर लेक्चर ऑलरेडी हमने क्वेश्चनेयर चेंज किया है। हाँ जो लोग मेरे क्वेश्चनेयर लेक्चर की राह देख रहे हैं मैं उनको बोल दूँ, क्वेश्चनेयर लेक्चर पहले मैंने 200 पेजेस की बुक से रिकॉर्ड किया था और फिर मैंने क्वेश्चनेयर चेंज करके 650 क्वेश्चन डाले और 400 पेजेस की बुक बनाई, मतलब पहले बुक के वो नियरली 2.5 टाइम्स है। तो पहले वाले क्वेश्चनेयर के लेक्चर मेरे यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड थे लेकिन जब मैंने क्वेश्चनेयर चेंज किया तो सब डिलोड किए। सो मैं अभी स्टूडेंट्स को ये रेफर कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चनेयर खुद के बिहाफ पे करो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, मोर देन सफिशियंट क्वेश्चन देके रखे हैं मैंने। अगर मेरे को समय मिला तो ऑब्वियसली मैं इसको भी कवर अप करने की कोशिश करूंगा, जरूर ये ट्राई जरूर रहेगा। लेकिन ऑलरेडी जो ओल्ड बुक के हिसाब से लेक्चर्स थे बीच में मैंने डाले थे बट आई हैव टू टेक इट बैक बिकॉज मैंने पूरी बुक एंड कर दी और सभी बच्चे के पास सभी नए क्वेश्चनर की बुक है, दैट्स व्हाई। और मैं ये बोलना चाहूंगा अभी यहां से एग्जाम के लिए नियरली 1.5 महीना है तो जो लोग मेरा क्वेश्चनर पूरा करेंगे, जो लोग पूरा क्वेश्चनर करेंगे मैं आपको गारंटी से बोलता हूं उसके 75 से 80 मार्क देखे हुए आएंगे क्योंकि 650 क्वेश्चंस है, 650 प्लस क्वेश्चन, 400 पेजेस की बड़ी लैंडस्केप में बुक है। लैंडस्केप में भी 450, मतलब नॉर्मली पोर्ट्रेट में एक पेज पे एक क्वेश्चन आता है, लैंडस्केप में वही एक पेज पे डेढ़ या दो क्वेश्चन आते हैं। तो 650 क्वेश्चन है, आप वो सॉल्व कर लो, दुनिया में आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। लव यू देवेश, देवेन। इफ यू हैव समरी बुक फॉर नवंबर 19 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास जिस भी ऑथर की बुक है, हाँ आपके पास जिस भी ऑथर की बुक है आप ले सकते हो बेटा, मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज हैव द सेम। ठीक है, मेरा ईगो बाद में, आपकी पढ़ाई सबसे पहले, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो। सो आई गेस इट्स टाइम, 2:05 कम है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, नियरली 500 स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन। माँ कसम, मैंने सीए इंटर में 700 बच्चे तो लिए थे लाइव सेशन में, यहाँ 500 बच्चे हो रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, मतलब आपने इतना सपोर्ट दिया और इतने सारे लोग एंथुजियास्ट हैं वनडे रिविजन के लिए, सो आई एम वेरी हैप्पी। सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाइनल लॉ वनडे रिविजन। ये रैंक्स है, ऑफकोर्स रैंक्स का फोटो लगा के रखा है एंड आई होप कि सीए फाइनल के जितने सीए फाइनल के रैंक के लास्ट अटेम्प्ट के, आई होप जितने भी आप स्टूडेंट ये देख रहे हो आपके फोटोज भी यहाँ पे लगे, वी आर ट्राइंग फॉर द सेम और उसी के लिए मेहनत है। ऑब्वियसली मैं हमेशा बोलता हूँ रैंक रैंक का क्रेडिट हम नहीं ले सकते, ये लोग ही अलग होते हैं, कुछ अलग लेवल पे ही होते हैं, पर इन उनका थोड़ा सा सेलिब्रेशन होना चाहिए इसलिए हम इसको कहीं ना कहीं वी स्मार्ट के नाम पे ब्रैक करते हैं। ठीक है, सो इस बार 42 रैंक्स थे पर सभी बच्चों की मेहनत है, मैं ये कह सकता हूँ कि नियरली 60 तक लेके जाने का काम थोड़ा सा टीचर कर सकता है पर अबाउ 60 ये आप ही की मेहनत होती है बेटा और आपने ही वो बहुत अच्छे से करनी चाहिए, तो आपका फोटो जरूर लग जाएगा। ठीक है, मॉड्यूल अपडेटिंग सौरभ ऑलरेडी आ चुका है May 20 के लिए, एमसीक्यू क्वेश्चन वीडियो विल नॉट बी एप्लीकेबल बेटा। गुड आफ्टरनून जगेश, चलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो माय गॉड हम 550 क्रॉस कर चुके हैं, ओके थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई विद द लेक्चर, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के हाय हेलो सभी क्वेरीज को अभी स्टॉप कर दीजिए, अभी के अभी स्टॉप कर दीजिए, कोई कुछ नहीं लिखेगा अब, इसके बाद में सिर्फ क्वेरीज एंटरटेन होगी वो भी काम की, वो भी तब जब मैं पढ़ाना बंद कर चुका हूं और आप किसी चीज को कॉपी कर रहे हो या स्क्रीनशॉट निकाल रहे हो उस वक्त, बाकी कोई भी चीज हाय हेलो हाउ आर यू गुड आफ्टरनून सभी को मेरे बहुत सारे विशेष है पर हमें समय कम समय में ज्यादा आउटपुट लेना है इसलिए प्लीज सब जन रुक जाइए, हाथ जोड़ के सबसे विनती है। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लेक्चर के साथ में और हमारा लेक्चर है बेटा इकोनॉमिक लॉ का और नियरली आज हम ट्राई करेंगे कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक लॉ जो है वो हम यहाँ पे आज रिविजन के अंदर कवर करें। ठीक है, सो प्लीज इसको सपोर्ट कीजिएगा, इससे आपको काफी अच्छा एडवांटेज होगा, स्पैम बीच में ना कीजिएगा और कोई भी बुक है आप उसको रेफर कर सकते हो, थोड़े से ऑथरवाइज इंटरप्रिटेशन इधर उधर हो सकते हैं पर मेरा ट्राई पूरा रहेगा कि आपको सही तरीके से ये चीज को पढ़ाया जाए। ठीक है, सो प्लीज स्टॉप थोड़ा सा, रेडी लेट्स गो। सो 6D का रिवीजन नहीं आने वाला, सो एवरीबडी प्लीज स्टॉप कमेंटिंग, आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब जिनको क्वेरी है जब मैं बोलूंगा पुट द क्वेरी तो उसी वक्त आप प्रॉपरली क्वेरी पुट कर सकते हो, बीच में आपको लगता है आपने क्वेरी पुट करनी चाहिए तो सिर्फ क्वेरी पुट करना, बाकी कोई भी चीज यहाँ पे पुट करने की जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सल्ट करना अच्छे तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इकोनॉमिक लॉ में कितने चैप्टर्स है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इकोनॉमिक लॉ में, व्हाट्स
टोटल नंबर ऑफ चैप्टर वर्ड्स इकोनॉमिक लॉ के अंदर है, तथापि इसके ऊपर 30 मार्क्स का रिस्ट्रिक्शन है। अभी महाभारत रामायण देख के मेरा दिमाग खराब हो गया ऐसा लग रहा है मुझे, तो थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको शुद्ध हिंदी वाला टोन आएगा, सो डोंट वरी। सो 6 चैप्टर्स है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट, जितना बड़ा नाम उतना छोटा लॉ 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 एंड आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन 1996। बहुत सारे बच्चों को लॉ के नाम ही नहीं पता है अभी तक, और उनके ईयर शायद नहीं पता होंगे, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपने इसको याद करके रखना चाहिए, ठीक है? सबको शायद ईयर ऑलरेडी पता होनी चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल फेमा, ठीक है, 1999, इसके अंदर हम इसको कवर करेंगे। सेकंड वाला अगर हम देखें, सॉरी फेमा के भी पहले आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट, लेकिन वो रिवीजन में कवर नहीं कर रहे इसलिए मैं यहां पे नहीं लिखा, पर आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन 1996। उसके बाद में अगर हम अगले लॉ के ऊपर जाए तो सरफेस ईयर 2002, पीएमएलए 2002, ठीक है? और उसके बाद में अगर हम देखें तो आता है एफसीआरए 2010 एंड लेटेस्ट वाला ताजा ताजा कोरा करकरी गरम गरम आईबीसी 2016। 2016 का आईबीसी आया नहीं, वो दोबारा अमेंड भी हो गया जिंदगी के अंदर, मतलब ये लॉ बनाते हैं, मजाक करते हैं, सस्ते नशे करते हैं, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने इसको याद करना चाहिए। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कंसेप्ट ऑफ फेमा के साथ में, ठीक है? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फेमा, अब कोई भी लॉ जब आप शुरू करते हो बच्चों, ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, कोई भी लॉ आप जब शुरू करते हो तो आपने कुछ बेसिक रिस्ट्रिक्शंस लॉ के समझना जरूरी है, कुछ बेसिक चीजें। ये मेरे लेक्चर नंबर 1 जो नीचे लिंक में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जो लेक्चर नंबर 1 है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, बट फिर भी एक बार यहां पर मैं बोल दूं फास्ट में, कोई भी लॉ आप जब शुरू करते हो तो उस लॉ को शुरू करने के पहले कुछ बेसिक चीजें होती है जो आपको पता ही होनी चाहिए, उसके सिवा लॉ का साफ पढ़ना अन्याय है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी। मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं फेमा में भैया ट्रिब्यूनल है, आरबीआई है, ऑथोराइज पर्सन है, पर ये क्या है ये किसी को समझ में नहीं आता। सो प्लीज ध्यान दीजिएगा, कोई भी लॉ पढ़ने के पहले सबसे पहले आपने उस लॉ का पढ़ना चाहिए प्रीएम्बल, प्रीएम्बल के भी पहले अगर मैं बोलूं तो पढ़ना चाहिए हिस्ट्री। सो हम हर लॉ का नियरली जितना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हिस्ट्री यहां पे देखेंगे, फेमा का तो बहुत जरूरी है इसलिए मैं यहां पे बोल रहा हूं। दूसरी चीज, लॉ के बाद में आपने पढ़नी चाहिए प्रीएम्बल, थर्ड चीज उस लॉ के आपको पता होनी चाहिए अथॉरिटी स्ट्रक्चर, एंड फोर्थ चीज जो आपको लॉ में पता होनी चाहिए चैप्टर स्ट्रक्चर। बहुत सारे बच्चे लॉ पढ़ लेते हैं और ये चारों चीजों के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं होता, अगर आप इसके थ्रू जाते हो तो लॉ पढ़ने में काफी आसानी होगी। हिस्ट्री इज अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल पार्ट, प्रीएम्बल या नॉर्मली सेक्शन नंबर 1 में लिखा जाता है विच इज अ इंटरनल पार्ट, अथॉरिटी स्ट्रक्चर ये इंटरनल पार्ट ही होता है पर इसको आपको डिराइव करना पड़ता है, मतलब इतने आसानी से आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपको इसको डिराइव करना पड़ेगा, आपको इसके लिए इक्वेशन सेट करना पड़ेगा, इसलिए माइट भी बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे होंगे, नियरली 700 क्रॉस कर दिया हमने, माँ कसम तूफान। सो नियरली ऐसे बच्चे होंगे जिनको अथॉरिटी स्ट्रक्चर फेमा का पता ही नहीं होगा, सो डोंट वरी, वी विल सी दिस। इसको DERI जो भी ड्राइव है, डिराइव है, स्पेलिंग मिस्टेक को प्लीज थोड़ा सा बक्स देना, मेरी इंग्लिश एकदम खतरनाक है, जैसे यूएस इंग्लिश होती है, यूके इंग्लिश होती है, वैसे ही डीके इंग्लिश होती है, ठीक है? तो ये चीज को याद रखना, आप कंसेप्ट की तरफ ध्यान दीजिएगा। चैप्टर स्ट्रक्चर ये इंटरनल पार्ट ही होता है, तो हम फेमा का भी चैप्टर स्ट्रक्चर इसके अंदर देखेंगे, डोंट वरी, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब फेमा की हिस्ट्री से हम शुरू करेंगे, लेकिन फेमा की हिस्ट्री से शुरू करने के पहले मुझे ऐसा लगता है सबसे पहली चीज जो हमने पढ़नी चाहिए वो है अथॉरिटी स्ट्रक्चर फेमा के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता और हमने वन नोट खोला है तो पहले वन नोट वाला एरिया कवर अप कर लेते। सो अगर मैं बोलूं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो हर एक्ट में दो टाइप की अथॉरिटीज होती है बच्चों, अगर आप गौर करके देखो तो पहली अथॉरिटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी अथॉरिटी होती है जुडिशियल। एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी मतलब जो लॉ को इंप्लीमेंट करने के काम में आती है, जो लॉ को यूज करने के काम में आती है, जो लॉ को बनाने में और लोगों को सिखाने में काम में आती है। एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो डिस्प्यूट हैंडल करती है, प्रॉब्लम्स हैंडल करती है। फेमा में मेन अथॉरिटी हम लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बिकॉज इसका एफसीआरए के साथ में काफी क्लोज रिलेशन है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इकोनॉमिक अफेयर्स, ये भी आप बोल सकते हो, दोनों मिनिस्ट्री MOEM में दोनों मिनिस्ट्री ले रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये कवर किए जाएंगे। इसके नीचे हमारी जो अपेक्स अथॉरिटी है फेमा में वो है आरबीआई, क्लियर है? आप ऊपर के ये जो तीन अथॉरिटीज है इनको सीजी बोल सकते हो,
इनको आप सीजी बोल सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट आप इनको बोल सकते हो, क्लियर है। लेकिन नीचे सेंट्रल गवर्नमेंट का फेमा में बहुत कम काम है, खास करके एक ही जगह पे काम है, लेकिन मैक्सिमम काम आरबीआई का है। और आरबीआई ये पूरे देश में इकलौता है, इकलौता आरबीआई, इसीलिए हम सभी के सभी पावर्स ऑथोराइज पर्सन को डेलीगेट करके रखते हैं। और इंडिया में कई सारे ऑथोराइज पर्सन है, हम ऑथोराइज पर्सन कौन होता है ये भी देखेंगे, जो आपको फॉरन करेंसी देगा या लेगा उसे हम ऑथोराइज पर्सन कहते हैं। दूसरा है एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन मतलब जो डिस्प्यूट हैंडल करता है या जो आपके खिलाफ असेसमेंट करता है, अगर आपने डिफॉल्ट किया तो आपके खिलाफ जो पेनल्टी हैंडल करता है उसे हम कहते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर का जॉइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल एक्सेट्रा, यहां एडीडी हुआ है, इट इज एडी, जॉइंट डायरेक्टर्स, डायरेक्टर जनरल एक्सेट्रा, इन्होंने जो ऑर्डर पास किया, अगर इन्होंने फेमा में आपके खिलाफ पेनल्टी का ऑर्डर पास किया है तो आप फेमैट में अपील कर सकते हो, फेमैट ने आपके खिलाफ ऑर्डर पास किया आप हाईकोर्ट में जा सकते हो, हाईकोर्ट ने आपके खिलाफ ऑर्डर पास किया आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पावर फेमा में लिखा नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप अपील कर सकते हो क्वेश्चन ऑफ लॉ में, अब क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मैं आपको ज्यादा देर बता नहीं पाऊंगा, हम फेमा के मिसलेनियस टॉपिक के अंदर इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं पता होता, मैं यहां पर एक छोटा सा इसके बारे में ब्रीफ दे दूं, सो आगे जब हम अपील देखेंगे तो हमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अगर मैं बोलूं, फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर अभी और मिस्टर सल्लू में झगड़ा हो गया, किस बात के ऊपर, सबको पता है, सो मिस्टर अभी और मिस्टर सल्लू में झगड़ा हो गया और कोर्ट में इनका केस चला गया, तो कोर्ट जो डिसीजन देगा वो मिस्टर अभी और सिर्फ मिस्टर सल्लू के ऊपर अगर असर करेगा तो इसे हम कहते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब होता है ऐसा क्वेश्चन विच अफेक्ट ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, जो सिर्फ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, पार्टीज टू लिटिगेशन वी विल से, विच अफेक्ट ओनली पार्टीज टू लिटिगेशन उसे हम कहते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। लेकिन जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पूरे इंडिया पे असर करता है या इंडिया के पब्लिक या ग्रुप ऑफ पर्सन पे असर करता है, इंडिया के पब्लिक या ग्रुप ऑफ पर्सन, फॉर एग्जांपल किसी सीए स्टूडेंट को अगर बाहर, या किसी सीए को, आप सीए बन जाओगे, हाँ ना, बोलो हाँ, जोर से बोलो हाँ, डालो कमेंट में हाँ कि हाँ बनूंगा। सो किसी भी सीए को अगर फ्यूचर में अगर किसी एसईजेड के अंदर सीए फर्म सेटअप कर रही है तो ऐसे केसेस में उसको क्या टैक्स रेट लगेगा, इसके लिए वो अपील करता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करता है कि सही भाई सीए फर्म अगर एसईजेड में बिजनेस डालेगा, फाइनेंशियल सर्विसेज देगा, ऑडिटिंग सर्विसेज देगा सिर्फ एसईजेड के कंपनीज को, तो उसको क्या टैक्स रेट लगना चाहिए, इसके लिए अपील करता है। और उस केस में गवर्नमेंट 30% टैक्स रेट के जगह पे उस सीए फर्म को बोलती है कि आप सिर्फ 10% टैक्स रेट पे करो, तो ये पूरे इंडिया के उन सीए फर्म के ऊपर असर करेगा जो सेज में वर्क करती है। इसे हम कहते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट विच अफेक्ट्स द पब्लिक और ग्रुप ऑफ पीपल विल बी कॉल्ड एज क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये ब्रीफ आपने इसका याद रखना, ज्यादा डिस्कशन मैंने नॉर्मली इसका 45 एक आवर तक के मेरे रेगुलर बैच के अंदर किया था, आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से पूछ सकते हो अगर किसी को यह पता नहीं है, तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को तो ऑलरेडी पता होगा, यह चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। सो ये है बच्चों अथॉरिटी स्ट्रक्चर अंडर फेमा। सो आपका हाईकोर्ट को अपील करना है और उसके बाद फेमा में पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट को अपील करने का, पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 134 गिव्स यू पावर, किसी भी इंडिपेंडेंट इंडियन को पावर देता है कि अगर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर अपील करना चाहते हैं तो ही कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। इंडिया में 24 हाईकोर्ट्स है और सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसका नंबर वेरिएबल है डिपेंडिंग ऑन कितने बेंचेस बिठाए जाते हैं, ट्रिब्यूनल के हमेशा बेंचेस होते हैं, यह चीज को याद रखना। आरबीआई ऑब्वियसली इंडिया में एक है, और जो असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर, इनके जो नंबर्स है ये भी वेरिएबल है। ऑथोराइज पर्सन, देर आर मेनी मेनी नंबर्स जिसका कच्चा चिट्ठा नहीं होगा, ये आपको आगे आगे समझ में आएगा, क्लियर है कंसेप्ट सबको, हाँ है ना। तो ये है फेमा का ऑथोरिटी स्ट्रक्चर, मैं चाहूंगा जिसको नहीं पता प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल करके, ये आपके काम में आएगा, गो फॉर इट फास्ट। बाय गॉड 873 मां कसम हम 900 टच करने वाले। ओके, किसी को दिक्कत है तो प्लीज यहां पर क्वेरी पोस्ट कीजिएगा। अफुन ट्यूब रोबोटिक वॉइस क्वालिटी नहीं है, ये वॉइस क्वालिटी सही है, आप आपके दूसरे डिवाइस से ट्राई कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे रिवीजन इसके पहले ही ऑलरेडी हमने दिए हैं। बहुत बढ़िया, सबने हाँ किया है। ओके, स्क्रीनशॉट निकाल लिया सबने, बहुत बढ़िया। किसी को क्वेश्चन ऑफ लाइट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बारे में अगर देखना है तो वो भी इसको देख के रखे, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल ले, साथ में मैं चाहूंगा इन दोनों का स्क्रीनशॉट निकाल ले, लॉ पढ़ने के पहले कितनी चीजों को आपने देखना चाहिए, गो फॉर इट फास्ट।
चलो डन एवरीबॉडी। मॉड्यूल अपडेशन का ऑलरेडी बेटा एक वीडियो आ चुका है, श्रेया चौधरी, आप देखे शायद उसको देखे नहीं, वीडियो लिस्ट में चेक कीजिए। बूस्टर बुक अभी परचेस नहीं कर सकते बेटा, डिलीवर आपको शायद नहीं होगा क्योंकि क्वारंटीन चल रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे तरीके से ध्यान देना। ये चीज होने के बाद में अब हम बढ़ रहे हैं आगे। अब इसके बाद में जो चीज जरूरी है वो है फेमा का हिस्ट्री और प्रियम्बल। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं फेमा के प्रियम्बल के साथ, ठीक है। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। चार चीजें पढ़नी है, अथॉरिटी स्ट्रक्चर हो गया, दूसरी पार्ट पढ़ रहे आईसीआई इसमें से क्या एक्सपेक्ट करता है, कतई फालतू चीजें आईसीआई एक्सपेक्ट करता है, उनको खुद को नहीं पता वो इसमें से क्या एक्सपेक्ट करता है, छोड़िए। सो कंसेप्ट ऑफ फेमा। अब कंसेप्ट ऑफ फेमा की अगर मैं बात करूं तो सिंपली ये कुछ ऐसा सिचुएशन है जो थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। हर फास्ट लेता हूं, एकदम समझ में आएगा। हर एक के घर पे वाटर टैंक होगा, हर एक के घर पे वाटर टैंक होगा, और समझो बारिश का सीजन चल रहा है और आपका घर का वाटर टैंक अगर बहुत अच्छे तरीके से फिल्डअप है, बहुत अच्छे से फिल्डअप है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है बहुत तगड़े तरीके से, और एक बंदा आपके पास आया बारिश के सीजन में कि हमें कार धोनी है, कि उसे कार धोनी है किसी भी फालतू चीज के लिए। सर बारिश आ रही है तो कार क्यों धोएगा, आप सवाल ना पूछना नलायक, ठीक है। उसकी कार गैराज में खड़ी थी, ठीक है। सो अगर उसको कार धोनी है, ऐसे सिचुएशन में वो पानी मांगने आया, आपका घर का वाटर टैंक बह बह के, मतलब भर भर के बह रहा है, डूब मरोगे इतना पानी है, तो ऑब्वियसली आप इसको एक बकेट पानी दे दोगे कि जा भाई जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन समझो समर सीजन चल रहा है, कौन सा सीजन चल रहा है, समर सीजन, सूरज सिर के ऊपर तांडव कर रहा है, अभी समर सीजन शुरू है। समर सीजन में एक ही चीज जिंदगी में काम आती है, आम मैंगोस, ठीक है। सो समर सीजन चल रहा है, सूरज सिर के ऊपर तांडव कर रहा है, अकाल पड़ा हुआ है, पीने तक को पानी नहीं है, और ऐसे केस में सेम बंदा आपके पास आता है और आपको बोलता है मुझे कार धोने के लिए एक बकेट पानी चाहिए, एक बादली बाल्टी पानी चाहिए। आप उसको बोलोगे मेरे सिर पे कुछ लिखा हुआ है, पागल दिखता हूं मैं, ठीक है। पागल इज अ बेटर वर्ड जो मैंने यूज किया, हालांकि दूसरे भी वर्ड है जो आप यूज कर सकते हो। सो पागल दिखता हूं मैं, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप इसको ठीक तरीके से देखो तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना कि आप उसको पानी नहीं दोगे। बस सेम कंसेप्ट अप्लीकेबल होता है फेमा के केस में गवर्नमेंट एक्सचेकर को। एक चीज को आपने याद रखना, गवर्नमेंट के पास भी एक्सचेकर का एक वाटर टैंक है, एक ऐसा टैंक है जिसके अंदर गवर्नमेंट के डॉलर्स पड़े हुए होते हैं, फॉरेन करेंसी पड़ी होती है। अब इसके बाद पूरे फेमा में जहां कहीं पे भी मैं डॉलर्स बोलूं तो आपने मान लेना है फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी इंडिया में कई सारी, पूरे देश दुनिया में कई सारी प्रकार की होती है, तो हर एक को यहां पे हम मेंशन नहीं करते जाएंगे, क्लियर है। सो गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेकर है, उसके अंदर डॉलर पड़े हुए हैं। इस फॉरेन एक्सचेकर के अंदर बरसात तब होती है जब इंडिया से एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर होता है, और यह जो टैंक है वो टोटली फिल्ड अप हो जाएगा, और इसमें से पानी तब निकाला जाता है जब गवर्नमेंट या इंडिया की पब्लिक बड़े पैमाने पे इंपोर्ट करती है। आपके फेमा का मेन मकसद है कि ये जो वाटर टैंक है आपने इसको भरा हुआ नहीं तो एटलीस्ट अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए, क्लियर है कंसेप्ट सबको, हाँ है ना। ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ फेमा है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो अगला हिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप रिवर्स करके भी इसको देख सकते हो। सो गवर्नमेंट एक्सचेकर की सेफ्टी इज द मेन मकसद ऑफ फेमा। क्यों सर, गवर्नमेंट एक्सचेकर की सेफ्टी क्यों, पब्लिक की सेफ्टी क्यों नहीं? बेटा अगर गवर्नमेंट एक्सचेकर सेफ रहेगा तो अल्टीमेटली पब्लिक सेफ रहेगी, और पब्लिक को नेसेसिटी की चीजों के लिए फॉरन एक्सचेंज विड्रॉ करते आएगा, इसलिए गवर्नमेंट एक्सचेकर की सेफ्टी इट्स वेरी नेसेसरी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब हिस्ट्री ऑफ फेमा अगर आप ठीक तरीके से देखें तो इंडिया में सबसे पहला जो फॉरन एक्सचेंज का लॉ था वो हमने बनाया ही नहीं था, वी हैवंट क्रिएटेड इंडियाज फर्स्ट फॉरेन एक्सचेंज लॉ। ये इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज का पहला लॉ हमको बना के दिया था बच्चों ब्रिटिशर्स ने। इंडिया का पहला फॉरेन एक्सचेंज लॉ ये मार्च 1947 में ब्रिटिशर्स ने बनाया, और अगस्त में हमको इंडिपेंडेंस मिल गया। 15 अगस्त 1947 को हमको इंडिपेंडेंस मिल गया, तो ब्रिटिशर्स ने जैसा का वैसा फेरा हमको दे दिया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और बोले आप इसको इंप्लीमेंट करो। अब फॉरेन एक्सचेंज का लॉ, हमें फॉरेन एक्सचेंज के बारे में कुछ आइडिया नहीं, उन्होंने स्ट्रेट अवे दे दिया कि आप इसको इंप्लीमेंट करो। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। सब समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो ये फेरा काफी रिजिड था, इतना रिजिड था कि अगर बंदा मर रहा है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है और बोल रहा है मैं मर जाऊंगा मेरे को बाहर जाने दो, तो गवर्नमेंट बोलता था यही मर, मेरे देश की धरती के ऊपर यही मर, लेकिन बाहर जाने को नहीं मिलेगा, क्लियर है। ये फेरा आगे जाके इंदिरा गांधी के राज में 1973 में ऐसा लगा कि काफी रिजिड है, एटलीस्ट नेसेसिटी की चीजों के लिए हमने इसको अलाउ करना चाहिए, तो हमने फेरा को रिकंस्ट्रक्ट किया। और नेसेसिटी की चीजें जैसे हेल्थ, एजुकेशन,
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेडिकल केयर, इन चीजों के लिए हमने फॉरेन एक्सचेंज को देना अलाउ कर दिया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। इंदिरा गांधी के राज के बाद 1991 में इंडिया की हालत रिजिडिटी की वजह से इस तरीके से खस्ता हो गई थी, क्योंकि रिजिड था ना। आपने देखा होगा 1990s के पहले एक स्लोगन बहुत चलता था, तोड़ो फेंको माल विदेशी, जय स्वदेशी जय स्वदेशी, और हमने पूरे जो फॉरेन प्रोडक्ट है उनको बॉयकॉट कर दिया था। पर एक बात आपने याद रखना, फॉरेन प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की वजह से इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा और बाहर से भी कोई पैसा इंडिया में नहीं आएगा, बिकॉज बाहर से कोई कंपनी में इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया के एक्सचेंज की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि हमारे पास 1991 में सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर्स अवेलेबल थे। और इस केस में फिर नरसिम्हा राव की सरकार में लिबरलाइजेशन स्कीम को डिक्लेयर किया गया कि वो ट्रेड बैरियर्स हटाए गए, बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स मनाए गए, टर्नओवर को बढ़ाया गया। देखो, फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करने का सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका होता है बेटा, टर्नओवर बढ़ाओ। अगर आप टर्नओवर बढ़ा दोगे ना, तो उसका कुछ ना कुछ 1% भी मिला तो एक्सचेंज के अंदर बहुत बड़ा अमाउंट रहेगा। तो लिबरलाइजेशन स्कीम में हमने ट्रेड बैरियर्स हटाए, हमने सभी चीजें हटाई, हमने गुड्स एक्सपोर्ट करना शुरू किया, सर्विसेज एक्सपोर्ट करना शुरू किया, लोगों को भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और ऐसे सिचुएशन में हाँ, लोगों को भी, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अपने पास ही तो है, एक है और एक चाइना, और चाइना की तो अभी देख रहे हो क्या हालत चल रही है, पॉपुलेशन निकम्मा चाइना। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, गो कोरोना। सो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है कि भाई इंडिया से इतनी चीजें एक्सपोर्ट हो रही थी तो इंडिया में बड़े पैमाने पे फॉरेन एक्सचेंज आना शुरू हुआ। नरसिम्हा राव की सरकार की ये पॉलिसी बड़े अच्छे से वर्क की, 1991 से लेकर 1993 में लिबरलाइज स्कीम, रेमिटेंस लिबरलाइजेशन स्कीम के अंदर हमने बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिया। और फिर ये लिबरलाइजेशन स्कीम के हिसाब से 1973 का जो फेरा था वो हमें रिजिड लगने लगा, क्योंकि 1973 का फेरा सिर्फ मेडिकल एक्टिविटीज, सिर्फ नेसेसिटी चीजों के लिए था और ये ट्रेड वगैरह जैसी चीजों को अलाउ नहीं करता था, जिस वजह से हमने 1999 में लिबरलाइजेशन पॉलिसीज के हिसाब से नया फॉरेन एक्सचेंज का लॉ बनाया, दैट इज फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नाम में ही डिफरेंस है, पहला रेगुलेशन था, रिजिड था, दूसरा सिर्फ मैनेजमेंट है, लिबरल है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? फिर इसका अल्टीमेट असर अटल बिहारी वाजपेयी ने कैरी किया 1999 फेमा का, और एंड में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मनमोहन सिंह की सरकार में इंडिया का डॉलर एक्सचेंज रिजर्व ये 314 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया 2011 में। ये है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फेमा। अब ये पूरे हिस्ट्री, सर इसको पूछा जाएगा कि हाँ फेरा फेमा का डिफरेंस एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने पूरा हिस्ट्री बताया। सबसे पहले फेरा के अंदर के सभी ऑफेंसेस को अगर हम देखें तो फेरा के अंदर के सभी ऑफेंसेस को हम क्रिमिनल घोषित करते थे, क्रिमिनल। फेमा के अंदर के सभी ऑफेंसेस को हम क्रिमिनल नहीं मानते, हम फेमा के सभी ऑफेंसेस को सिविल मानते हैं, सिविल। पहले आपके साथ जानवरों जैसा सलूप होता था, अभी इंसानों जैसा सलूप होगा। सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल? क्रिमिनल में आपके खिलाफ पेनल्टी होगी, आपको जेल होगी, सिविल में आपको सिर्फ डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। दूसरा, फेरा के अंदर ट्रांजैक्शंस को कोई नाम नहीं था, नो नाम, मतलब बोल सकते हो एक ही नाम था, प्रोहिबिटेड, हर ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड। लेकिन फेमा के अंदर ट्रांजैक्शंस को नाम है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कुछ इसके अंदर। अगला, फेरा के अंदर ट्रांजैक्शंस आर प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। देखो वर्डिंग, ट्रांजेक्शन आर प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। नाउ आप मुझे बताओ फेमा में क्या नाम आना चाहिए, आप मुझे बताओ फेमा में क्या नाम आना चाहिए। सब लोग, हजार लोग क्रॉस कर दिए, मां कसम तूफान, बहुत शानदार। फेमा में क्या नाम आना चाहिए? ट्रांजेक्शन आर प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड बोला है, फेमा में क्या नाम आना चाहिए जल्दी बताओ मुझे। तो बहुत बढ़िया, कमेंट में पास करो क्या नाम आना चाहिए, कमेंट में डालो क्या नाम आना चाहिए, मैं देख रहा हूं कमेंट। जबरदस्त बेटा, जबरदस्त, शानदार, ट्रांजैक्शन इज परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। देखो कितना मेन जो फेरा और फेमा का डिफरेंस है यही समझ में आता है, प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। मतलब यहां तक जब तक परमिट नहीं करते थे हर चीज प्रोहिबिटेड थी, यहां जब तक प्रोहिबिट नहीं करते हर चीज परमिटेड है बेटा। इसलिए आप जो फॉरेन ट्रेवल, एजुकेशन, मेडिकल केयर कर सकते हो ना आसानी से, ये इसी वजह से, इस सेंटेंस की वजह से। ये चीज को आपने याद रखना, फेरा रिजिड था, तगड़ा रिजिड, मतलब इतना रिजिड था हाथ में डॉलर फंसा है, हाथ काट लो लेकिन डॉलर नहीं छूटेगा बेटा, ठीक है। मतलब इतना रिजिड था कि अगर आप बोलते थे डॉलर, गवर्नमेंट आपको डॉलर बोलने पे भी उठा के जेल में डालता था। आपने बोला डॉग, गवर्नमेंट उठा के डाल दिया, अरे मैं डॉग बोल रहा हूं, वो नहीं मालूम, डाल दिया जेल में, इतना रिजिड था। लेकिन फेमा ये लिबरल है, फेमा ये क्या है बोले एक बार जो से, लिबरल। नीचे रिजिडिटीज रिगार्डिंग, द रिजिडिटीज रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज, फेरा में रिजिडिटी फॉरेन एक्सचेंज का ही रिजिडिटी था, फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं देते थे। फेमा में फॉरेन एक्सचेंज का रिजिडिटी नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बोल रहे हो वो ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर आपने देने चाहिए, प्रॉपर डिस्क्लोजर देने चाहिए। रिजिडिटी डिस्क्लोजर के लिए सही डिस्क्लोजर देंगे सब मिलेगा, क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। लेकिन सही डिस्क्लोजर, हवाला करोगे, गलत इंफॉर्मेशन देंगे, बहुत मार खाओगे। प्रोविजंस, फेरा के अंदर 81 सेक्शन थे, मतलब रिजिड लॉ बनाने के लिए देखो कितने नंबर ऑफ सेक्शंस बढ़ते हैं, ये दिमाग में फिट कर लेना। अगर आपको लॉ रिजिड बनाना है ना, उतने ज्यादा प्रोविजन पुट करने पड़ेंगे आपको। लेकिन अगर आपको लॉ लिबरल बनाना है ना, इतने
ज्यादा सेक्शंस की जरूरत नहीं, क्योंकि बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, सब लिबरल है। 49, सिर्फ 49 सेक्शंस है फेमा के अंदर। क्लियर है कंसेप्ट? अगला फीचर्स, फेरा के अंदर निगेटिव मेंस रिया था, जिस बंदे के ऊपर इल्जाम है ना, जो मुलजिम है, मुजरिम नहीं, मुलजिम है, अक्यूज्ड। मुजरिम और मुजरिम में फर्क होता है, मुलजिम मतलब अक्यूज्ड, मुजरिम मतलब कॉन्विक्ट। क्लियर है कंसेप्ट? सो जो मुलजिम है, अक्यूज है, उसके ऊपर बर्डन रहता था कि उसने प्रूव करना है कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, लेकिन फेमा के अंदर ये डिपार्टमेंट को प्रूव करना पड़ता है कि बंदे ने ऑफेंस किया है। देखो कितना लिबरलिटी लाया है। एंड वाला क्वांटम ऑफ पेनल्टी, फेरा में 5 टाइम्स पेनल्टी थी बच्चों, 5 टाइम्स, फेमा में ऑफेंस के सिर्फ 3 टाइम्स पेनल्टी है, सिर्फ 3 टाइम्स। और फेरा में जेल वगैरह भी था, लेकिन फेमा में जेल नहीं है, डैमेजेस है। हाँ, अगर आप इलीगल ही एड करते हो, हवाला, स्मगलिंग, तो उसके लिए अलग अलग लॉज में अलग अलग पेनल्टी क्रिमिनल वाली दी हुई है। क्लियर है कंसेप्ट? जिसको चाहिए इसका फोटो लेके रखो, गो फॉर इट फास्ट। 1030 लोग, तूफान बेटा, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं बच्चे, बहुत सारे लोग पेनल्टी वगैरह भी लिख रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। ऑफलाइन अवेलेबल हुआ क्या? कोई गारंटी नहीं है अभिषेक, क्योंकि यूट्यूब के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और पॉलिसीज बड़े हुए हैं। हम ट्राई करेंगे, बट कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, बहुत बढ़िया। ये चीज होने के बाद में अब मैं बैठा हूं आगे फेमा का, ये चीज होने के बाद अगली चीज को हम जा रहे हैं, चैप्टर स्ट्रक्चर। देखो, ऑथोरिटी स्ट्रक्चर हो गया, प्रियम्बल, प्रियम्बल तो मैं अभी बोल दू, फेमा का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इसका नोटिफिकेशन आया था 1 मई 2000, आगे वही होगा, होल्ड। हाँ, इसका नोटिफिकेशन आया था 1 मई 2000 को, और ये एक्ट अप्लीकेबल होने शुरू हुआ 1 जून 2000 से। ये है इसका चैप्टर स्ट्रक्चर। ऑथोरिटी स्ट्रक्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, प्रीएम्बल हो गया, चैप्टर स्ट्रक्चर बाकी है, प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 एंड 2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क उसके हिसाब से कर रहा हूँ। 3 स्टार इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन रेगुलेशन 3 से 9, 5 स्टार मार्क इंपॉर्टेंट, ऑथोराइज पर्सन 3 स्टार मार्क इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रावेंशन पेनल्टी 2 स्टार इंपॉर्टेंट, एडजुडिकेशन अपील 1 स्टार, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट 1 स्टार, मिसलेनियस इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलो, ये चीज होने के बाद में अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं फेमा के एप्लीकेबिलिटी से। क्लियर है? बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। प्रीएम्बल में ये भी लिखा है, द एक्ट, देखो मैंने बोला था फेमा बनाया गया है ट्रेड, हेलो, फेमा बनाया गया है ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए। तो आपने देखा पहले लॉ रिजिड था, फेमा का मेन मकसद क्या है? द एक्ट एम्स टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज विद ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट्स, ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, फॉर प्रमोटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। मेंटेनेंस बोला है, रेगुलेशन वर्ड यूज नहीं किया है, लिबरलिटी यही है। इसके बाद में हम जा रहे हैं फेमा के एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। अब ये जो टेक्स्ट है ये आपके पास भी होगा, एक्सटेंट और एप्लीकेबिलिटी का, आप आपके बुक में से पढ़ सकते हो, किसी भी बुक में, मेरा बुक होगा तो उसमें से अच्छा, पर मैं इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाना चाहूंगा कि फेमा कहां कहां एप्लीकेबल होता है। अगर इंडिया में कोई पर्सन रेसिडेंट इंडियन होगा, सबको आई गेस पीआरआई के बारे में ऑलरेडी आइडिया होगा, सो इंडिया में अगर कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होगा और वो इंडिया में एक तो रुपीज या डॉलर का ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो इंडियन पर्सन अगर इंडिया में रुपीज का ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसको फेमा एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन अगर वो डॉलर का ट्रांजेक्शन कर रहा है तो दिस इज अ सिचुएशन नंबर 1 जिसमें फेमा एप्लीकेबल होता है, फर्स्ट केस जहां फेमा एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात, यही इंडियन पर्सन अगर चला जाता है यूएसए फॉर द पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए, टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोई भी पर्पस के लिए यूएस जाता है, और यूएस में अगर वो रुपीस या वो डॉलर का ट्रांजैक्शन करता है, इधर ही डज रुपीस ट्रांजैक्शन और डॉलर ट्रांजैक्शन, तो ऐसे सिचुएशन में ये सेकंड केस है जहां पे हम फेमा एप्लीकेबल करते हैं। दिस इज द सेकंड केस जहां हम एप्लीकेबल करते हैं फेमा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोले सर। नो, तीसरा वाला, अगर इंडियन पर्सन का बाहर कोई ब्रांच, ऑफिस या एजेंसी है, तो उस ब्रांच ऑफिस या एजेंसी को, ब्रांच ऑफिस या एजेंसी है, वो तीसरा केस है जहां पे आपका फेमा एप्लीकेबल होगा, थर्ड एरिया जहां फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एप्लीकेबल होता है। और चौथा केस ये है कि अगर बाहर का कोई पर्सन है पीटर, बाहर का पर्सन है पीटर, लड़की होगी तो पीटरी, बाहर का पर्सन है पीटर और वो आ रहा है इंडिया में,
वो आ रहा है इंडिया में। तो ऐसे सिचुएशन में याद रखना, इंडिया में आके अगर वो रुपीज या डॉलर का कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसको चौथी जगह जहां फेमा एप्लीकेबल है। सर पीआरवाई, ये जो पीआरवाई है सर, ये बाहर अगर रुपीज या डॉलर का ट्रांजेक्शन कर रहा है तो इसको फेमा एप्लीकेबल होगा क्या? पीआरवाई अगर बाहर रुपीज या डॉलर का ट्रांजेक्शन कर रहा है तो। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिक्लेरेशन दे दूं, रेगुलर बैच में मैंने इसके पहले ये थोड़ा सा एक छोटा सा डेवलपमेंट किया है मैंने रेगुलर बैच के ऊपर। अगर वो बाहर रुपीज का ट्रांजेक्शन कर रहा है बच्चों, तो ऐसे सिचुएशन में इट इज क्वाइट डिस्प्यूटेड कि हम इसका कोई भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं क्या, क्योंकि ये इंडिया के टेरिटोरी के बाहर है। ये चीज को आपने याद रखना, क्लियर है? अगर ये बाहर डॉलर का ट्रांजैक्शन करता है तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको फेमा एप्लीकेबल नहीं करते, पर ये डिस्प्यूटेड है क्योंकि कई सारे ब्लैक मनी के फ्रॉड्स वगैरह हम इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मैटर डिस्प्यूटेड है। मैं फुल्ली ये नहीं कह सकता कि एप्लीकेबल होगा ही, बिकॉज मैंने बोल दिया एप्लीकेबल होगा, वो थ्योरेटिकली, पर प्रैक्टिकली वो होना भी चाहिए, ये चीज को आपको समझना है। तो यहां डिस्प्यूटेड है, तो ऐसा मैं कह सकता हूं दिस इज द फिफ्थ केस अगर आप काउंट कर रहे हो तो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से आपने याद रखना, क्लियर है कंसेप्ट मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना, अगर किसी को चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, गो फॉर इट फास्ट। बापरे 1100 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, जबरदस्त बेटा तूफान। अच्छा किसी को भी अगर रिपीट चाहिए, रिपीट देखना है, तो थोड़ा सा रिवर्स लेके आगे देख लो बेटा थोड़ी स्पीड में, क्योंकि बार बार रिपीट करना वन डे रिविजन में मुश्किल हो जाएगा बेटा। विशाल चैट बंद करना है तो बेटा आपके सेलफोन पे ऑप्शन है चैट बंद करने का, लेकिन मुझे क्वेरी एंटरटेन करनी है इसलिए मुझे चैट ओपन रखना पड़ेगा बेटा। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। अच्छा अब यहां पे एक और सवाल पैदा होता है सर, ये जो चौथा केस आपने बोला कि पीआरओआई इंडिया के अंदर फेमा लगेगा, ये तो सर कहीं लिखा ही नहीं एप्लीकेबिलिटी में, क्योंकि एक्चुअली किसी वर्ड में नहीं लिखा है, पर ये जो चौथा केस है मैंने कहां से लिया? ये मैंने लिया है फ्रॉम द वर्डिंग फेमा इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया। फेमा इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया, जब मैं बोलता हूँ फेमा इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया, मतलब इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सबको फेमा एप्लीकेबल होगा। अब भले ही वो इंडिया में पीआर आए हो या भले ही इंडिया में पीआर आए हो, अगर वो मेरे देश की धरती के अंदर ये कर रहा है तो। अब यहां सवाल होता है इंडिया का मतलब क्या है, तो बेटा इंडिया का मतलब है दैट इज टेरिटोरी ऑफ इंडिया, टेरिटोरी ऑफ इंडिया, साथ में अगर मैं बोलूं तो 12 नॉटिकल माइल्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आई नो कि इट इज 200 नॉटिकल माइल्स वगैरह बोला जाता है, लेकिन फेमा की एप्लीकेबिलिटी हम 12 मानते हैं। जहां पे फेमा और इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्रॉस रेफरेंस आएगा वहां पे आपने 200 नॉटिकल माइल अज्यूम करना है, बिकॉज आईडीटी विल प्रिवेल। कांसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। इन एडिशन टू दिस, बहुत सारे बच्चे मेरे को यहां पे अजीब सवाल पूछते हैं सर, फिर वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसका क्या करना? मतलब बजरंगी भाईजान मूवी के अंदर अगर सलमान खान ने वो जो बेटी है लास्ट सीन में बच्ची को ऊपर फेंका था हवा में, वो हवा में रह गई थी, मूवी वही खत्म हो गई थी। तो बच्ची जो हवा में फेंकी हुई है वो अगर वहां पे फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन कर रही है सलमान खान के साथ, तो मुझे एक बात बताओ फेमा लगेगा क्या? तो एक बात याद रखना, 12 नॉटिकल माइल्स आपको सी वाला एरिया लेना पड़ता है, लैंड वाला 12 नॉटिकल माइल्स वाला एरिया आप नहीं ले सकते हो। 12 नॉटिकल माइल्स यू हैव टू सी सी वाला एरिया, लैंड वाला नहीं। जो दो बॉर्डर्स के बीच का लैंड होता है उसे कहा जाता है नो मैंस लैंड, इट इज गवर्न बाय यूनाइटेड नेशंस। तो ये चीज को आपने अच्छे से याद रखना, क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये है एप्लीकेबिलिटी ऑफ फीमा, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। अब ये चीज होने के बाद में अगली चीज के ऊपर हम जा रहे हैं, नेक्स्ट चीज। अब मैं शुरू कर रहा हूं डेफिनेशन के साथ में। सबसे पहले डेफिनेशन है फॉरेन करेंसी, ये डेफिनेशन तो आप भी बना सकते हो, सस्ते नशे वाले डेफिनेशन है। एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी इज अ फॉरेन करेंसी। बहुत सारे बच्चों ने डेफिनेशन पढ़ के यही छोड़ दिया होगा, बट दे शुड नो द डिटेल ऑफ दिस डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में डिस्क्रिप्शन इसके बारे में आ सकता है। एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी इज अ फॉरेन करेंसी, पर ऐसी कितनी करेंसीज है दुनिया में जो अदर देन इंडियन करेंसी है, उसका नंबर तो भी पता है क्या? उसके कॉस्टलियस्ट करेंसी और सबसे चीपेस्ट करेंसी आपको पता है क्या? तो ये नॉलेज होना चाहिए अपन सीए फाइनल लेवल पे, आगे जाके अपने को कंसल्टेंसी देनी है। तो एक बात आपने याद रखना, दुनिया में 205 कंट्रीज है, पर यूनाइटेड नेशन उसमें से 196 कंट्रीज को सेपरेट दर्जा देता है। जैसे अंटार्क्टिका माइट बी अ कंट्री, पर यूनाइटेड नेशन इसको काउंट नहीं करता, उसके ऊपर बहुत सारे लोग कैसे भी जा सकते हैं, क्लियर है कॉन्सेप्ट? बहुत सारे डिस्प्यूटेड नॉन कोऑपरेटिव कंट्री है, पेरू, गौतमाला, नाइजीरिया एक्सेट्रा, तो उन कंट्रीज को भी यूनाइटेड नेशन काउंट नहीं करता। तो दुनिया में 196 कंट्रीज है, जिसमें से 50 कंट्रीज दूसरे कंट्रीज के करेंसीज को यूज करते हैं। जैसे आप मालदीव्स वगैरह जाओ तो मालदीव्स में खुद का कोई करेंसी नहीं है, वहां पे डॉलर्स ही चलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम देखें तो 196 कंट्रीज में से 50 कंट्रीज दूसरों की करेंसीज यूज करते हैं, मतलब दुनिया में 146 करेंसीज है, और 146 करेंसी में एक करेंसी इंडिया का है, तो हमारे लिए फॉरेन करेंसी का मतलब है 145 कंट्रीज के करेंसीज, 145 करेंसीज जो हमारे लिए फॉरेन करेंसी है। इसमें से अगर आप मुझे पूछो तो सबसे चीपेस्ट करेंसी है, सबसे कॉस्टलीस्ट करेंसी है कुवैतियन दिनार। एक कुवैतियन दिनार मतलब 3.46 डॉलर, $3.50 का एक कुवैतियन दिनार है, मतलब नियरली 250 से 300 रुपए का एक कुवैतियन दिनार आएगा, क्लियर है कॉन्सेप्ट? बाकी ये वन नंबर टू नंबर थ्री वाले कॉस्टलीस्ट है। सबसे चीपेस्ट करेंसी अगर आप देखो तो
ईरानियन रियाल, $1 इज इक्वल टू 24,576। मतलब अगर यहाँ पे 1,00,000 रुपए लेके चले गए ना, तो आप लखपति करोड़पति हो जाएंगे। जिनको लखपति करोड़पति बनने का फीलिंग लेना है तो वहां जाके रह सकते हैं बेटा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये चीज होने के बाद मैं अगली डेफिनेशन के ऊपर मैं जा रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है, इस चीज को अच्छे से सिर्फ एक ही बार पढ़ूंगा। मींस फॉरेन करेंसी इंक्लूड्स डिपॉजिट, क्रेडिट, बैलेंस पेबल इन एनी फॉर्म ऑफ करेंसी, ड्राफ्ट, ट्रेवलर। अब देखो इस फॉरेन करेंसी के डेफिनेशन को दो तीन पार्ट में डिवाइड करो। सबसे पहला पार्ट, फॉरेन करेंसी मींस फॉरेन, फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। एंड इंक्लूड्स, इंक्लूड्स के बाद में सेकेंड पार्ट शुरू होता है, मैं इसको अलग कलर के पेन से मार्क करूंगा, डिपॉजिट, क्रेडिट, बैलेंस पेबल इन द फॉरेन करेंसी। ठीक है, दिस पार्ट नंबर टू। फिर अलग कलर के पेन से तीसरा पार्ट मार्क करूंगा, ड्राफ्ट ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन द फॉरेन करेंसी, दिस पार्ट नंबर थ्री। एंड फिर उसके बाद में चौथा पार्ट मार्क करूंगा, दैट इज ड्राफ्ट ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय बैंक और इंस्टीट्यूशन और पर्सन आउटसाइड इंडिया पेबल इन इंडियन करेंसी, दैट इज पार्ट नंबर फोर। ये चार पार्ट आपको सेपरेटली याद होने चाहिए फॉरेन एक्सचेंज के। फॉरेन एक्सचेंज मींस अ फॉरेन करेंसी, थोड़ा सा याद कर लो, फॉरेन एक्सचेंज मींस अ फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन द फॉरेन करेंसी, सॉरी नॉट ड्राफ्ट, डिपॉजिट, क्रेडिट, बैलेंस पेबल इन द फॉरेन करेंसी, ये पार्ट टू। फिर तीसरा पार्ट, ड्राफ्ट ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज व्हिच इज ड्रॉन इन फॉरेन करेंसी बट पेबल इन इंडियन करेंसी, और चौथा ड्राफ्ट ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज व्हिच इज ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, वाइस वर्सा भी कर सकते हो, लेकिन चार पार्ट आपको याद होने चाहिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसके हिसाब से, अगर इन चार पार्ट के हिसाब से मैं एनालिसिस लूं नीचे, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता क्योंकि एनालिसिस किया ही नहीं है, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना। मैंने यहां एक टेबल बना के रखा है सिर्फ तीसरे और चौथे पार्ट के लिए, मतलब ड्राफ्ट। देखो पहला डिपॉजिट, क्रेडिट, बैलेंस पेबल तो फॉरेन करेंसी में क्लियर है, फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी आता है वो भी क्लियर है, तो सिर्फ ड्राफ्ट ट्रैवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए पार्ट किया है। ड्राफ्ट ट्रैवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, केस नंबर 1, 2, 3, 4, एक्सप्रेस और ड्रॉन कौन से करेंसी में, पेबल कौन से करेंसी में, क्या वो फॉरेन एक्सचेंज होगा क्या। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सो अगर मैं बोलूं कि ड्राफ्ट ट्रैवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन डॉलर्स बट पेबल इन डॉलर्स, ड्रॉन इन डॉलर्स बट पेबल इन डॉलर्स, तो क्या ये फॉरेन एक्सचेंज है? तो मेरा आंसर है यस, इट इज अ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि अगर आप इंडिया में इसको डॉलर में ड्रॉ करते हो, इंडिया में डॉलर में पे करते हो, तो फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा। दूसरा, ड्रॉन इन डॉलर पेबल इन रुपीज, क्या ये फॉरेन एक्सचेंज है? हाँ, ये फॉरेन एक्सचेंज किस हिसाब से है? तो कंडीशन नंबर थ्री के हिसाब से ये फॉरेन एक्सचेंज है। क्लियर है? दैट इज, सॉरी, कंडीशन नंबर फोर के हिसाब से, माय मिस्टेक, कंडीशन नंबर फोर के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज है। अगर ड्रॉन इन रुपीज एंड पेबल इन डॉलर है तो ये कंडीशन नंबर थ्री के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज है, और अगर ड्रॉन इन रुपीज है और पेबल इन रुपीज है तो बच्चों ये फॉरेन एक्सचेंज किसी भी हाल में नहीं है। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद करना है, जिसको चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो, गो फॉर इट फास्ट। तूफान 1,150 लोग यहां पे है बच्चों, बहुत जबरदस्त। ये लेक्चर YouTube पे अपलोड नहीं होगा बेटा, ये आपको यहीं देखना पड़ेगा, YouTube के पॉलिसीज के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। चलो डन, प्लीज केशव, प्रणव, जो भी है वो चैट के अंदर चैटिंग ना कीजिए, सिर्फ क्वेरी पूछनी है तो प्लीज क्वेरी पूछिए। ठीक है, और कोई भी किसी को चैट के अंदर कुछ नहीं बोलेगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस बंदे को मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा बेटा, वेरी सॉरी। ओके, नेक्स्ट सवाल किसी ने तो भी पूछा है, सर क्रिप्टो करेंसी को फॉरेन करेंसी माना जाएगा क्या? क्रिप्टो करेंसी अगर लीगली एक्सेप्टेड है और क्रिप्टो करेंसी ये बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज में आप ट्रेड कर रहे हो, तो इसको फॉरेन करेंसी नहीं माना जाएगा, इसको फॉरेन असेट माना जाएगा। क्लियर है? ये आपके बैलेंस शीट में एज असेट आप दिखा सकते हो, जैसे बिटकॉइंस। क्लियर है? ये चीज होने के बाद में अगले कंटेंट के ऊपर हम जा रहे हैं, फॉरेन सिक्योरिटी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? फॉरेन सिक्योरिटी का डेफिनेशन है, फॉरेन सिक्योरिटी मीन्स सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस इन द फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड सिक्योरिटीज एक्सप्रेस इन द फॉरेन करेंसी बट वेयर रिडेम्पशन और एनी फॉर्म ऑफ रिटर्न सच एज इंटरेस्ट और डिविडेंड इज पेबल इन इंडियन करेंसी। इसको भी मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दूं समझने के लिए। सबसे पहला पार्ट, मींस एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन द फॉरेन करेंसी। पहले पार्ट में बोला है कि कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट है
जो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है उसे हम फॉरेन सिक्योरिटी बोलेंगे, ठीक है, जो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड, चलो मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं दूसरा पार्ट क्या बोलता है, यहां कंफ्यूजन होने के चांसेस है तो बड़े अच्छे से ध्यान देना, कमेंट वमेंट सब छोड़िए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। एंड इंक्लूड्स अ सिक्योरिटीज एक्सप्रेस्ड इन द फॉरेन करेंसी, एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, मतलब ये तो पार्ट वन का ही पार्ट है, बिकॉज पार्ट वन में तो ऑलरेडी बोला है एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, तो ये पार्ट वन का ही पार्ट है, दैट मीन्स पार्ट नंबर टू इज जस्ट क्लैरिफिकेशन, दैट मीन्स पार्ट टू इज जस्ट क्लैरिफिकेशन। ये क्योंकि पार्ट वन में बोला है फॉरेन करेंसी तो पार्ट टू भी फॉरेन करेंसी बोल रहा है, तो सिर्फ क्लैरिफिकेशन है। बट वह रिडम्पशन और एनी फॉर्म ऑफ रिटर्न सच एज इंटरेस्ट और डिविडेंड इज पेबल इन कौन सा करेंसी, बोले एक बार जो से इंडियन करेंसी, तो ये उन्होंने क्लैरिफाई किया है पार्ट नंबर टू में। अब बहुत सारे बच्चों ने इसका एनालिसिस नहीं किया होगा, देना जरूरी है, इतने सारे केसेस है शेयर स्टॉक्स बॉन्ड्स डिबेंचर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, 8 केसेस, एक्सप्रेस और डिनोमिनेटेड, रिडम्पशन इन एंड रिटर्न इन। केस नंबर वन लेता है, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, अगर कोई भी एक्सप्रेस और डिनोमिनेटेड डॉलर में है, उसका रिडम्पशन डॉलर में है, रिटर्न डॉलर में है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का शेयर्स, एक्सप्रेस इन डॉलर, रिटर्न इन डॉलर, रिडम्पशन इन डॉलर, क्या ये फॉरेन सिक्योरिटी है? जरूर है, ये पॉइंट नंबर वन के हिसाब से फॉरेन सिक्योरिटी है, बिल्कुल है। दूसरा, ड्रॉन इन डॉलर्स, रिडम्पशन इन रूपी एंड रिटर्न इन डॉलर्स, क्या ये फॉरेन सिक्योरिटी है? यस है, पार्ट नंबर टू के हिसाब से फॉरेन सिक्योरिटी है। ड्रॉन इन डॉलर, रिडम्पशन इन डॉलर्स, रिटर्न इन रूपी, क्या ये फॉरेन सिक्योरिटी है? पार्ट नंबर टू के हिसाब से फॉरेन सिक्योरिटी है। ड्रॉन इन डॉलर, रिडम्पशन इन डॉलर, रिटर्न, रिडम्पशन इन रूपी, रिटर्न इन रूपी, क्या ये फॉरेन सिक्योरिटी है? हाँ है, एक जो पार्ट नंबर टू है उसके हिसाब से फॉरेन सिक्योरिटी है। सो सिंपली नेक्स्ट वाला पार्ट अगर हम देखें, ड्रॉन जो एक्सप्रेस और डिनोमिनेटेड इन रूपी है, अब मैं अगर बोलूं रिडम्पशन इसका डॉलर में है और रिटर्न इसका डॉलर में है, तो फिर भी ये फॉरेन सिक्योरिटी नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि दोनों कंडीशन में एक चीज कंफर्म है, फॉरेन करेंसी का डिनोमिनेशन होना चाहिए तो ही ये फॉरेन सिक्योरिटी होता है, दोनों कंडीशन में। सो ये फॉरेन सिक्योरिटी नहीं हो पाएगा, ड्रॉन डिनोमिनेटेड इन रूपी, रिडम्पशन इन डॉलर, रिटर्न इन रूपी, डिनोमिनेटेड इन रूपी, रिडम्पशन इन रूपी एंड रिटर्न इन डॉलर, डिनोमिनेटेड इन रूपी, रिडम्पशन इन रूपी, रिटर्न इन रूपी। तो याद रखना, इसमें से कोई भी फॉरेन सिक्योरिटी नहीं है, सिंपली जो डिनोमिनेटेड इन रूपी है वो कभी फॉरेन सिक्योरिटी नहीं होता, जो डिनोमिनेटेड इन डॉलर है वही हमेशा फॉरेन सिक्योरिटी होता है। इस चीज को आपने याद रखना, जिनको समझ में आए स्क्रीनशॉट ले लो, रिवर्स करके वापस देख लो, गो फॉर इट फास्ट। थैंक यू सो मच कपिल सर फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच। मैं कपिल सर को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी एक आधा वनडे रिविजन ऐसा लीजिए और डिक्लेयर कीजिए, सर रिक्वेस्ट है, डिपेंडिंग ऑन आपका सिचुएशन का है, घर पे स्टूडियो है या नहीं है, क्वारंटीन चल रहा है, माइट भी बहुत डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, सो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। चलो बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वाला सिचुएशन, ये हो गया सबका। आफ्टर फॉरेन सिक्योरिटी वी आर गोइंग फॉर डेफिनेशन ऑफ पर्सन, सबको पता है, सात लोग आते हैं तो उसको मैं स्किप करूंगा। फिर आता है वो तहलका वाला डेफिनेशन, और मैं पहले ही बोल दूं, अब ये जो डेफिनेशन मैं समझा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना, मेरे क्लास के लेक्चर के अंदर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया के ऊपर 1.5 घंटे का डिस्कशन होता है, मैं इसको जल्दी से जल्दी कट शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, सो मैं डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करता हूं, ध्यान देना। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स, पहली बात means, इसको डिवाइड किया है चार पार्ट में, पॉइंट नंबर वन इज अबाउट इंडिविजुअल, पॉइंट नंबर टू थ्री एंड फोर इज अबाउट आर्टिफिशियल पर्सन। सो पहले हम सिर्फ इंडिविजुअल को खत्म करेंगे, फिर हम आर्टिफिशियल पर्सन पे जाएंगे। पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, ठीक है, पहले तो आपकी टैक्स की डेफिनेशन साइड में रखो, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन होगा। सो फॉर मोर देन 182 डेज, वो भी बोला है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बट डज नॉट इंक्लूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला एरिया, डज नॉट इंक्लूड वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अ पर्सन हु हैज गोन आउट ऑफ इंडिया और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया इन आइदर केस, डज नॉट इंक्लूड हु गोज आउटसाइड इन आइदर केस, गोज आउट और स्टेज आउट इन आइदर केस, तीन वर्ड्स को मार्क करूंगा, एम्प्लॉयमेंट, दूसरा बिजनेस वोकेशन, और तीसरा इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड फॉर अनसर्टन पीरियड।
क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना, ये चीज को आपने याद रखना। ये जो तीन है इनको मैं कहता हूं बच्चों एसपी, स्पेसिफाइड पर्पस, इसको हम कहते हैं एसपी, स्पेसिफाइड पर्पस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। और ये छोड़ के बचे हुए जितने भी है अदर देन एसपी, वी कॉल्ड देम एज अ एनएसपी, नॉन स्पेसिफाइड पर्पस। क्लियर है कंसेप्ट? फिर दूसरे पार्ट के ऊपर जाते हैं। अब ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा बच्चों। अ पर्सन हु कम्स टू इंडिया और हु स्टेज इन इंडिया इन आइदर केस अदरवाइज देन, अब ये चीज को याद रखना है, डज नॉट इंक्लूड अदरवाइज देन, डज नॉट इंक्लूड अदरवाइज देन, डज नॉट इंक्लूड अदरवाइज देन, मतलब नीचे दिए गई चीजें इंक्लूड होगी, डज नॉट इंक्लूड नीचे दिए गए चीजों में, मतलब नीचे जो दिया है वो छोड़ के कुछ इंक्लूड नहीं होगा, मतलब नीचे दिया गया इंक्लूड होगा, मतलब नीचे जो बोला गया है कि कम्स टू इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, कम्स टू इंडिया फॉर बिजनेस वोकेशन, कम्स टू इंडिया फॉर इंटेंशन टू स्टे फॉर अनसर्टन पीरियड, ये जो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इंडिया में आएगा उसको हम इंक्लूड करेंगे रेसिडेंट के डेफिनेशन में। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अगर इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो वर्ड के ऊपर जरा ध्यान देना। इंडिविजुअल है जो रेसिडेंट है फॉर लेस देन 182 डेज, 182 दिन से कम, ये हमारा एसिड कंडीशन है। अगर आपने ये सेटिस्फाई नहीं किया तो आपकी लग गई, आप कभी भी इंडियन रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो ऐसे सिचुएशन में आप पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बोले जाओगे। मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया है वहां पे एक रेसिडेंस का क्वेश्चन दिया है, 182 दिन से उसका कम रेसिडेंस है, मॉड्यूल सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में फिर भी उसको रेसिडेंट बोला है, मतलब ये इतनी गलतियां करते हैं सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, मन करता है खैर छोड़ो गो कोरोना, ठीक है आगे। सो ऐसे सिचुएशन के अंदर उसको पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बोला जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया? नेक्स्ट, अगली चीज, इफ नॉट, अगर वो इंडिया में 182 दिन से ज्यादा रहता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में और करंट ईयर में वो बंदा इंडिया में आता है फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस, अगर वो इंडिया में आता है फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, पिछले साल 182 दिन रहा था, इंडिया में इस साल आया है स्पेसिफाइड पर्पस, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट वोकेशन के लिए, सुबह का बोला शाम को घर वापस आ गया है, ठीक है, पिछले साल 182 दिन था, करंट ईयर में वो इंडिया में बिजनेस वोकेशन के लिए आ रहा है, क्या इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा? अगर ऑब्वियसली ये करेगा तो ऐसे केस में इसका स्टेटस जो माना जाएगा वो रहेगा पीआरआई। अगर वो इंडिया में सिर्फ घूमने फिरने के लिए आया, पिछले साल 182 दिन से ज्यादा था पर इंडिया में अभी घूमने फिरने आया, अतिथि, सिर्फ घूमने फिरने के लिए आया, गोवा तीर्थ क्षेत्र, इंडिया का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है ना गोवा, क्योंकि वहां तीर्थ सस्ता मिलता है, तो गोवा घूमने के लिए गया, नजारे देखने के लिए गया, तो क्या आप उसको रेसिडेंट मानोगे? नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में उसका स्टेटस पीआरओआई होता है। फिलहाल मैं पीआरओआई बोल रहा हूं, फिलहाल ही बोल रहा हूं, 2-3 केसेस के बाद इसका हम चेंज कर देंगे, ठीक है, जस्ट वेट फॉर इट। इन केस ऑफ स्पेसिफाइड पर्पस, अगर वो आउटसाइड इंडिया जाता है, इन केस ऑफ स्पेसिफाइड पर्पस, पिछले साल 182 दिन था, खाया पिया जिया यहां पे, सीखा यहां पे, यहां पे पूरा का पूरा कामकाज, यहां पे पूरा का पूरा सीखा, एजुकेशन लिया, खाया पिया जिया यहां पे, जब काम करने की बारी आई तो बाहर चला गया, एनआरआई, नॉन रिक्वायर्ड इंडियन, देशद्रोही, तो स्टेटस क्या हो जाएगा? पीआरओआई। क्लियर है कंसेप्ट? लेकिन बाहर सिर्फ घूमने फिरने के लिए जा रहा है, शादी हुई, जस्ट शादी होने के बाद लोग जाते हैं ना घूमने के लिए, जाना चाहिए, क्लियर है, पर बाहर कितने दिन घूमेगा और कितने दिन बाहर रहेगा? शादी के बाद इतने दिन थोड़ी ना बाहर रहते हैं, बोर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली घर पे तो आएगा, तो सुबह का भूला जब शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते, उसे कहते पीआरआई। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ है ना। तो ये चीज को आपने अच्छे से याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी चाहिए, गो फॉर इट फास्ट। चलो डन, पानी वानी पी लो। चलो हो गया सबका, ओके। ये अगर चीज आपकी बड़े अच्छे तरीके से हो गई तो जाते हैं आगे। अगर प्रीवियस ईयर में रेसिडेंस मोर देन लेस देन 182 डेज है तो ऑब्वियसली बात है करंट ईयर में वो चाहे बाहर जाए, बाहर का एरो मतलब बाहर जा रहा है स्पेसिफाइड एसपी मतलब स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, अगर करंट ईयर में वो बाहर जा रहा है या करंट ईयर में अंदर आ रहा है स्पेसिफाइड पर्पस के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीवियस ईयर में 182 दिन से कम है स्टेटस हो जाएगा पीआरओआई। नीचे उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, प्रीवियस ईयर में मोर देन 182 है, 82 डेज है, प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा है और करंट ईयर में स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर जा रहा है तो बेटा स्टेटस होगा पीआरओआई। ठीक है, डायग्राम वापस देखना आपको समझ में आएगा। अगर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए वापस इंडिया में आता है तो स्टेटस हो जाएगा पीआरआई, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा था, करंट ईयर में स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इंडिया में आया, स्टेटस पीआरआई, वापस बाहर आ गया पीआरओआई। तो ये ब्यूटी है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रेसिडेंशियल स्टेटस की, कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस साल में कितने भी बार चेंज हो सकता है, कितने भी बार। कंसेप्ट समझ में आया? ये चीज होने के बाद में अगर हम आगे बढ़े तो अगली चीज, प्रीवियस ईयर में रेसिडेंस मोर देन 182 डेज, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर गया तो स्टेटस पीआरओआई, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए अंदर आया तो स्टेटस पीआरआई, स्पेसिफाइड के लिए वापस बाहर गया पीआरओआई, वापस अंदर आया पीआरआई, वापस बाहर गया पीआरओआई, और ये जिंदगी भर चलता रहेगा।
जितने बार चाहो उतने बार आप साल में ये कर सकते हो, क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेपाल इंडिया के बॉर्डर पे खड़ा रहना और डोलते रहना, दोनों जॉब ऑफर लेटर रहना, एक नेपाल की कंपनी का और एक इंडिया की कंपनी का, घूमते रहना वहां पे, कंसिस्टेंटली स्टेटस चेंज होगा। अब मैं जरा काम की चीज के ऊपर जा रहा हूं। अगर प्रीवियस ईयर में रेसिडेंस इज मोर देन 182 डेज एंड करंट ईयर में स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर गया तो स्टेटस पीआरओआई होता है। क्या होता है बोले एक बार, पीआरओआई। करंट ईयर में नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए अंदर आया, एनएसपी के लिए अंदर आया, बाहर गया था माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लिया, इंडिया में आया घूमने फिरने के लिए, इंडिया में आया, इंडिया में घूमा फिरा और उसके बाद बाहर भी घूमने फिरने के लिए जा रहा है, देखना सिचुएशन, बाहर गया इंडिया में आया घूमने फिरने के लिए तो स्टेटस पीआरआई हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? सॉरी माय मिस्टेक, होल्ड। स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर गया पीआरओआई, नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इंडिया में आया ऑब्वियसली पीआरओआई, क्लियर है। फिर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर गया पीआरओआई, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इंडिया में आया पीआरआई, नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर गया स्टेटस पीआरआई। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, क्योंकि बाहर घूमने फिरने जा रहा है, जब बाहर से इंडिया में घूमने फिरने आता है तो अतिथि, अतिथि कभी भी रेसिडेंट नहीं हो सकता, और इंडिया से बाहर घूमने जा रहा है तो सुबह का बुला शाम को घर वापस आ जाएगा, जब आएगा पीआरआई ही मानेंगे। अगली चीज, अब बहुत क्रूशियल वाला एरिया, अच्छे से ध्यान देना, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर जा रहा है तो स्टेटस पीआरओआई, एनएसपी के लिए अंदर आया पीआरओआई, और एनएसपी के लिए ही बाहर गया। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा था पीटर या पिटरी, छह महीने के लिए जॉब कर रहा था माइक्रोसॉफ्ट में, छह महीने की छुट्टी मिली जिसमें से तीन महीने इंडिया में घूमने आया और तीन महीने बैंकॉक गया घूमने के लिए, तीन महीने इंडिया में चारों धाम की यात्रा की, बहुत पुण्य कर लिए, फिर बैंकॉक जाके पाप कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जब नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर जाएगा तो क्या होगा? सर नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर जाएगा तो स्टेटस पीआरआई सर, ना यहां पीआरओआई होगा, क्योंकि जब वो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा था क्या वो हमारा था? नहीं। जब वो इंडिया में आके चारों धाम की यात्रा कर रहा है क्या हमारा है? नहीं। तो जब बाहर जाके वो घूमेगा तो क्या हमारा रहेगा? नहीं। अगला केस, अगर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर आ गया, बाहर गया पीआरओआई, अगर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इंडिया में आया स्टेटस क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो एक बार, पीआरआई। अगर नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर गया, काय के लिए बाहर गया? नॉन स्पेसिफाइड पर्पस, तो ऐसे सिचुएशन में स्टेटस पीआरआई, और अगर वही नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इंडिया में घूमने के लिए आया तो अगेन स्टेटस पीआरआई होगा। अभी एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, रेगुलर बैच में इसको बहुत 15-20 मिनट तक के खींचता हूं, पर ये डायग्राम को आपने याद रखना, ये आपको हेल्प करेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखना, एक आधा केस बना के देखना, एक एग्जांपल बना के देखना, समझ में आएगा। सो ओवरऑल इसको कंक्लूड करूं, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर गया पीआरओआई, एनएसपी के लिए अंदर आया पीआरओआई, बाहर गया पीआरओआई, अगर एसपी के लिए अंदर आया पीआरआई, एनएसपी के लिए बाहर गया इसलिए पीआरआई, और एनएसपी के लिए अंदर आया पीआरआई। कह रहे इस पूरे डायग्राम पर से आपको समझ में क्या आता है? बहुत सिंपल सटीक इंटरप्रिटेशन है, ध्यान देना अच्छे से। जहां भी एनएसपी के लिए बाहर जाएगा, जहां कहीं पे भी एनएसपी के लिए बाहर जाएगा, याद रखना पिछला स्टेटस कैरी फॉरवर्ड करना है। बहुत सिंपल इंटरप्रिटेशन, जहां कहीं पे भी एनएसपी के लिए बाहर जाएगा पिछला वाला स्टेटस कैरी करना है, जहां पे भी एनएसपी लिखा है पिछला स्टेटस कैरी करना है। मतलब ये आपके एग्जाम के लिए बच्चों मेमोरी टेक्निक हो गई, सिंपल सी, एनएसपी देखा कैरी फॉरवर्ड, जो पिछला स्टेटस है कैरी फॉरवर्ड करना, और सिर्फ जब वो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर जाता है तब वो पीआरओआई होता है, और स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इंडिया में आएगा तब वो पीआरआई होगा। इतना आपको याद रखना है। सो सिंपली आपको तीन रूल याद रखने हैं। रूल नंबर वन, एसपी के लिए बाहर गया पीआरओआई। रूल नंबर टू, एसपी के लिए अंदर आया पीआरआई। रूल नंबर वन, एसपी के लिए बाहर गया पीआरओआई। रूल नंबर टू, एसपी के लिए अंदर आया पीआरआई। क्लियर है? रूल नंबर थ्री, एनएसपी के लिए किधर भी जाए लास्ट स्टेटस कैरी फॉरवर्ड। पर सर आपने डायग्राम में तो बोला था कि वो पीआरआई पीआरओआई होगा। डायग्राम में इसलिए बोला था क्योंकि डायरेक्ट अगर कैरी फॉरवर्ड बोलता तो जिनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है वो बच्चे बिथर जाते थे। तो यहां पर अब मैं लिखना चाहूंगा कि यह है कैरी फॉरवर्ड। ये दोनों सिचुएशंस को हम कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं। नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के वजह से आपका स्टेटस चेंज नहीं होता। आप बेयर टेक्स के साथ लॉजिकली इसको कैसा भी चेक कर लो, इंटरप्रिटेशन 100% यही है। कंसेप्ट समझ में? और इसलिए देखना उन्होंने डेफिनेशन के अंदर एनएसपी का कहीं जिक्र ही नहीं किया, सिर्फ स्पेसिफाइड पर्पस का जिक्र किया, क्योंकि ड्राफ्टमैन भी यह चाहता था कि जब एनएसपी का जिक्र हो तो कुछ बोले ही ना तो जो स्टेटस है वो ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगर वो कुछ नहीं बोलेगा तो, और वही हो रहा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब चाहिए तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो फटाफट। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, गो फॉर इट फास्ट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत बढ़िया। फिर अगला वाला केस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बड़ा काम का है। हाँ
बहुत काम की चीज है ये। चलो डन डन एवरीबडी, बूस्टर से ही पढ़ा रहा हूँ सागर। चलो हो गया सबका। ये चीज होने के बाद में अगले वाले केस के ऊपर मैं जा रहा हूँ। बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छे से ध्यान देना। मैं बूस्टर के फ्लो के हिसाब से ही जा रहा हूँ, थोड़ा सा ऑब्वियसली इधर उधर शफल करना पड़ेगा बिकॉज मुझे पढ़ाते वक्त कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है बेटा, ठीक है। अगले चीज के ऊपर जा रहा हूँ। अभी एक मैंने खाली लाइन रखा है मेरे बूस्टर बुक में और रेगुलर बुक में कि आपको, मगर मैं लिटरली बोलू तो नॉर्मली हम क्लास के अंदर ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब इतने सारे स्टेटस हम क्लास में डिटरमाइन करते हैं, सिर्फ एरो निकालते हैं, अंदर गया बाहर आया बाहर गया अंदर आया बाहर गया अंदर आया अंदर आया अंदर आया बाहर गया, सिर्फ ऐसा करते करते आप इसका खिलवाड़ करके देखना, आपको समझ में आएगा। अगले वाले सिचुएशन के ऊपर जाते हैं। प्रीवियस ईयर में रेसिडेंस इज मोर देन 182 डेज और करंट फाइनेंशियल ईयर में स्पेसिफाइड पर्पज के लिए बंदा बाहर गया, स्पेसिफाइड पर्पज के लिए बंदा बाहर गया तो स्टेटस PRY होगा। क्या होगा बोले एक बार, PRY। लेकिन बाहर ही उसने बड़ा उसके बाद वो बाहर से अंदर आया नॉन स्पेसिफाइड पर्पज के लिए घूमने के लिए, और फिर इंडिया में आके उसने वड़ा पाव की गाड़ी लगा दी, ठीक है। वड़ा पाव आपके यहाँ पे पाव भाजी जिस एरिया के आप वहां पे वो वाली भाजी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर मोमोज की गाड़ी लगा दी, बंगाल में फिश की गाड़ी लगा दी, जहां पे भी हो गाड़ी लगाना जरूरी है। सो घूमने फिरने के लिए गोवा आया था, गोवा में उसने, गोवा में तो एक ही चीज सस्ती मिलती है, दुकान खोल दिया और स्पेसिफाइड पर्पज में यही रुक गया, तो ऐसे सिचुएशन में उसका स्टेटस हो जाएगा PRI। दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्ड हु कम्स टू इंडिया और हु स्टेज इन इंडिया, लेकिन प्रोवाइडेड पिछले साल में आपका रेसिडेंस 182 दिन से ज्यादा होना चाहिए तो ही ये होगा। दूसरा एग्जांपल, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर गया, स्पेसिफाइड के लिए अंदर आया, PRY PRI। एनएसपी के लिए बाहर गया, एनएसपी के लिए बाहर गया तो स्टेटस क्या होना चाहिए, PRI। और ऐसे केस में बाहर ही उसने वड़ा पाव की गाड़ी डाल दी, यूएसए में न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पे वड़ा पाव की गाड़ी, तो मुझे एक बार बताओ स्टेटस क्या होगा, तो स्टेटस हो जाएगा PRY। इसका मतलब होता है, ये मीनिंग है उस वर्ड का, हु स्टेज आउटसाइड इंडिया, हु स्टेज आउटसाइड इंडिया। समझ में आया है सबको, हाँ है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो, बड़ी काम की चीज है। चलो बहुत बढ़िया, मैं क्वेरीज एंटरटेन करूंगा इसके, जस्ट वेट फॉर दिस। चलो ये होने के बाद में खत्म नहीं हुआ, हाँ खत्म नहीं, अभी PRI तो चल रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल का सिंपल सा एक और डायग्राम दे रहा हूं, ये डायग्राम नॉर्मल रेगुलर बैच में डिस्कस करता हूं, फिलहाल हम रिविजन इसके वजह से नहीं कर पाएंगे, ध्यान देना। अगर कोई एयर हॉस्टेस है, एयर हॉस्टेस सर, एयर हॉस्टेस निकम हो, वापस आओ वापस आओ। अगर कोई एयर हॉस्टेस है और समझो वो है कतार एयरलाइंस की, जो दुबई से उड़ान भरती है और इंडिया में मुंबई में आती है। अब ये जब दुबई से उड़ान भरती है और इंडिया में मुंबई में आती है और जब इंडिया से वापस दुबई जाती है, तो ये पूरी राउंड ट्रिप उसको कंप्लीट करने के लिए लगते हैं 24 घंटे। और 24 घंटे लड़की काम कर रही है, थक जाएगी तो भैया आराम करने का भी तो समय चाहिए, इसलिए उसका 2 दिन का लेवर है दुबई में कि वो रेस्ट कर पाए, लेकिन उसको एम्प्लॉयमेंट के डेज में ही काउंट किया जाता है बिकॉज इट इज रेस्टिंग पीरियड। अब इस रीजन के वजह से उसका लेवर कुछ इस कदर दिख रहा था, 1:2 डे, 1 डे मतलब 24 आवर्स, 2 डे मतलब जो लेवर का पीरियड है, क्लियर है। अब दुबई में हो गया बॉम्ब ब्लास्ट, जिस वजह से उसका लेवर शिफ्ट कर दिया गया मुंबई, और अब मुंबई में उसका लेवर चल रहा है 2 दिन के लिए। इस हिसाब से अगर हम देखें तो वो 1:2 डेज में 1 दिन वो पूरी हवा में है, कहां है, हवा में, बोलो कमेंट में, हवा में, और 2 दिन वो कहां पे है, इंडिया में, कहां है, जोर से बोलो एक बार, इंडिया में। जिनको भी लाइव चैट से दिक्कत है वो प्लीज लाइव चैट बंद कर सकते हैं, आपके डिवाइस में इसका ऑप्शन है, ठीक है। सो उसको कोसना बंद कीजिए जो चैट कर रहा है, खुद का कंट्रोल खुद ही को करना पड़ता है। जब पैरों को गर्मी लगती है या पैरों को चटके लगते हैं तो पूरे धरती के ऊपर रबर नहीं बिछाया जाता, चप्पल अपने पैरों में ही पहननी पड़ती है, याद रखना इसको, ठीक है। सो 1:2 डेज में जिसमें 1 दिन वो है हवा में और 2 दिन वो कहां पे है, बोले एक बार, इंडिया में। इस हिसाब से अगर मैं 1 महीने का देखूं तो 10 दिन हवा में, 20 दिन इंडिया में। अगर मैं बोलूं पूरे 1 साल का तो नियरली 120 दिन हवा में और 240 दिन इंडिया में। अब अगर ये इसका स्टेटस है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26, 2025-26 में 240 दिन इंडिया में थी, अब जब मैं 2026-27 का स्टेटस निकालूंगा तो क्या मैं 182 डेज के कैलकुलेशन में क्या ये 240 दिन को गिनूं, इसके लेवर को गिनूं? क्योंकि अगर इसके लेवर को गिन लिया और वो इंडिया में है तो 26-27 में देर आर चांसेस कि वो PRI हो सकती है। बताओ क्या मैं इसके स्टेटस को गिनूं? कमेंट में डालो, सब जन में पढ़ रहा हूं, कमेंट में डालो क्या इसको हमने PRI बोलना चाहिए, PRY बोलना चाहिए, फटाफट फटाफट।
शानदार, तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद। सो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं नहीं सर PRY। सो यहां इसका स्टेटस PRI नहीं होगा, इसका स्टेटस PRY होगा। क्यों? क्योंकि इसका रेसिडेंस नहीं है, इसका स्टे है। अगर इस लड़की को हमने 15-20 दिन की छुट्टी दी तो ये जाके कहां रहना चाहेगी? दुबई में। क्लियर है? इसका घर बार संसार कहां पे है? बार नहीं, माय मिस्टेक, घर संसार कहां है? दुबई में। वो इंडिया में मजबूरी में रह रही है। तो लोग, कुछ बच्चे बोलते हैं सर वो इंडिया में तो जॉब के लिए आई है। जॉब के लिए नहीं आई है, जॉब के लिए तो दुबई में गई थी। जॉब के वजह से लगने के बाद वो इंडिया में आई है। कह रहे कि उसके जॉब ने बोला इंडिया में आ, इसलिए वो दिल से यहां पे है क्या? नहीं, वो सिर्फ तन से यहां पे है, मन से नहीं। जो हमारे यहां मन से नहीं होता हम उसको रेसिडेंट नहीं मानते, हमें तो मन से रहने वाले लोगों की जरूरत है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना, ये चीज को याद रखना, क्लियर है कंसेप्ट सबको? अगली चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड। बाकी है, रेसिडेंट भी चलेगा थोड़ा और। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड? इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड, इसके लिए एग्जाम्पल दिया था चेन्नई हाईकोर्ट ने। चेन्नई हाईकोर्ट बोलता है मद्रास हाईकोर्ट, इमेजिन कोई करो करो कोई पतिव्रता पत्नी है, उस पतिव्रता पत्नी की NRI से शादी हो गई, नॉन रिक्वायर्ड इंडियन, पति के चरणों में स्वर्ग है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर NRI बाहर जॉब करने के लिए जाएगा तो पत्नी भी उसके साथ साथ जाएगी। बोलो हाँ, बोलो हाँ, तो पत्नी भी उसके साथ साथ जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में पत्नी को पूछो क्यों जा रही है, तो बोले मोरे पिया जा रही इसलिए जाऊंगी। पूछो कब आएगी, बोले मोरे पिया जब आएंगे तब आऊंगी, मोरे पिया गए रंगून। क्लियर है सर? तो ऐसे सिचुएशन में इसे कहते हैं इंटेंशन टू स्टे फॉर अनसर्टेन पीरियड। लड़कियों को बुरा लगा होगा, आई एम वेरी सॉरी, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं, सिर्फ मजाक के लिए। उनके लिए दूसरा एग्जांपल, सिंह इज किंग मूवी के अंदर अक्षय कुमार खुद के दोस्त को ढूंढने के लिए फॉरेन में जाता है। उसको पूछो कब आएगा, तो बोले जब दोस्त आएगा तभी वापस आऊंगा। इंटेंशन टू स्टे फॉर अनसर्टेन पीरियड। क्लियर? अक्षय कुमार सुन के थोड़ा दिल भी बहल गया होगा। ठीक है, तो ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है सर? फिर अगली चीज आती है, अगर एजुकेशन वाला केस है, आपका बेटा एजुकेशन के लिए जा रहा है ये 4 सालों में बाहर, ये 4 सालों में आपका बेटा एजुकेशन के लिए जा रहा है बाहर, फॉर फाइनेंशियल ईयर 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, इस केस में वो एजुकेशन के लिए बाहर जा रहा है। 10-11 में इंडिया में था, रेसिडेंशियल स्टेटस PRI। 11-12 में इंडिया में था, रेसिडेंशियल स्टेटस PRI। 12-13 में फॉरेन गया, रेसिडेंशियल स्टेटस PRI एज पर ICAI। एज पर ICAI, हालांकि अगर आप मेरे को पूछो, मैं इसको थोड़ा सा साइड में रखना चाहूंगा, एक्चुअली ICAI के हिसाब से इसका स्टेटस PRI है, लेकिन अगर आप मुझे पूछो ना तो एक्चुअली RBI का इसके ऊपर एक सर्क्यूलर है। RBI बोलता है ऐसे लोगों को PRY कंसिडर करना चाहिए, लेकिन RBI आपको तो कौन मार्क देने वाला है, RBI या ICAI? बोलो कमेंट के अंदर कौन मार्क देने वाला है, RBI ICAI? देख रहा हूं मैं निकम्मो, बहुत बढ़िया, सबने कमेंट करना, एक्टिव रहना पूरे लेक्चर के अंदर। कोई सोया ना तो उसका उसका एक्स उसके वाई के साथ भाग जाएगा जिंदगी के अंदर, या बात को याद रखना। सो यहां पे RBI नहीं ICAI मार्क देगा, तो इसलिए स्टेटस हमको PRI ही बोलना पड़ेगा। सर PRI क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में रेसिडेंस वॉज मोर देन 182 डेज। अगले साल फॉरेन में ही है, स्टेटस PR OI होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर की बेसिक कंडीशन कंप्लाई नहीं की, रेसिडेंस इज लेस देन 182 डेज। अगला साल PROI, उसका अगला साल भी PROI। क्लियर है? उसका अगला साल भी PROI, क्योंकि प्रीवियस ईयर में रेसिडेंस इज लेस देन 182 डेज। क्लियर है? अब उसका अगला साल PRI हो सकता है, बिकॉज इंडिया में भी है और प्रीवियस ईयर में रेसिडेंस इज मोर देन 182 डेज, उसका अगला साल PRI। यह है एजुकेशन के लिए, काय के लिए बोले मतलब जो से एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन इज नॉट अ स्पेसिफाइड पर्पज। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, प्लीज स्क्रीनशॉट लेके रखिए, गो फॉर इट फर्स्ट। शानदार, तूफान, ICAI, PRY, जबरदस्त, जिंदाबाद। इटालिक्स में कमेंट ना डालिए, आपकी कमेंट छुप जाएगी बच्चों। ओके, अगर अब इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए किसी को कोई दिक्कत है क्वेरीज, ICAI लिखना बंद कीजिए, PRY लिखना बंद कीजिए। ठीक है, सो अगर इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज यहां पे पूछ सकता है, तब तक मैं इंडिविजुअल को कंप्लीट करता हूं, लेट्स गो। अब सवाल है कि सर इनकम टैक्स के रेसिडेंशियल स्टेटस और फीमा के रेसिडेंशियल स्टेटस में डिफरेंस क्या है? कई सारे बच्चों को यह पता ही नहीं होगा, पर ये कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कहीं एक आध बार पूछ ले। और ICAI के तो दो सब्जेक्ट वाले क्रॉस रेफरेंस के सवाल तो बड़े फेवरेट होते हैं हमेशा, तो आपको पता है ICAI इसके केस में क्या करता है, लेट्स गो। सबसे पहले इनकम टैक्स में जो पर्पज है वो है असेसमेंट ऑफ इनकम, असेसमेंट ऑफ इनकम। फेमा के अंदर जो पर्पज है दैट इज अप्लीकेबिलिटी ऑफ फेमा, फेमा एप्लीकेशन करना है इसके लिए हम रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करते हैं। इनकम टैक्स में जो फाइनेंशियल ईयर कंसिडर होता है वो होता है ईयर ऑफ इनकम, फेमा में प्रीवियस ईयर कंसिडर होता है करंट फाइनेंशियल ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने के लिए। डेज, इनकम टैक्स में 182 डेज और मोर है,
फेमा में मोर देन 182 डेज है। ये बहुत सारे बच्चों को डिफरेंस पता नहीं होगा पर याद रखना। ईयर ऑफ क्वेश्चन इनकम टैक्स में ईयर ऑफ क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर होता है फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट ईयर। फेमा में ईयर ऑफ क्वेश्चन होता है करंट ईयर, सिर्फ करंट ईयर डिपेंड करता है प्रीवियस ईयर पे। इनकम टैक्स में हम प्रीवियस ईयर का स्टेटस ही प्रीवियस ईयर में निकालते हैं पर असेसमेंट ईयर में बताते हैं, ठीक है। सिटीजनशिप इनकम टैक्स में पहले सिटीजनशिप का कोई क्लॉज था, आई गेस अभी नहीं लगता, फेमा के अंदर भी सिटीजनशिप नहीं है। मतलब आप कहीं के भी सिटीजन हो, आप नाइजीरिया युगांडा का भी सिटीजन हो, पर आप इंडिया में अगर जॉब कर रहे हो और पिछले साल 182 दिन से ज्यादा हो तो आपको इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बड़ी काम की चीज है, एग्जाम में हो सकता है 4 मार्क के लिए पूछ ले। If there is no specific purpose but intention, when there is no specific purpose Vishwas, then we'll see intention to stay outside for uncertain period. अगर uncertain period है तो status will be PRY, लेकिन अगर uncertain period नहीं है तो status will be PRI Vivek, Vishwas. हाँ, अगर previous year में दीप 182 दिन से ज्यादा है और 16-17 में अगर वो इंडिया में employment के लिए आया तो status PRI होगा। यस बेटा, ये डिफरेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले बोला है नॉर्मली ऐसे सवाल आईसीआई के फेवरेट होते हैं, एक आधा ऐसा उड़ा हुआ सवाल आईसीआई नॉर्मली देता है। थैंक यू सो मच बेटा, निस्वार्थ, आई ट्राइड माय बेस्ट। हाँ, आरबीआई सर्कुलर वी हैव मेंशन, बट आईसीआई के हिसाब से आपको फॉलो करना है बेटा। अमेंडमेंट सब कवर हो रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, लेकिन अमेंडमेंट अगर पूरे नए टॉपिक है डिस्प तो ऐसे सिचुएशन में आपने अमेंडमेंट लेक्चर देखना चाहिए, क्योंकि यहां पर मैं सिर्फ ब्रीफ ले रहा हूं अमेंडमेंट्स का। चलो डन एवरीबॉडी। सिटीजनशिप पहले इनकम टैक्स में मस्त था, मैंने कुछ बैचेस में भी ये बोला था कि इनकम टैक्स में सिटीजनशिप मस्त था, फिर उसके बाद मैंने इनकम टैक्स से, मेरा इनकम टैक्स तो माशाल्लाह है इसलिए मेरे ऊपर तो भरोसा करो ही मत, ये भी मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाला है। तो सिटीजनशिप पहले इनकम टैक्स में मस्त था, लेकिन अभी सिटीजनशिप इनकम टैक्स में नहीं था, ऐसा मेरे को बड़ी सारी इनकम टैक्स के टीचर ने बोला और मेरे को उल्लू बनाया, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने उसके ऊपर कमेंट करना छोड़ दिया सिटीजनशिप के मामले में, क्योंकि वो कुछ बोलते हैं डिस्प्यूटेड है, कुछ बोलते हैं छोड़ो। फेमा में सिटीजनशिप कंपलसरी नहीं है, ये मस्ट है, ये कंपलसरी है, मेरे को मालूम भी है, क्लियर है आंसर। चलो, ये चीज होने के बाद मैं अगले कंटेंट के ऊपर जा रहा हूं, आर्टिफिशियल पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस। अब आर्टिफिशियल पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस अगर आपको समझना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए आर्टिफिशियल पर्सन का, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, कोई भी पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ है उसका स्टेटस पीआरआई होगा। एनी ऑफिस ब्रांच एजेंसी इन इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पीआरओआई, अगर बाहर के पर्सन ने इंडियन ब्रांच ऑफिस एजेंसी कंट्रोल किया है तो इंडियन ब्रांच ऑफिस एजेंसी का स्टेटस पीआरआई, बाहर के पर्सन का पीआरओआई रहेगा। एनी ब्रांच ऑफिस एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पीआरआई, बाहर कोई ब्रांच ऑफिस एजेंसी है जो इंडियन पीआरआई ने कंट्रोल किया है तो ऐसे सिचुएशन में उसका स्टेटस भी हम कंसीडर करते हैं पीआरआई। ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। अब आ जाओ आर्टिफिशियल पर्सन के रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। तो मित्रों, आज रात 8 बजे से फील आ गया था, अभी 5-6 दिन से वही दिख रहा हूं ना। अगर बाहर कोई कंपनी है जिसका जिसका नाम है, मोदी जी की आवाज में पढ़ेंगे, अगर बाहर कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड और वो बाहर इनकॉर्पोरेटेड है तो स्टेटस होगा पीआरओआई। अगर उसका इंडिया में सब्सिडरी है और हमें उल्टे उल्टे काम करने की आदत है, कंपनी का नाम है माइक्रो हार्ड लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रो हार्ड लिमिटेड, तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया में रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड है, बाहर के पर्सन से पीआरओआई से कंट्रोल्ड है, पॉइंट नंबर 2 और 3 के हिसाब से, पॉइंट नंबर 2 और 3 के हिसाब से स्टेटस होगा पीआरआई। अगर इस कंपनी का ऑस्ट्रेलिया में सब्सिडरी है और ऑस्ट्रेलिया की सब्सिडरी का नाम है माइक्रो बबल लिमिटेड तो उसका स्टेटस भी पीआरआई। कोई भी बाहर का ब्रांच ऑफिस एजेंसी पॉइंट नंबर 4 में पीआरआई बन जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलियन सब्सिडरी का अफ्रीका में सब्सिडरी है, बताओ बताओ स्टेटस क्या होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता ऑस्ट्रेलिया का अफ्रीकन सब्सिडरी, बताओ क्या होगा, ब्रांच ऑफिस एजेंसी इन अफ्रीका ऑफ ऑस्ट्रेलियन कंपनी, बताओ क्या होगा, बताओ, पढ़ू तो जरा मैं क्या कमेंट कर रहे हो जिंदगी में, हा हा हा, स्टेटस बताओ बताओ बताओ, अलग अलग कमेंट, कोई पीआरआई लिख रहा शानदार, जो पीआरआई लिख रहा तूफान, इसका स्टेटस होगा मित्रों पीआरआई। सर कौन से पॉइंट में, पॉइंट नंबर 4, क्या वर्डिंग है, एनी ब्रांच ऑफिस और एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पीआरआई, अरे ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पीआरआई बोला है, इंडिया में रहना जरूरी नहीं है, यह भी पीआरआई है।
और ये पियारा है, ये जिसको भी कंट्रोल करेगा वो भी पियारा होगा। इसका मतलब है ये कितने लोगों को भी कंट्रोल करे, अफ्रीकन सब्सिडरी के हजार ब्रांच ऑफिस एजेंसी है, सबका स्टेटस क्या होगा? पियारा। यही तो खासियत है इस डेफिनेशन की, इस चीज को याद रखना। फेमा की एप्लीकेबिलिटी बड़ी बड़ी स्ट्रिंजेंट है बेटा। अगर लाइन में कोई पियारा फंस गया, चेन में कोई पियारा फंस गया, नीचे के सभी पियारा। कंसेप्ट समझ में आया? बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, ये इंटरप्रिटेशन एकदम सटीक है। प्लीज इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। शानदार, इटैलिक्स में कमेंट ना करो, ब्लॉक हो जाएंगे। शानदार पार्थ, तूफान सब रिप्लाई दे रहा है, बहुत जबरदस्त, आई एम वेरी हैप्पी। आकाश, यशिका, जितने लोगों के नाम ले सकता हूं, अगर कोई दिक्कत है आर्टिफिशियल पर्सन है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। चलो, ये हो गया आर्टिफिशियल पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस। इसके बाद में कुछ क्वेरीज है जिनको मैं फटाफट बोल दूं, लिखवा तो नहीं सकता, इसलिए समझ लेना। व्हाट विल बी अ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एजुकेशन एंड जॉब टुगेदर? सर, बंदा एजुकेशन और जॉब के लिए इकट्ठा जा रहा है, तो सवाल है एजुकेशनल वीजा है जॉब वीजा है? अगर जॉब वीजा है तो पीआर हुआ है, एजुकेशनल वीजा है तो आईसीआई के हिसाब से पीआर है, आरबीआई के हिसाब से तो पीआर हुआ है, आईसीआई के हिसाब से पीआर है, क्लियर है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माइनर? माइनर स्टेटस इज नॉर्मली एज दैट ऑफ एडल्ट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सर, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है इंडिया में, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पीआरओ है, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो इंडिया में सर इनकॉर्पोरेट हुई नहीं। बेटा, इनकॉर्पोरेटेड वर्ड में कमेंस भी होता है, इसका मतलब अगर दो फॉरेन पार्टनर्स इंडिया में एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म खोले तो भी उस पार्टनरशिप फर्म का स्टेटस पीआरआई ही रहेगा, एज रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड वर्ड में रजिस्टर्ड में रजिस्ट्रेशन आता है, इनकॉर्पोरेशन में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी आता है। अगली वाली चीज, ये डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया, मन से नहीं लगा रहा हूं, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। यहां आपका रेसिडेंशियल स्टेटस होता है खत्म। कुछ क्वेरीज है तो फटाफट एंटरटेन कर लो रेसिडेंशियल स्टेटस की, बताओ जल्दी जल्दी। बहुत ही बढ़िया सॉन्ग निकम्मे लोकेश, अभी सॉन्ग नहीं गा पाएंगे मेरे भाई। तूफान, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दिए जा रहे हैं, मैं बड़ा खुश हूं जो सही आंसर दिए जा रहे हैं, जबरदस्त बेटा, ठीक है? अगर मैं आपके नाम ना ले पाऊं तो माफ करना, मेरा पूरा ध्यान पढ़ाने में है फिलहाल, मैं फिलहाल खुद का भी नाम भूल चुका हूं तो आपका तो लेने का सवाल ही नहीं है फिलहाल, सो वेरी सॉरी। आगे बढ़ते, ये चीज होने का, आई एम गोइंग फॉर ऑथोराइज पर्सन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ऑथोराइज पर्सन मतलब क्या? बहुत सारे बच्चे ऑथोराइज पर्सन पढ़ लेते, पता ही नहीं होता ऑथोराइज पर्सन क्या है। पहले तो मैं आपको ऑथोराइज पर्सन का कंसेप्ट बोल दूं, हर लॉ में अथॉरिटी होता है और अथॉरिटी होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना अथॉरिटी के लॉ सिर्फ 5% है। अगर आप लॉ को 100% मानते हो ना तो आपको बोलता हूं लॉ का ड्राफ्टिंग लॉ का ड्राफ्टिंग और लॉ को पार्लियामेंट में पास करवाना ये सिर्फ 5% से 10% है, एक्चुअल 95% काम तो अथॉरिटी करती है। इसलिए हर लॉ में अथॉरिटी होना जरूरी है। इनकम टैक्स में अथॉरिटी होती है, सेंट्रल एक्साइज में होती है, बैंकिंग में होती है। नॉर्मली मैं रेगुलर लेक्चर में बहुत सारी अथॉरिटी डिस्कस करता हूं पर यहां नहीं कर पाऊंगा, वन डे रिवीजन है। पर अथॉरिटी क्यों अपॉइंट की जाती है, इसके चार पॉइंट आपने याद रखना, चार पॉइंट के ऊपर अथॉरिटी अपॉइंट करती है, कतई इंपॉर्टेंट, जहर इंपॉर्टेंट, 5-स्टार मार्क। दुनिया की कोई भी अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट आप देख लो, ये चार पॉइंट छोड़कर और कोई चीज नहीं लगेगी बेटा। ये गुरु मंत्र मान लो, लॉ का सार मान लो, गीता का सार होता है वैसे लॉ का सार, गीता मतलब भगवत गीता, ठीक है? सो पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में अथॉरिटी को अपॉइंट करते हैं क्योंकि अथॉरिटी पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे। बेनिफिशियरी इंटरेस्ट, हर लॉ में कोई ना कोई बेनिफिशियरी होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, डिपॉजिटर्स, इंश्योरेंस एक्ट, पॉलिसी होल्डर्स, हर लॉ में बेनिफिशियरी होता है। सो पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट, कंप्लायंस ऑफ लॉ, लॉ के कंप्लायंस के लिए कंप्लायंस ऑफ कंडीशन एंड डायरेक्शन, उन्होंने कंडीशन और डायरेक्शन का कंप्लाई करना चाहिए। अथॉरिटी लॉ के बाहर काम नहीं कर सकती, अथॉरिटी को जो हायर अथॉरिटी डायरेक्शन देगी वो फॉलो करेगी। सीजी ने अगर आरबीआई को डायरेक्शन दिया मानना पड़ेगा, क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना, ये चारों पॉइंट के ऊपर अपॉइंटमेंट होता है, इसमें से एक भी तोड़ा तो रिवोकेशन ऑफ ऑथोराइजेशन हो जाएगा, साथ में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। 4.4 कॉमन पॉइंट, जोर जोर से सब जन बोलो, कमेंट में लिख के दिखाओ मेरे को तो मानूंगा। सबसे पहला पब्लिक इंटरेस्ट, दूसरा बेनिफिशियरी इंटरेस्ट, तीसरा कंप्लायंस ऑफ लॉ, चौथा कंप्लायंस ऑफ कंडीशन एंड डायरेक्शन। लिखो कमेंट के अंदर, चारों पॉइंट मेरे को चाहिए, टंग पे चाहिए, अपॉइंटमेंट चारों पे, रिवोकेशन किसी एक पे, रिवोकेशन की अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है। कंसेप्ट समझ में आया? ऑथराइज पर्सन ही ऐसे अपॉइंट होता है। अब इंडिया में ऑथराइज पर्सन कौन कौन है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता इसलिए प्रैक्टिकली बोल दूं, सभी नेशनलाइज बैंक ऑथराइज पर्सन है, क्लियर है? हाँ, ईसीबी के लिए अगर आप ऑथराइज डीलर पूछ रहे हो, बच्चों याद रखना, देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज पर्सन एंड ऑथराइज डीलर। ऑथराइज डीलर एफडीआई, ओडीआई और ईसीबी के लिए यूज होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, इसके लिए यूज होते हैं बेटा ऑथराइज डीलर। मैं ऑथराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑथराइज पर्सन की बात कर रहा हूं। ऑथराइज पर्सन मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज दे सकता है, ये आपको हर गली नुक्कड़ चौराहे पे मिल जाएगा। अगर
पुणे में एक फिनिक्स करके शॉपिंग मॉल है, उसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पुणे के जो बच्चे इसको देख सकते हैं, दिल्ली में भी होगा, कई सारी जगह पे। अरे आप समझ लो, सभी नेशनलाइज बैंक ऑथोराइज पर्सन है। मैं जो यूट्यूब से नॉर्मली हमको जो टुच्चा टुच्चा सा इनकम आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत नॉर्मली आ जाता है $10-20 पर महीने का, तो ऐसे सिचुएशन में ऑथोराइज पर्सन बैंक के थ्रू ही आता है। दूसरा केसरी टूर्स, इंटरनेशनल टूरिज्म एजेंसीज, ऑथोराइज पर्सन। क्लब महिंद्रा ऑथोराइज पर्सन, ताज होटल ऑथोराइज पर्सन, लीलाज ऑथोराइज पर्सन, सभी 5-स्टार होटल ऑथोराइज पर्सन होते हैं। आप 5-स्टार होटल में घुसो, अच्छे ग्रेड का होटल है ना, साइड में एक्सचेंज बोर्ड लगाया होगा। क्यों लगाया होगा? आपको दिखाने के लिए कि एक्सचेंज रेट क्या है? नहीं, ये इसलिए क्योंकि आप वहां पे करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। पर ऑथोराइज पर्सन दो टाइप के होते हैं, सभी बैंक ये फुल फ्लेज मनी चेंजर होते हैं। फुल फ्लेज मनी चेंजर, ऑथोराइज पर्सन का एक फंक्शन है मनी चेंजर, जो मनी को एक्सचेंज करता है। फुल फ्लेज मनी चेंजर, फुल फ्लेज मनी चेंजर मतलब जो डॉलर को बाय भी कर सकते हैं, जो डॉलर को सेल भी कर सकते हैं, ये फुल फ्लेज होता है। टूरिज्म एजेंसीज ये नॉर्मली रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर होते हैं, आरएमसीज होते हैं, जो सिर्फ डॉलर को सेल कर सकते हैं। नॉर्मली बोल रहा हूं, यह पत्थर की लकीर मत बना देना, मेरे को क्वेरी मत पूछ लेना, सर ये टूरिज्म एजेंसी तो करती है। नॉर्मली ये सिर्फ डॉलर को सेल करते हैं, बाय नहीं करते। जो आपके 5-स्टार होटल है, ये नॉर्मली डॉलर को बाय करते हैं सिर्फ, ये डॉलर को सेल नहीं करते। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो इन्हें कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स, आरएमसीज। क्लियर है कंसेप्ट? ये होते हैं ऑथराइज पर्सन। आप गोवा जाओ, गोवा में तो आपको बहुत सारे ऑथराइज पर्सन दिख जाएंगे। क्लियर है? चलो, ये चीज होने के बाद में ऑथराइज पर्सन कौन बन सकता है? एनी पर्सन कैन अप्लाई टू आरबीआई। आरबीआई को अप्लाई करने के बाद में चार कॉमन पॉइंट्स को ख्याल रखना। पहला, पब्लिक इंटरेस्ट, बेनिफिशियरी इंटरेस्ट। सर ये कैसे डायग्राम है? बेनिफिशियरी इंटरेस्ट का जगह पे टैंक निकाल के रखा। भैया फेमा में बेनिफिशियरी तो डॉलर एक्सचेकर ही है ना, ये तो टैंक तो मैंने सबसे पहले बताया आपको। फिर कंप्लायंस ऑफ लॉ, ऑथराइज पर्सन ने खुद ने लॉ कंप्लाई करना है और आरबीआई जो गाइडलाइंस देगा उसको कंप्लाई करना है। कंप्लायंस ऑफ कंडीशन एंड डायरेक्शंस। क्लियर है? फिर उसका आगे ऑथराइज पर्सन के कुछ पावर है। ऑथराइज पर्सन के तीन पावर, मनी चेंजर, एक हाथ दे एक हाथ ले, रुपीस का डॉलर, डॉलर का रुपीस या कोई भी फॉरेन करेंसी। दूसरा डीलर, सर अच्छा मनी चेंजर काय में? फुल फ्लेज मनी चेंजर, रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर, अभी मैंने बताया था। डीलर फॉरेन सिक्योरिटीज में डील करने के लिए, यहां बैठे बैठे माइक्रोसॉफ्ट के शेयर परचेज करने हैं, जीडीआर में ट्रेड करना है, अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट में ट्रेड करना है, कर सकते हो। सेज एक्स ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ऑनशोर बैंकिंग। ऑनशोर बैंकिंग मतलब बाहर फाइनेंस करने वाले, ऑफशोर मतलब शोर के अंदर किनारे के पहले फाइनेंस करने वाले, मतलब एसईजेड वगैरह को फाइनेंस देने वाले, एसईजेड वगैरह को फाइनेंस देने वाले को ऑफशोर बैंकिंग कहा जाता है। तीन पावर ऑथराइज पर्सन के, साथ में ऑथराइज पर्सन की कुछ ड्यूटियां भी आती है। कौन सी ड्यूटियां है? सबसे पहला कंप्लायंस, आरबीआई के सभी कंडीशन डायरेक्शन से कंप्लाई करो, कोई भी प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन में एंटर मत करो, अगर करते हो तो आरबीआई से परमिशन ले लो, और हर बंदा जो फॉरेन एक्सचेंज मांग रहा है उससे डिक्लेरेशन लो, डिस्क्लोजर लो। अगर वो डिक्लेरेशन या डिस्क्लोजर नहीं देता है तो राइटिंग में उसको रिफ्यूज करो कि तेरे को मैं फॉरेन एक्सचेंज नहीं दूंगा, और अगर वो कॉन्ट्रावेंशन करता है आरबीआई को रिपोर्ट करो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। ये ऑथोराइज पर्सन की ड्यूटी। ऑथोराइज पर्सन की एक और ड्यूटी होती है, वो नॉर्मली हमेशा नहीं होती, इसलिए नहीं लिखी है। अगर आरबीआई ऑथोराइज पर्सन के ऊपर इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है तो ऐसे सिचुएशन में ऑथोराइज पर्सन उसको कंप्लाई करेगा, सभी बुक्स देगा, सभी इंफॉर्मेशन देगा। यह चौथी ड्यूटी एडिशनली मान लेना। अगर इन ड्यूटी में से कोई भी ऑथोराइज पर्सन कंप्लाई नहीं करता तो उसको 10,000 प्लस 2,000 की पेनल्टी लग जाएगी और साथ साथ में रिवोकेशन ऑफ ऑथराइजेशन हो सकता है। यह है ऑथराइज पर्सन का कच्चा चिट्ठा। चाहिए तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, मैं वेट करता हूं। गो फॉर इट फास्ट। सेक्शन नंबर 10 से लेके सेक्शन नंबर 12 क्वेरीज है, पूछ लो। ब्रेक ब्रेक ना चिल्लाओ, हमारा जब लेक्चर खत्म होगा तभी हम ब्रेक देंगे, हमारा जब फेमा खत्म होगा तभी हम ब्रेक दे सकते हैं बेटा। क्लियर है? उसके पहले ब्रेक नहीं होगा, अदरवाइज कोई सेंस नहीं है लेक्चर में। जिसको ब्रेक चाहिए पॉज करके ब्रेक ले लीजिएगा, पर मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि लाइव सेशन दिन भर कंसिस्टेंटली आज चलने वाले हैं। क्लियर है? तो आप मेरे हिसाब से ब्रेक लो तो बेटर होगा, हमें कम से कम समय में ज्यादा मेहनत करनी है। लगे रहो, बोलो हम पढ़ेंगे, ठीक है? ऐसे ब्रेक ब्रेक ना चिल्लाना चाहिए। अपन सीए फाइनल पे है, सीए इंटर के बच्चे चिल्लाते हैं नॉर्मली ब्रेक ब्रेक। चलो कोई क्वेरी है तो पूछ लो। कपिल सर को रिक्वेस्ट कर सकता हूं बेटा मैं, गारंटी नहीं है। ड्यूटिया शानदार। इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन मैंने अलग से लिखवाया था, यहां रिवीजन है इसलिए लिखने का समय नहीं है। शिखर चलो डन एवरीबडी, ये चीज को याद रखना। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। ये चीज होने के बाद में 20 पर डे, क्वेश्चन तो भी बोला है 20 नहीं है बेटा, इट इज 2000 पर डे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यहां आपका ऑथराइज पर्सन खत्म होता है। ऑथराइज पर्सन खत्म होने के बाद में अगला सवाल उठता है, व्हाट इज हवाला। अब हवाला मैं वो नहीं बताने वाला हूं जो नॉर्मल है, मैं हवाला का बेसिक मीनिंग बताने वाला हूं। बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना तो ही जाके आपको समझ में आएगा, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ठीक है? लेट्स गो। नॉर्मली आप जब कभी भी ट्रांजेक्शन करते हो तो ट्रांजेक्शन दो पार्ट में डिवाइड होता है, लीगल इलीगल।
अगर आप लीगल ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ऑब्वियसली ऑथराइज पर्सन को आप डिस्क्लोजर दे दोगे, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता इसलिए दे रहा हूं मैं। आप डिस्क्लोजर दोगे, रुपीज से डॉलर लोगे या डॉलर से रुपीज लोगे, नॉर्मल सी चीज है, क्लियर है। लेकिन इलीगल ट्रांजेक्शन है तो मुझे एक बात बताओ कि आप डिस्क्लोज करोगे क्या, जाके बोलोगे ऑथराइज पर्सन को मेरे को ड्रग्स खरीदने पैसे दे? ऑब्वियसली नॉट। तो इलीगल ट्रांजेक्शन डिवाइड होता है फर्दर दो पार्ट के अंदर। एक तो हो सकता है आप नॉन डिस्क्लोज रखो इसको, या फिर आप डिस्क्लोज कर दो। अगर आप इसको डिस्क्लोज करो नॉन, अगर आप इसको नॉन डिस्क्लोज रखो तो ऐसे सिचुएशन में हम देखेंगे। अगर आप इसको डिस्क्लोज करो, अब नॉर्मली तो इसको कोई डिस्क्लोज नहीं करता, पर सर गवर्नमेंट ने एरिया क्यों रखा है? क्योंकि आप आपकी गलती मान पाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने $2 मिलियन के ड्रग्स बेचे, ठीक है, मैंने ड्रग्स बेचे, मैं गया ऑथराइज पर्सन के पास, मैंने ऑथराइज पर्सन को बोला हाय, वो बोले हाय, मैंने बोला वो बोले क्या, मैंने उसको बोला मैं नहीं बताऊंगा, बोले क्या, मैं बोला मैंने ड्रग्स बेचे, बोले ड्रग्स, बोले कौन से, मैं बोला चरस कोके नफीम गांजा कॉकटेल भी बेचा, वो बोले कहाँ पैसे है, मैं बोला मैं नहीं बताऊंगा, वो बोले क्यों, मैं बोला मैंने अगर तुम्हें बताया कहाँ पैसे तुम मेरे को जेल में डालोगे पैसे लेके, वो बोले हम तुमको बिल्कुल जेल में नहीं डालेंगे। मैं बोला पैसे, बोले बदले में तुमको रुपीज देंगे, तुम $2 मिलियन तो बदले में रुपीज देंगे। मैं बोला सच्ची क्या बात कर रहे हो, सच्ची? तो बोले हाँ। तो फिर मैंने ऑथराइज पर्सन को बताया $2 मिलियन दिए। डिस्क्लोजर ट्रांजेक्शन में जब आप डॉलर देते हो तो गवर्नमेंट आपको लिटरली डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करता है, फिर रुपीज पे पेनाल्टी लगाता है। डॉलर में पेनाल्टी लगाएगा क्योंकि डॉलर में लगाएगा तो लाओगे कहां से, आपके पास डॉलर तो है नहीं। सो रुपीज में 3 टाइम्स पेनाल्टी लगाता है, और डिस्क्लोजर करने के पहले जवाई, डिस्क्लोजर करने के बाद घर जवाई, जेल में बैठोगे, ये चीज को याद रखना। और ये जो नॉन डिस्क्लोज है, इलीगल में भी नॉन डिस्क्लोज, इसे हम कहते हैं हवाला, हवला नहीं हलवा भी नहीं, हवाला, क्लियर है? इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो, गो फॉर इट फास्ट। चलो डन डन एवरीबॉडी, ये चीज को याद रखना अच्छे से। चलो हवाला होने के बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर सबको ब्रेक चाहिए है क्या? अगर ब्रेक चाहिए तो फटाफट फटाफट बोलो, 1.5 घंटा हो चुका है। क्योंकि आई गेस कितना घंटा हुआ है, अगर 1.5 घंटा हो चुका है, ब्रेक चाहिए तो फटाफट फटाफट बोलो यहां पे, फटाफट फटाफट बोलो, भूख लगी है क्योंकि कुछ बच्चों का खाना वाना बाकी है आई गेस। कमेंट करो फटाफट, बेटा राकेश खुद के चैट को खुद कंट्रोल कर लो, सेलफोन में ऑप्शन होता है चैट बंद करने का। नो 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 नो, अभी हम और आधा घंटा पढ़ेंगे, आधे घंटे के बाद ब्रेक लेते हैं बेटा, ठीक है? हाफ आवर और पढ़ लो, हाफ आवर के बाद ब्रेक लेंगे, बहुत सारे बच्चे रेडी है, सो अपन उसको कैरी करेंगे। अगले जाते हैं ट्रांजेक्शन के लिए। ट्रांजेक्शन आर फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। अगर मैं बोलू हवाला के बाद, तो ट्रांजेक्शन फेमा में दो नाम थे, हमने डिफरेंस में देखा था, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन डिवाइडेड इनटू द फोर डिफरेंट पार्ट्स, पीआरआई के फॉरेन असेट लाइबिलिटी, पीआरवाई के इंडियन असेट लाइबिलिटी 6(3), और उसके बाद में प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन शेड्यूल 1 रूल 3, अप्रूवल सीजी शेड्यूल 2 रूल 4, अप्रूवल ऑफ आरबीआई शेड्यूल 3 रूल 5, एंड फ्रीली परमिसेबल ट्रांजेक्शन, क्लियर है? अब इसमें से ऑलरेडी अमेंडमेंट के नोट्स वगैरह आपने देखे होंगे, लेक्चर देखा होगा, तो 6(3) डिलीट हो चुका है, ये बड़े दुख की बात है। 6(3) डिलीट हो गया, पढ़ाने में ऐसा मजा आता था 6(3) को, कोई नहीं पढ़ा, मैं पागल था, पर डिलीट हो गया, तुमको बड़ी खुशी हो गई होगी ना, निकम्मो डिलीट हो गया, तो कोई नहीं, 6(3) डिलीट हुआ है तो अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में कुछ बचा ही नहीं, जैसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन से उसकी आत्मा छीन ली हो। तो पहले हम जरा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन खत्म कर लेते हैं, ठीक है? सेक्शन नंबर 2E, सेक्शन नंबर 6 के साथ पढ़े तो आता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है? पानी वानी पी लो। ओके, सेक्शन नंबर 2E, सेक्शन नंबर 6 के साथ पढ़ो तो आता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन है, अ ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शन व्हिच अल्टर्स असेट्स एंड लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड असेट्स लाइबिलिटीज इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन नंबर 3 ऑफ सेक्शन नंबर 6। इसे हम नॉर्मली कहते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, क्लियर है? इसके लिए थोड़े से एक्शन कर लो, ठीक है? मेरे साथ साथ में एक्शन करना सबने, जो एक्शन नहीं करेगा उसका एक्स उसके वाई के साथ भाग जाएगा, उसको अटेम्प्ट की कसम, ठीक है? इसके सिवाय याद नहीं होगा। बोलो, एनी ट्रांजेक्शन विच अल्टर्स
असेट्स एंड लाइबिलिटीज, असेट्स एंड लाइबिलिटीज बाहर, एनी ट्रांजेक्शन विच अल्टर्स असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया विच आर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, विच आर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया. फिर से, एनी ट्रांजेक्शन विच अल्टर्स असेट्स लाइबिलिटीज ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया विच आर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड एनी ट्रांजेक्शन विच अल्टर्स, करो, एंड एनी ट्रांजेक्शन विच अल्टर्स असेट्स एंड लाइबिलिटीज, असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. देखो उसके तरफ, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया विच आर सिचुएटेड इन इंडिया. क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? एंड इंक्लूड सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन नंबर 3, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3. क्लियर है कॉन्सेप्ट? एक बार वापस से सब जान, एनी ट्रांजेक्शन विच अल्टर्स, बढ़िया, असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया विच आर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, एनी ट्रांजेक्शन विच अल्टर्स assets assets and liabilities of a person resident outside India which are situated in India and includes section number 6 subsection number 3. इस चीज को आपने याद रखना है. ये है आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन. पर पीआरआई का असेट लाइबिलिटी काउंट करते वक्त एनी ट्रांजैक्शन बोला विच अल्टर्स असेट्स लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी ऐड करना. कौन सा लाइबिलिटी? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ऐड करना. पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, सिर्फ पीआरआई के कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को लिया है. क्यों? पीआरआई की क्यों नहीं लिया? याद रखना, पीआरआई की कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बाहर के लिए, इंडिया की भी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट एक्सचेंजर की भी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है. पीआरआई की कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इंडिया में, ये इंडिया के लिए कॉन्टिजेंट असेट है. प्रूडेंस अंकल कह के गए हैं, प्रूडेंस अंकल कह के गए हैं कि भाई कॉन्टिजेंट असेट के अकाउंट नहीं करते, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी अकाउंट करते हैं. क्लियर है? इसलिए हम पीआरआई की कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी लेते हैं. ये चीज को आपने याद रखना. क्लियर है सर? तो ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का डेफिनेशन. 6.3 तो डिलीट हो चुका है तो अब 6.3 में तो कोई सेंस नहीं है. अब इस ट्रांजैक्शन को अगर मैं बड़े अच्छे तरीके से समझाऊं डेफिनेशन को, तो रजनीकांत लेते हैं. आ जाओ बच्चों रजनीकांत के ऊपर. सो अगर मैं बोलूं रजनीकांत, रजनीकांत ने ताजमहल परचेस किया, रजनीकांत कुछ भी कर सकता है. रजनीकांत इज अ पीआरआई परचेसिंग अ ताजमहल. रजनीकांत ने ताजमहल परचेस किया कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है? नहीं, क्योंकि इंडियन रुपीज में है. क्लियर है? रजनीकांत ने उसके लिए लोन लिया, विठल शामराव सहकारी पत संस्था एसवीसी बैंक. क्या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है? नहीं, क्योंकि इंडियन बैंक है. रजनीकांत ने ताजमहल लिया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं, लेकिन उसके लिए लोन लिया यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड स्विस बैंक से, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन. हाँ, रजनीकांत ने पाम आइलैंड परचेस किया, पूरा आइलैंड ही ले लिया, दुबई पाम आइलैंड, पाम जमेला, तो ऐसे सिचुएशन में इट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन. की कोई डॉलर में करेगा, उसके लिए लोन लिया यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन. हाँ बिल्कुल है. रजनीकांत ने पाम आइलैंड परचेस किया, लोन लिया विठल शामराव सहकारी पत संस्था, तो बेटा पाम आइलैंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, एसवीसी बैंक का लोन या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है. वही अगर मैं बात करूं टॉम क्रूज, हु इज अ पीआरओ आई, टॉम क्रूज ने ताजमहल लेने की कोशिश की, कैपिटल अकाउंट यस. टॉम क्रूज ने लोन लिया विठल सामराव सहकारी पत संस्था, टॉम क्रूज विठल सामराव, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है. टॉम क्रूज ने ताजमहल है यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड से लोन लिया, टॉम क्रूज यूएस का बैंक स्विट्जरलैंड की, हमारा क्या लेना देना, नो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन. टॉम क्रूज ने पाम आइलैंड परचेस किया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है. टॉम क्रूज यूएस का पाम आइलैंड दुबई का काय का कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, हमारे लिए क्या लेन देना, उसके लिए उसने लोन लिया यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, नो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. टॉम क्रूज यूएस पाम आइलैंड दुबई स्विट्जरलैंड की बैंक, हम क्या सिर्फ देखने के लिए खड़े हैं यहां पे? ऑब्वियसली कोई लेन देन नहीं है. अगला नेक्स्ट, पाम आइलैंड नॉट अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, और लोन लिया विठल शामराव सहकारी पत संस्था लास्ट वाला, तो इट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. दोनों स्क्रीनशॉट्स लेके रखो, काम में आएगा बड़े अच्छे से. गो फॉर इट फास्ट, फटाफट फटाफट. 6.3 मुनि का डिलीट हो चुका है. ये पता नहीं बेटा फेमा सब्सटेंशियली जब तक खत्म होता है, तनिष्क का तब तक हम लेंगे. पिछला भी स्क्रीनशॉट लेके रखो रजनीकांत वाला. ज्यादा तेज बेटा, आज के दिन में हमको इकोनॉमिक लॉ कवर करना है अभिषेक. वन डे रिविजन है, बूस्टर रिविजन फास्ट ट्रैक कोर्स नहीं है. तेज ही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. चलो डन एवरीबॉडी. 6.3 डिलीट हुआ है शिखर, उसको आप डिलीट कर दो बुक में से, ठीक है, पूरे 6.3 को. चलो डन एवरीबॉडी, यस और नो? ये हो गया. अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के इस सिचुएशन के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं. 6.3 पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है. तो अगर आपके बुक में ऐसे डायग्राम्स है 6.3 के जो मैं बोर्ड के ऊपर दिखा रहा हूं, मेरे बच्चों स्टूडेंट्स के पास में अगर ऐसे डायग्राम है हमारे क्लास के पास, तो ये सभी डायग्राम डिलीट कर दीजिए, क्योंकि 6.3 ये जितने भी डायग्राम में दिखा रहा हूं सब डिलीट कर दीजिए. गारंटी श्योरिटी तक के सब डायग्राम डिलीट कर देने आपको. क्लियर है? क्योंकि इस पूरा 6.3 डिलीट हो चुका है, तो कोई सेंस नहीं है पढ़ाने में.
समय वेस्ट होगा। चलो हो गया सबका। 6-3 के बाद में अगली चीज जो आती है दैट इज परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन टू पीआरआई। पीआरआई के परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन शेड्यूल 1 टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल। ये चीज समझाने के पहले थोड़ा सा मैं एक इसके ऊपर जाता हूं आपको और अच्छे से आइडिया आने के लिए। आ जाइए प्लीज। ओके अगर आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को देखो तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में डेफिनेशन क्या कहती है, मैंने ऑलरेडी इसको बोला, पीआरआई के फॉरेन असेट लाइबिलिटी, पीआरओआई के इंडियन असेट लाइबिलिटी, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 के 11 ट्रांजेक्शन, 5 प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन, ये कैट का पार्ट है। 5 प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन है, डेफिनेशन का पार्ट नहीं है। अब पीआरआई के फॉरेन असेट लाइबिलिटीज की लिस्ट जो दी है वो कैपिटल अकाउंट के शेड्यूल 1 टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स के लिए दी गई है। सो शेड्यूल 1 के अंदर दी है और शेड्यूल 2 में लिस्ट दी है पीआरओआई के कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की। वही शेड्यूल मैं आपको यहां पे दिखाने जा रहा हूं, दिस शेड्यूल 1 जिसके अंदर पीआरआई की लिस्ट दी है। क्या क्या अलाउड है? तो इन्वेस्टमेंट पीआरआई अगर करना चाहता है फॉरेन सिक्योरिटीज में अलाउड है, फॉरेन करेंसी लोन लेना अलाउड है, प्रॉपर्टी इमूवेबल फॉरेन परचेस करना अलाउड है, गारंटी इशू करना अलाउड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ करेंसी नोट्स अलाउड है। करेंसी में दो टाइप की करेंसी आएगी, एक जो चलन में है और एक जो विंटेज करेंसी है। विंटेज करेंसी कलेक्शन करते हैं ना लोग, एंटिक करेंसी कलेक्शन, वो भी इसमें आएगा। अगला लोन और ओवरड्राफ्ट आप बाहर निकाल सकते हो, फॉरेन करेंसी अकाउंट आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंश्योरेंस पॉलिसी आप बाहर ले सकते हो। हाँ इंश्योरेंस पॉलिसी को सार मार्क करना, कई बार बच्चे इंश्योरेंस पॉलिसी के सेगमेंट को करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मानते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी निकालना है कैपिटल अकाउंट है और इंस्टीट्यूट जानबूझ के क्या करती है, चार करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के एग्जांपल देगी, एक इंश्योरेंस पॉलिसी देगी और दो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के एग्जांपल देगी और बोलेगी सॉल्व करो और आप लिख के आ जाओगे इंश्योरेंस इज अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ये गलती मत करना, इसके पहले इंस्टीट्यूट ने टेस्ट किया है। लोन एंड ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, लोन एडवांसेस दे भी सकते हैं, कैपिटल असेट बाहर क्रिएट कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हैं। यहां पे एक अमेंडमेंट है कमोडिटी डेरिवेटिव्स का, आपकी बुक के अंदर ये सेपरेटली दिया होगा लेकिन एनीवेज उसका मीनिंग डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हैं, यही है कंसेप्ट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये अमेंडमेंट आया था नवंबर 19 में, क्लियर है। अगली चीज अगर शेड्यूल 2 देखे क्या पीआरओआई को परमिसेबल है, तो इन्वेस्टमेंट इन इंडियन सिक्योरिटीज पीआरओआई को परमिसेबल है, कंट्रीब्यूटेड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इन कैपिटल ऑफ द फर्म इन इंडिया, ये अलाउड है। इंडिया में इमोबल प्रॉपर्टी परचेस करना उसको अलाउड है, गारंटी इंडिया में देना अलाउड है, इंपोर्ट ऑफ करेंसी नोट्स अलाउड है, डिपॉजिट्स पर्सन रेसिडेंट इंडिया में अलाउड है, फॉरेन करेंसी अकाउंट होल्ड करना अलाउड है, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल असेट अलाउड है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये अलाउड है। पर दो ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसके ऊपर आरबीआई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं कर सकता, दो ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन आरबीआई इंपोज नहीं कर सकता, कोई पावर नहीं है। पहला अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का मतलब होता है प्री पेमेंट ऑफ लोन, प्री पेमेंट। अगर आप कोई भी फॉरेन लोन प्री पे करना चाहते हो तो ऑब्वियसली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। और बाहर अगर किसी देश में डेप्रिसिएशन लगा रहे इन्वेस्टमेंट पे, देखो इंडिया में एज पर AS 13, इंडेस मुझे नहीं पता पर एज पर AS 13 है ना कि 14 जो भी है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिप्रिसिएशन लगाना अलाउड नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि फॉरेन में भी सेम पॉलिसी होगी, ऐसा हो सकता है कुछ देशों में इन्वेस्टमेंट करो तो डिप्रिसिएट करते हैं, क्लियर है। नॉर्मली कुछ ऐसे देश है जहां पे चरस कोकेन अफीम गांजा ड्रग्स उगाना लीगल है, ऐसे देशों में अगर आप लैंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हो जहां ड्रग्स उगाए जा सकते हैं वहां पे लैंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अगर आप वहां पे ड्रग्स उगाते हो तो, क्लियर है। तो डिप्रिसिएशन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर दे रहे हैं तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, क्लियर है। फिर कुछ पांच ऐसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है जो प्रोहिबिटेड है, जो प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में गिने जाते हैं। कौन कौन से प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, इससे ज्यादा काम की चीजें किसको प्रोहिबिटेड है? प्रोहिबिशन सिर्फ पीआरओआई के ऊपर है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के ऊपर प्रोहिबिशन है, बाकी किसी के ऊपर प्रोहिबिशन नहीं है। मतलब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन पीआरआई, पीआरआई के लिए सभी का सभी फ्रीली परमिटेड है, सभी का सभी फ्रीली परमिटेड है, ठीक है। तो पीआरओआई कौन सा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, चिट फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, पर अगर वो चिट फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल से, वो भी नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस मतलब चिट फंड से आने वाला इनकम वो बाहर देश में नहीं लेके जाएगा तो अलाउड है। सर स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल क्यों? क्योंकि लॉटरी और चिट फंड जैसी सभी चीजों का इनकम या स्टेट गवर्नमेंट को ही जाता है, दैट्स व्हाई स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल। दूसरा निधि कंपनी वो इंडिया में नहीं चला सकते, नियर टू एनबीएफसी, एनबीएफसी होगा जरूरी नहीं है, बजाज फाइनेंस इज एनबीएफसी निधि कंपनी, ये मेंबर्स के बेनिफिट के लिए ही वर्क करता है, नियर अर कंसेप्ट टू एनबीएफसी। एग्रीकल्चर एनबीएफसी नियर कंसेप्ट, एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटीज में नहीं कर सकता, इंडिया का मेन बिजनेस है एग्रीकल्चरल प्लांटेशन, बाहर के लोग इसमें एफडीआई करेंगे तो इंडियन जो फार्मर सुसाइड कर रहे हैं वो होलसेल में सुसाइड करेंगे, गलत बात है, ठीक है। रियल एस्टेट बिजनेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो सुनना अच्छे से समझना, रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट अलाउड है क्या? नहीं, पर इसके एक्सेप्शन है,
मतलब एक्सेप्शन में इन्वेस्टमेंट अलाउड है क्या? हाँ, कौन सा एक्सेप्शन है जिसमें इन्वेस्टमेंट अलाउड है? तो अगर PRY इंडिया में टाउनशिप बनाना चाहता है अलाउड है, रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रीमाइसेस रोड्स ब्रिजेस बनाना चाहता है अलाउड है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में PRY इन्वेस्ट करना चाहता है अलाउड है, तो एक्सेप्शंस में PRY अलाउ इन्वेस्ट कर सकता है, अदर देन दिस रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अब बच्चे सवाल पूछते हैं सर अदर देन इससे क्या बचा? रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, BSNL वगैरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कौन मैनेज करेगा? तो इसके अंदर PRY इन्वेस्ट कर नहीं सकता। सर व्हाट इज रिट्स? रिट्स आएगा, लास्ट वाला पहले पढ़ लेता हूं, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, TDRs के अंदर ये इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अब दो सवाल है, व्हाट इज रिट्स एंड व्हाट इज TDR? सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली रिट्स। रिट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसको आप म्यूचुअल फंड मान लो रियल एस्टेट का, जैसे पब्लिक म्यूचुअल फंड को पैसा देती है और म्यूचुअल फंड वाले उसको इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरीके से पब्लिक एक कंपनी को पैसा देगी म्यूचुअल फंड को, और वो म्यूचुअल फंड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा, फ्लैट में इन्वेस्ट करेगा, लैंड में इन्वेस्ट करेगा, रेंटल इनकम लेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन इनकम लेगा, और जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको रिटर्न देगा। इसे कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सिंपली म्यूचुअल फंड ऑफ रियल एस्टेट को हम रिट्स कहते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना। सर फायदा क्या रिट्स का? पहली बात, अगर आप कोई खुद फ्लैट लेने जाओ तो 50 लाख रुपए लगते हैं, रिच में इन्वेस्ट करने के लिए 500 रुपए भी काफी है और आप उसके ऊपर रियल एस्टेट जैसा इनकम ले सकते हो। क्लियर है? ये मेन फायदा है, ये लिक्विड फंड है और म्यूचुअल फंड जैसा चलता है। नेक्स्ट वाली चीज, रिच हमारे यहां नहीं था, US कांग्रेस ने 1960 में इंप्लीमेंट किया था, हमारे यहां ये 2014 में इंडिया के अंदर आया है और तब से लेकर इंडिया में रिच चल रहा है जिसके ऊपर बहुत सारे PRY इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर है? चलो यहां पे सर व्हाट इज TDR? ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट का मतलब होता है एक सिंपल, गवर्नमेंट को अगर 4000 करोड़ का ब्रिज बनाना है, अब 4000 करोड़ गवर्नमेंट एक फिस्कल ईयर से निकालेगी तो फिस्कल ईयर के ऊपर कितना बर्डन आएगा? तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट 4000 करोड़ को डिवाइडेड बाय 100 रुपीज के इंस्ट्रूमेंट में डिवाइड करता है और ये 100 रुपीज का इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट पब्लिक में इशू करता है, इसे कहते हैं ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। ये इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है इसलिए इसके अंदर इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं है। नॉर्मली रेगुलर बैच में इसके ऊपर आधे आधे घंटे का डिस्कशन हम लेते हैं लेकिन मंडे रिविजन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना काम में नहीं आएगा इसलिए मेरे को छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? सो दिस इज ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। तो अगर आपको चाहिए तो आप पीछे जो मैंने रिट्स का एरिया दिया आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो, इसको रीड करते रहना, आपके काम में आएगा, गो फॉर इट फास्ट। बहुत बढ़िया, 1000 लोग लगे हुए हैं मेरे साथ मेहनत करने के लिए, आई एम वेरी हैप्पी। रूल 63 डिलीटेड, बेटा वो रूल 63 नहीं सेक्शन 63 है दुर्ग, ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि इट इज डिलीटेड। इनवाइट काय का बेटा? शुभम किस बात के इनवाइट की बात कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। मजा आ रहा है तूफान बेटा, आई एम वेरी हैप्पी अभिषेक, मजा आ रहा है। तो इंडेस 109 तूफान, मेरे नॉलेज में इजाफा हो गया, थैंक यू सो मच मोहित सागर प्रवीण। इंडेस 109 तूफान तूफान, सब लोगों को मालूम है, मतलब मेरे से ज्यादा अकाउंट्स का नॉलेज तो तुम लोगों को हो गया है बच्चों। आई एम वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी, मतलब अच्छा हो गया, रोने की बारी आ गई है मेरी, कितना बुरा नॉलेज है मेरा अकाउंट्स का, थैंक यू सो मच। ठीक है चलो, सो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को हम फिनिश करते हैं। अब मैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए ना एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टिप दे दूं, शायद आपको किसी ने दिया नहीं होगा पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको देना चाहिए इसलिए मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टिप दे रहा हूं, प्लीज इसको सुनना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रिक्टली, ठीक है समझ जाना। अगर आपको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन पे सवाल आया, अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन पे सवाल आया, सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है, एकदम सिंपलेस्ट है। ट्रांजेक्शन फेमा में दो पार्ट में डिवाइड, वेन डायग्राम ही है, वेन डायग्राम अगर बचपन में सॉल्व किया होगा तो। ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट फेमा में डिवाइड होंगे। देखो कैपिटल अकाउंट में PRY को 5 प्रोहिबिटेड है, ये 5 आपको याद है, चिट फंड, निधि कंपनी, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर प्लांटेशन, TDR, ये 5 प्रोहिबिटेड में से पूछा तो स्टेट में लिख देना प्रोहिबिटेड, वो भी PRY को। अगर उन्होंने पूछा PRI के लिए क्या है PRI को, तो PRI को सब अलाउड है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, PRI के लिए पूछा जाता है चिटफंड निधि कंपनी, उसको भी बोलते हैं प्रोहिबिटेड, ना पहले ये गलती मत करना। दूसरा, जो दो ट्रांजैक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते उनको याद रखना, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, डेप्रिसिएशन ऑन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये 7 ट्रांजेक्शन आप छोड़ दो, ये 5 और ये 2, तो बचे हुए सभी ट्रांजेक्शन नियरली कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन परमिटेड है। और अभी तो 63 भी डिलीट हो चुका है तो उसका भी रेफरेंस नहीं आएगा, स्ट्रेट अवे लिख के रख देना RBI का अप्रूवल से, अगर ये 7 ट्रांजेक्शन से बिलोंग नहीं करता स्ट्रेट लिख देना RBI के अप्रूवल से अलाउड है, सिंपल एज दैट, स्ट्रेट मान लो, इसी के ऊपर मार्क मिलेंगे, मान लो मेरी बात। क्लियर है? ये 7 ट्रांजेक्शन छोड़ के कुछ भी पूछा, ऑल अदर ट्रांजेक्शन RBI के अप्रूवल से अलाउड, बिंदास ठोक किया जाना। क्लियर है? और उसमें भी थोड़ा सा नमक मिर्च लगाने के लिए कि अगर वो PRI के बारे में, तो नमक मिर्च डाल के इट इज एज पर शेड्यूल 1 टू कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स 2000, थोड़ा नमक मिर्च लगाओ तो लगेगा कि लिखा है। और अगर PRY का ट्रांजेक्शन, ये PRI के लिए, अगर PRY का ट्रांजेक्शन पूछा है तो एज पर शेड्यूल 2 टू कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स 2000, ऐसा मुस्तलिक क्या जाना। क्लियर है? उसको भी लगेगा कुछ तो भी भारी का पड़ के आया, ठीक है? चाहिए तो इसका आप
स्क्रीनशॉट लेके रखो। लेकिन हाँ, ये जो अलाउड है ना कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम में आता है। लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम अगर पता होगा, $2.5 लाख तक के अलाउड है, पर वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जिसमें आरबीआई का अप्रूवल है और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये दोनों मिला के साल भर के लिए 2.5 लाख है। क्लियर है? तो लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम के हिसाब से भी आप बोल सकते हो अलाउड है। क्लियर है कंसेप्ट? 2.5 लाख। लेकिन करंट अकाउंट के भी ट्रांजेक्शन काउंट करके आगे लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम और करंट अकाउंट आएगा उसके समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। हाँ, रीट्स अलाउड है बेटा, शानदार। आरबीआई अप्रूवल ठोक के आ जाना निस्वार्थ बेटा। थैंक यू सो मच हितेश। टी शर्ट को देख रहे हो आप, लेक्चर को देखिए हितेश। लेटेस्ट गैप तेले ने इंस्टीट्यूट ने डिलीट कर दिया उसको, साहिल 6-3 को। नीचे का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला एलआरएस लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम, हेडिंग डाल देना नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा। विशाल गौर टिकटॉक बनाओ बेटा, क्वारंटीन नहीं, मैं इतना बोर हो गया हूँ कि अभी टिकटॉक ही डाउनलोड करूँ ऐसा लग रहा है मेरे को। चलो डन एवरीबडी, 2.5 लाख, 2.5 लाख, शानदार बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, हो गया सबका, लेट्स गो। एक चीज अगर आपकी हो चुकी है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन यहां खत्म होता है, आई एम गोइंग फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन लेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे ब्रेक चाहिए नहीं चाहिए, कितने घंटे का लेक्चर हो गया। 2 घंटे तो भी पढ़ लेंगे, 2 घंटे का ब्रेक लेना। ठीक है, और अभी समय भी कितना हुआ है, सिर्फ 3:30 है, एक कोई समय है, अभी तो पढ़ना चाहिए। लेट्स गो, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन तुच्छा सा समय है, 2 घंटे तो हम आराम से पढ़ सकते हैं। लेट्स गो, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन सेक्शन नंबर 5 डेफिनेशन 2J, कतई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंस्टीट्यूट ने कई एक आध बार पूछ लिया ना, मेरे को तो गारंटी है 4 मार्क के लिए एक आध बार ये पूछेंगे पूछेंगे, पूछ लिया ना आधे बच्चे लिख नहीं पाएंगे। मैं टेक्निक देता हूँ कैसे लिखना है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन्स वही सस्ते नशे आयोडेक्स ब्रेड के ऊपर लगा के खाए हुए, अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये ड्राफ्टमैन ऐसा क्यों करता है समझ में नहीं आता। व्हाट इज प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट पब्लिक, व्हाट इज पब्लिक विच इज नॉट प्राइवेट, व्हाट इज डिविडेंड इंक्लूड्स इंट्रीम डिविडेंड, व्हाट इज करंट अकाउंट विच इज नॉट कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल विच इज नॉट करंट, निकम्मे ड्राफ्टमैन। एंड विदाउट प्रिजुडाइज टू जनरलिटी ऑफ फोरगोइंग सेंटेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसने ये कीवर्ड एग्जाम में डेफिनेशन में लिख दिए वो तर गया। विदाउट प्रिजुडाइज टू जनरलिटी ऑफ फोरगोइंग, याद रखना आज दिन भर इसको बोलते रहना। ठीक है, कोई आपको पूछे क्यों रे वन डिवीजन कैसे चल रहा है, उसको बोलना विदाउट प्रिजुडाइज टू जनरलिटी ऑफ फोरगोइंग। मम्मी पूछे बेटा खाना खाएगा, मम्मी विदाउट प्रिजुडाइज टू जनरलिटी ऑफ फोरगोइंग। पप्पा पूछेंगे बेटा दर्शन सर का वन डिवीजन कैसा, पप्पा विदाउट प्रिजुडाइज टू जनरलिटी ऑफ फोरगोइंग। क्लियर है? सवेरे उठोगे गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, विदाउट प्रिजुडाइज टू जनरलिटी ऑफ फोरगोइंग। शाम को फोन करोगे बाबू सोना पिकाचू, मिले बाबू ने ताना ताया, बिल्कुल नहीं मिले बाबू सोना पिकाचू कुछ नहीं, उसे सीधा फोन करके विदाउट प्रिजुडाइज टू जनरलिटी ऑफ फोरगोइंग। समझ में आ रहा है? और क्वारंटीन चल रहा है, दूर रहो एक दूसरे से। ठीक है, आगे सो ये चीज को याद रखना, विदाउट प्रिजुडाइज टू जनरलिटी ऑफ फोरगोइंग सच ए ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स, सच ए ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स, पहले 2 ट्रांजेक्शन आर रिगार्डिंग, पहला धीरे धीरे डिवाइड करता हूं समझ में आएगा, पहला ट्रांजेक्शन इज रिगार्डिंग ट्रेड एंड बिजनेस, दूसरा इज रिगार्डिंग इनकम एंड इन्वेस्टमेंट और लोन, बाकी हुए 2 ट्रांजेक्शन फैमिली वाले हैं। क्लियर है? फैमिली में भी लिविंग एक्सपेंसेस जीने का खर्चा, और फैमिली में भी ट्रेवल एजुकेशन और मेडिकल केयर जो एडिशनल खर्चा है वो। ठीक है, सो पहला पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रेड पहला, अदर करंट बिजनेस दूसरा, सर्विसेज तीसरा, शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस चौथा। चार चीजें याद रखना, फॉरेन ट्रेड, अदर करंट बिजनेस, सर्विसेज, शॉर्ट टर्म बैंकिंग, क्रेडिट फैसिलिटीज, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, गेम ओवर। और पहला वर्ड याद रखना पेमेंट, पेमेंट का पी, फिर दूसरा पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन एंड नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से क्या आता है इनकम, लोन पे क्या देना पड़ता है इंटरेस्ट, और उसमें भी वर्ड पी। ठीक है, सो पेमेंट इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, अदर करंट बिजनेस, सर्विस, शॉर्ट टर्म बैंकिंग, क्रेडिट फैसिलिटी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्लियर है? दूसरा, ठीक है, दूसरा पेमेंट इन कनेक्शन विद इंटरेस्ट ऑन लोन नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, आंखें बंद करके बोलते आना चाहिए बड़े अच्छे तरीके से। तीसरा रेमिटेंस ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, सिर्फ स्पाउस बोला है, स्पाउसेस नहीं, 10-12 मत लेके आ जाना, और चिल्ड्रन बोला है तो क्रिकेट टीम मत लेके जाना, पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, लिविंग एक्सपेंसेस बोला है। लिविंग एक्सपेंसेस में क्या आता है, रोटी कपड़ा मकान सर, वाईफाई और सेलफोन, निकम्मो।
लिविंग एक्सपेंसेस में आता है आपके सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जो भी लगता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट में सोशल स्टेटस बोला था ना, माइनर के सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जो भी लगता है वो लिविंग एक्सपेंसेस है, सेम यहां पे आएगा लिविंग एक्सपेंसेस। पेरेंट्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन जो बाहर रह रहे रिसाइडिंग अब्रॉड, स्टार मार्क बड़े अच्छे से याद रखना, बच्चे एग्जाम में जाते हैं रिसाइडिंग अब्रॉड भूल जाते हैं लिखना, रिसाइडिंग अब्रॉड बाहर, इंडिया में रह रहे तो मैं रुपीज में खर्चा करूंगा ना, डॉलर में क्यों करूंगा। तीसरा, एक्सपेंसेस इज कनेक्शन विद द फॉरेन ट्रेवल एजुकेशन मेडिकल केयर। तीन एडिशनल चीजें जो बहुत जरूरी है, तीन एडिशनल चीजें ट्रेवल एजुकेशन मेडिकल केयर, और यहां पे पेरेंट्स फॉर चिल्ड्रन कहीं के भी हो सकते हैं, इंडिया और फॉरेन कहीं के भी। इंडिया के पेरेंट्स बाहर जाना चाहते हैं एक्सपेंसेस, इंडिया का बच्चा बाहर एजुकेशन लेना चाहता है एक्सपेंसेस, पाउस घूमने जाने चाहती है एक्सपेंसेस। क्लियर है? यह है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के डेफिनेशन, आंखें बंद करके देखते आनी चाहिए। पहले इसका वर्ड पी, दूसरे इसका वर्ड पी, तीसरा वर्ड है रेमिटेंस आर, और चौथा वर्ड है एक्सपेंसेस ई, याद रखना। सो ट्रांजेक्शन कुछ इस तरीके से, सेक्शन 5 सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर जे, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मींस अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन विदाउट प्रिजुडाइज टू जनरलिटी ऑफ फॉरगोइंग सच अ ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स पॉइंट नंबर 1 पेमेंट इन कनेक्शन विद द फॉरेन ट्रेड, अदर करंट बिजनेस सर्विसेज, शॉर्ट टर्म बैंकिंग, क्रेडिट फैसिलिटी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दूसरा, पेमेंट इन कनेक्शन विद इंटरेस्ट ऑन लोन एंड नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तीसरा, रेमिटेंस इन कनेक्शन विथ लिविंग एक्सपेंसिस ऑफ पेरेंट्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन रिसाइडिंग अब्रॉड, एंड लास्ट वाला एक्सपेंस इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रेवल एजुकेशन मेडिकल केयर ऑफ पेरेंट्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन जो कहीं पे भी ले रहे हैं। इस कदर डेफिनेशन याद होनी चाहिए, क्लियर है? इस कदर भी नहीं हुई, वैसे भी नॉर्मली हुई, स्लोली भी बोल सकते हो, तो भी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, तो स्क्रीन शॉट ले लो, गो फॉर इट फास्ट। 6-3 डिलीट हो गया है बच्चों। सिक्स डी के लिए भी डिलीट हो चुका है बेटा, 6-3। फैमिली नहीं तो और क्या है बच्चों, पेरेंट्स फॉर चिल्ड्रन फैमिली में नहीं आते तो और कहां आते हैं निस्वार्थ। इंपोर्ट के लिए मेरे शर्मा जी डीसीपी, पहले तो नाम नहीं लेते आ रहा मेरे को शर्मा जी का, शर्मा मैम इंपोर्ट के लिए मेरे प्रोसीजर आएंगे, ओडीआई के लिए भी डिटेल प्रोसीजर आएंगे, डोंट वरी। 10 अप्रैल तक सॉन्ग का समय नहीं आ गया है सागर नालायक। चलो डन, अमेंडमेंट में हुआ है 6-3 डिलीट बच्चों। अमेंडमेंट आरटीपी वगैरह खोल के देखे जाओ कभी जिंदगी में, मेरे अमेंडमेंट नोट्स खोल के देखो, उसमें दिया है ऑलरेडी। चलो यहां तक समझ में आया सबको, यहाँ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन होती है खत्म। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। अब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन खत्म होने के बाद में फटाफट हम ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन करें अभी ब्रेक चाहिए, 2 घंटे खत्म होते आने वाले, फटाफट मुझे बताइए ब्रेक चाहिए नहीं चाहिए। अगर आपको ब्रेक चाहिए तो ठोको लाइक धड़ाधड़ 400 लाइक के ऊपर पहुंचा दो इसको, 450 लाइक के ऊपर, 1000 लोग है, 362 लाइक सिर्फ। पढ़ाना पसंद नहीं आ रहा क्या तुम्हें निकम्मो? ठोको दे दना दन ठोको लाइक, बताओ मेरे को ब्रेक चाहिए क्या? 450 लाइक्स के ऊपर चले गए ब्रेक दे देंगे। नो 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 करते जा रहे, पगला गए जिंदगी के अंदर। लाइन ही लगा दी चैट्स की, पगला गए हो। 500 लाइक्स के ऊपर जा रहा है, ठोको 500 लाइक, 1000 लाइक कंप्लीट करने चाहिए अपने, 1000 लोग अगर देख रहे हैं तो पूरे 1000 लाइक ठोक दो, वायरल होना चाहिए ना वीडियो। ओके, 2 घंटे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमने 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, मेरे भी गले को थोड़ा सा आराम चाहिए। 10 मिनट बाद हम फेमा के लिए वापस आएंगे, इसके लिए 10 मिनट का लाइव स्ट्रीम चलता रहेगा, अगर आपको क्वेरीज है तो आप पुट कर सकते हो। 10 मिनट्स के अंदर वापस आएंगे, बहुत बड़ा ब्रेक नहीं है, फेमा खत्म करने के बाद हम बड़ा ब्रेक लेंगे, ठीक है? अगर लेना है तो 10 मिनट का, हार्डली, गो फॉर इट फास्ट बच्चों। 1000 लाइक तक पहुंचा देना वीडियो को, मेरे को मालूम है तुम पहुंचा दोगे।
चलो डन एवरीबॉडी, स्टार्ट करते हैं। आने दो सबको वापस, सबको बोल दो। और मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जितने जगह पे आप वंडर विजन मेरा स्क्रीनशॉट निकालो कोई भी वीडियो का, और इसको इंस्टाग्राम वगैरह सब जगह पे आप पुट करो। 1000 स्टूडेंट्स इसका एडवांटेज अभी ले रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ ये मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचे, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि यूट्यूब इसमें से कौन सा लेक्चर रखेगा कौन सा लेक्चर नहीं रखेगा। सो किसी का लॉस नहीं होना चाहिए। सो प्लीज स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, मैं चाहिए तो पोस्ट देता हूँ, आप इसको डाल देना इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है? चलो आ जाइए फटाफट फटाफट, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच अर्जुन, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मोहम्मद, चलो अच्छे से फेमा डिटेल में करना जरूरी है प्रसाद, कोई भी टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं हो रहा है, हम मैक्सिमम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ यहाँ पे जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, आई गेस सब लोग वापस आ चुके हैं। हेलो, आगे लेट्स गो। सो सब लोग वापस आ गए, हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर थे, और अभी अभी हमने कंप्लीट किया है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में सेक्शन नंबर 5 में 2 सबसेक्शन जे का डेफिनेशन, जो है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन। नाउ आर मूविंग फॉरवर्ड, वी आर गोइंग फॉर द प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। अब सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बोल दूं, प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर नॉट इलीगल, ये इलीगल नहीं है। प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बहुत सारे बच्चे समझते हैं इलीगल है, ये इलीगल नहीं है। प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर लीगल, पर ये फॉरेन करेंसी में अगर आप करना चाहो तो ये प्रोहिबिटेड है। अगर आप ये करना चाहो इंडियन करेंसी में तो आप ये कर सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। और फॉरेन करेंसी में प्रोहिबिटेड मतलब सभी 145 फॉरेन करेंसीज में प्रोहिबिटेड है। अगर आप ये करना चाहो इंडियन करेंसी में तो आप जरूर कर सकते हो। प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आता है, दैट इज कनेक्शन इन कनेक्शन विद नेपाल एंड भूटान। अब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड, इसके पहले भी मैं थोड़ा सा पहले डिस्क्रिप्शन दे दूं। जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है वो बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट है प्रोहिबिटेड, दूसरा पार्ट है ट्रांजेक्शन अप्रूवल ऑफ सीजी, तीसरा पार्ट है ट्रांजेक्शन अप्रूवल ऑफ आरबीआई, और चौथा पार्ट है फ्रीली परमिटेड। प्रोहिबिटेड अगर मैं बोलूं शेड्यूल तो है 1, रूल नंबर है 3, सीजी का शेड्यूल 2, आरबीआई का शेड्यूल 3, इसका रूल 4, इसका रूल 5। क्लियर है सर? इसको शेड्यूल्स और रूल्स को याद कैसे करना, और शेड्यूल और रूल किसके? तो शेड्यूल्स और रूल्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स, जिसका ईयर है बच्चों 2000। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना कि किस टाइप के रूल है। दूसरी बात आपने ये याद रखना है कि 1 2 3 मेमोरी टेक्निक क्रिएट करना है तो 3 को रिपीट कर लो, 3 4 5 प्रोहिबिटेड सीजी आरबीआई। अब इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, क्लियर है? नाउ वी आर गोइंग फॉर प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, नेपाल और भूटान के जो ट्रांजेक्शन है। एक बात आपने याद रखना, नॉर्मली हम प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन बोलते हैं शेड्यूल 1 रूल 3 में है, पर याद रखना नेपाल और भूटान सिर्फ रूल 3 में है, ये शेड्यूल 1 में नहीं दिया है। रूल 3 का पॉइंट नंबर 1 है नेपाल एंड भूटान के ट्रांजेक्शन, दूसरा पॉइंट है नेपाल एंड भूटान का ट्रेवल,
और तीसरा पॉइंट है ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल वन, कुछ इस तरीके से शुरू होता है। तो नेपाल और भूटान ये सिर्फ रूल थ्री का पार्ट है, ये शेड्यूल वन का पार्ट नहीं है। शेड्यूल वन में बचे हुए प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन को कवर किया जाता है, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है, इसको ऐसे ही याद रखना। यहां तक समझ में आए? सो नेपाल और भूटान के किसी भी पर्सन के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो या उसके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आप डॉलर में रेमिटेंस नहीं दे सकते, क्योंकि नेपाल और भूटान में रूपीज अलाउड है तो डॉलर अलाउड नहीं किए जाएंगे। दूसरा ट्रांजेक्शन, लॉटरी रेसिंग एंड राइडिंग, बैंड मैगजीन, फुटबॉल पूल, स्वीपस्टेक्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें इसके अंदर आ रही है, तो पूरा ध्यान बोर्ड पे है ना। पहले लॉटरी वाले ट्रांजैक्शंस को आप डिवाइड करो दो पार्ट के अंदर, जस्ट होल्ड। ओके, लॉटरी वाले ट्रांजैक्शंस को आप डिवाइड करो दो पार्ट के अंदर। सबसे पहला है जो है लॉटरी विनिंग, इनकम बोला है जिसको हम बोलते हैं विनिंग, और दूसरा है लॉटरी परचेस। एक है विनिंग, दूसरा है परचेस। विनिंग में है तीन, लॉटरी विनिंग, रेसिंग एंड राइडिंग विनिंग, अदर हॉबी विनिंग्स। परचेस के अंदर पांच है, लॉटरी टिकट, बैंड मैगजीन्स, फुटबॉल पूल, स्वीपस्टेक्स एक्सेट्रा। अब इसके अंदर लॉटरी, अगर कोई भी बंदा बाहर इंडिया से जीतता है, कोई बंदा अगर इंडिया से लॉटरी जीतता है और उस लॉटरी का विनिंग देश के बाहर लेके जाना चाहता है, देश के बाहर और क्या लेके जाना चाहता है, लॉटरी का विनिंग, तो ऐसा विनिंग बाहर लेके जाना प्रोहिबिटेड है, यू कैनॉट टेक द सेम। और कोई भी इंडिया अगर बाहर से लॉटरी का टिकट परचेस करना चाहता है तो वो बाहर से टिकट परचेस कर नहीं सकता। मतलब लॉटरी ना विनिंग आप लाके लेके जा सकते हो ना बाहर से टिकट परचेस कर सकते हो। क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना। इसमें बच्चे पूछते हैं सर अगर बिना टिकट परचेस के लॉटरी लग गई तो, मतलब पहले तो लॉटरी मतलब लक पे, उसमें बिना टिकट परचेस किए इतने लक चलेंगे आपके? थोड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछना, ठीक है? तो यह चीज को आपने याद रखना। अब मतलब बाहर अगर आप लॉटरी विनिंग लेके जाना चाहते हो अलाउड नहीं है, आप इंडिया में हॉर्स रेस खेल और बाहर लेके जाना चाहते हो अलाउड नहीं है, कोई भी दूसरे हॉबी का विनिंग लेके जाना अलाउड नहीं है, लॉटरी टिकट बाहर परचेस करना अलाउड नहीं है। सर व्हाट इज बैंड प्रिस्क्राइब मैगजीन, सब 18 साल के ऊपर होंगे तो ये अलाउड नहीं है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड कुछ मैगजीन आते हैं जैसे रीडर्स डाइजेस्ट वगैरह, इसको एक बार चेक करना आपको मिलेगा। तीसरा फुटबॉल पूल्स, व्हाट इज फुटबॉल पूल, आप इसको समझ लो फुटबॉल के ऊपर का सट्टा। नॉर्मल बैच के अंदर नॉर्मली इसके ऊपर 15-20 मिनट का डिस्कशन होता है, पर आप यहां समझ लो फुटबॉल का सट्टा। और चौथा स्वीप स्टेक्स, मतलब बीशी, बीशी सुना होगा ना, वो 10 लेडीज इकट्ठा आती है, कॉन्ट्रीब्यूट करती है, किसी को कुकर लगता है, किसी को ओटीजी लगता है, चिटफंड जैसा। सो स्वीप स्टेक्स इट कई चिटफंड, समझ में आ रहा है? तो इन चीजों में इन्वेस्टमेंट करना और इन चीजों से के लिए पैसा बाहर लेके जाना ये अलाउड नहीं है। क्लियर है आंसर? ये चीज को याद रखना। फिर तीसरा आता है, दैट इज थर्ड वन, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रूपी स्टेट क्रेडिट रूट। नाउ सबसे पहला सवाल होता है व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय रूपी स्टेट क्रेडिट रूट, सबसे पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है? पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना अच्छे तरीके से, ठीक है? लेट्स गो। रूपी स्टेट क्रेडिट रूट का मतलब हमको बड़े अच्छे से समझ में आना चाहिए। सबसे पहली बात, रशिया और इंडिया, ये ट्रांजेक्शन सिर्फ रशिया के साथ में, इसलिए मेरे को रशिया दिखाना जरूरी है, ज्योग्राफिकली वो इंडिया से इतना ही बड़ा है। हमने रशियन गवर्नमेंट से ना बड़े पैमाने पे मिलिट्री इक्विपमेंट लिए थे, ठीक है? क्या लिए थे? मिलिट्री इक्विपमेंट। ये ट्रांजैक्शन है मनमोहन सिंह की सरकार वाला और उसके भी पहले वाला, मतलब बहुत सालों से चल रहा है एक्चुअली। तो हमने रशिया से मिलिट्री इक्विपमेंट लिए थे, रशियन गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि बदले में हम उनको डॉलर देंगे या कोई रशियन करेंसी देंगे, या कोई रशियन करेंसी देंगे, तो हमने उनको डॉलर रशियन करेंसी नहीं दी, बदले में हमने उनको क्या दिया? रूपी। क्यों दिए? क्योंकि हम ही मैन्युफैक्चर करते हैं, आरबीआई ही मैन्युफैक्चर करता है, तो हमने उनको रूपीज दे दिए। रशियन गवर्नमेंट को जब ये समझ में आया, उन्होंने फोन घुमाया, उन्होंने फोन लगाया मनमोहन सिंह को, ऑटो डाइवर्ट हो गया सोनिया गांधी जी के घर पे और वहां था पप्पू, पप्पू ने फोन उठाया, पप्पू को रशियन प्राइम मिनिस्टर ने पूछा, वी हैव, रशियन एक्सेंट में, वी हैव एक्सपोर्टेड यू The military equipment. We wanted dollar or Russian currency. What you have sent? You have sent rupees? पप्पू बोले मेरे को नहीं पता, मम्मी बताएगी। मम्मी ने फोन उठाया, मम्मी बोले देखो हमने रुपीज भेजा है आपको, रुपीज ही लेना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास रुपीज है। रशियन प्राइम मिनिस्टर बोलता है अगर आपके पास रुपीज है तो प्लीज मिलिट्री इक्विपमेंट वापस कर दिए। नाउ रशियन प्राइम मिनिस्टर को लगा कि हम मिलिट्री इक्विपमेंट्स वापस नहीं करेंगे और बदले में डॉलर देंगे, पर हमने सच में मिलिट्री इक्विपमेंट वापस करने की बात कर दी कि लेके जाओ हमको नहीं चाहिए। अब रशिया हमको वही मिलिट्री इक्विपमेंट नॉर्मली एक्सपोर्ट करता था, उनके यहाँ पे जो आउटडेट होते थे, और मिलिट्री इक्विपमेंट जब एब्सोल्यूट होता है तो कौड़ी के भाव भी नहीं कोई खरीदता, और रशिया से कोई दूसरा पर्सन इतना 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 बड़ा कोई कंट्री नहीं है दुनिया में जो उनसे परचेस करेगा। यूएस खुद के मिलिट्री इक्विपमेंट बनाता है, ब्रिटिश खुद के बनाता है, चाइना सबके मिलिट्री इक्विपमेंट बनाता है, तो ऐसे सिचुएशन में कोई नहीं परचेस करता, इंडिया ही था जो परचेस करने वाला था। तो रशियन प्राइम मिनिस्टर बोले ओके ठीक है कोई बात नहीं रख लो, पर रशियन प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया बदला,
अब रशियन प्राइम मिनिस्टर क्या बोलता है कि चलो तुमने हमने हमसे मिलिट्री इक्विपमेंट दिया, बदले में तुमने रुपीज दिए, अब इसके बाद तुम जो इंडिया से रशिया में एक्सपोर्ट करोगे, व्हाट एवर द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट यू विल डू इन द रशिया, वी विल प्रोवाइड सेम रुपीज टू यू, हम सेम रुपीज आपको वापस करेंगे। तो अब इंडिया से रशिया को जो एक्सपोर्ट होता है उसके बदले में फॉरेन करेंसी नहीं आता, रुपीज ही आता है। अब प्रॉब्लम एक्सपोर्टर को ना रुपीज से है ना फॉरेन करेंसी है, बिकॉज एक्सपोर्टर तो इंडिया का है, उसको रुपीज में ही एक्सपेंड करना है। पर इस एक्सपोर्टर ने बाहर जो एजेंट अपॉइंट करके रखा, इसको तो कमीशन देना पड़ेगा, आपको बदले में आ रहा है रुपी, एजेंट कमीशन रुपीज में नहीं लेगा। तो हम जब गए ऑथराइज पर्सन को बोलने के लिए, भैया एजेंट को कमीशन चाहिए, एजेंट को कमीशन चाहिए, ऑथराइज पर्सन को बोला, ऑथराइज पर्सन क्या बोलता है, जिस एक्सपोर्ट के खिलाफ इंडिया में डॉलर नहीं आता उसके खिलाफ का एक्सपेंडिचर भी हम डॉलर में नहीं देते। और इस हिसाब से हम इंडिया के इस एक्सपोर्ट के खिलाफ रुपीज आए, इसलिए इसका एक्सपेंडिचर हम डॉलर में अलाउ नहीं करते। इसलिए देखना बेटा, कमीशन के ऊपर प्रोहिबिशन है, एक्सपोर्ट पे प्रोहिबिशन नहीं है, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, कमीशन सब जन लिखो कमीशन करके, कमीशन नहीं कमीशन। बच्चे एग्जाम में जाते वक्त रुपी स्टेट क्रेडिट रूट को ही बंद कर देते, बेटा रुपी स्टेट क्रेडिट रूट एक्सपोर्ट है, वो बंद नहीं हो सकता, उसका कमीशन बंद है। क्लियर है सर, जो हम डॉलर में देते। यहां बच्चे पूछते हैं, सर अगर हमने ज्यादा गुड्स एक्सपोर्ट करके वही कमीशन दे दिया तो दो बिल्कुल चलेगा, इंडियन गवर्नमेंट से एक डॉलर नहीं जाएगा, इस बात को याद रखना। सर रुपीस में दिया तो इंडियन गवर्नमेंट से एक डॉलर नहीं जाएगा, सर हमने काइंड में दिया तो इंडियन गवर्नमेंट से एक डॉलर नहीं जाएगा, ये चीज को याद रखना। क्लियर है? हाँ, सिर्फ दो ऐसे प्रोडक्ट है जिनके सिचुएशन में हम यहां डॉलर में देते हैं कंपेंसेशन, वो है टी, पहला है टी और दूसरा है टोबैको, पहला है टी और दूसरा है टोबैको। ये जो दो ऐसे है ट्रांजेक्शन जिसके अंदर हम 10% तक डॉलर में कमीशन देते, भले इसके खिलाफ हमें रुपीज भी क्यों ना मिले हो, 10% तक डॉलर में कमीशन देते भले इसके ऊपर हमको रुपीज क्यों ना मिले हो। क्यों? क्योंकि हम तो चाय लवर ऐसे, पूरे देश में लोगों के खून में, रगों में खून नहीं दौड़ता, चाय दौड़ती है। हालांकि चाय हमारा इन्वेंशन भी नहीं है, चाइनीज लोगों ने चाय क्रिएट की थी, 302 तरीके के चाय चाइनीज लोग बनाते हैं, हम एक ही चाय 302 तरीके से पीते हैं। क्लियर? और दूसरा टोबैको, टोबैको मतलब क्या कहना, गाय छाप, जहां समय मिला, समझ में आ रहा है सबको, जहां समय मिला तंबाकू खाना शुरू कर देते हैं, तंबाकू से कर्क रोग होता है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सॉरी सॉरी, स्वच्छ भारत, ठीक है, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। तो ट्रांजेक्शन है कमीशन, कमीशन नहीं, कमीशन ऑन रुपीज ट्रेड क्रेडिट रूट, ये चीज को आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। जिनको चाहिए वो स्क्रीनशॉट लेके रखो, गो फॉर इट फास्ट। लाइव चैट बंद हो चुका है, आई एम वेरी सॉरी, मेरे को तो दिख नहीं रहा है, तो अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो उसे होल्ड करके रखना। लाइव चैट बंद हो चुका है, शायद यूट्यूब पे बहुत टेंशन आ गया। चलो हो गया सबका, ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना, कंसेप्ट समझ में। रुपी स्टेट क्रेडिट रूट के बाद में अगले ट्रांजेक्शन के ऊपर जाते हैं, पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर एंड वोली ओन सब्सिडी। ट्रांजेक्शन को थोड़ा समझना, मुकेश अंबानी जी का एग्जाम्पल लेते हैं। मुकेश अंबानी पता है ना, वही बंदा जो भगवान की पूजा करता है तो भगवान को हाथ जोड़ के बोलता है, भगवान कुछ चाहिए तो मेरे से ले लेना, ठीक है। सो मुकेश अंबानी जी, मुकेश अंबानी ऑस्ट्रेलिया में सब्सिडरी ओपन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट किए। क्या एक्सपोर्ट किए? गुड्स। वो गुड्स ऑस्ट्रेलिया में सेल किए, $2 मिलियन वहां पे कमाए और वहीं सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर दिए। क्लियर है कंसेप्ट? इससे भी इंडिया में एक डॉलर नहीं आया, इंडिया में कोई डॉलर इंडिया में नहीं आया। अब ये गुड्स को बाहर सेल करने के लिए हमने एजेंट अपॉइंट किए, ये एजेंट को चाहिए कमीशन, ये एजेंट को चाहिए कमीशन, और मुकेश अंबानी को कमीशन देना है बाहर डॉलर में इन एजेंट्स को। तो बेटा रूल सिंपल है, जिस डॉलर के खिलाफ, जिस एक्सपोर्ट के खिलाफ इंडिया में डॉलर नहीं आते उसके खिलाफ का एक्सपेंडिचर भी हम डॉलर में अलाउ नहीं करते, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। तो यहां पे हम डॉलर अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए देखो बेटा रिस्ट्रिक्शन कमीशन ऑन एक्सपोर्ट पे है, रिस्ट्रिक्शन एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट है जॉइंट वेंचर और वुल्ली ओन सब्सिडरीज में से किसी का भी। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ है ना। इसके बाद में अगले ट्रांजैक्शन के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय कंपनी टू इज डिविडेंड बैलेंसिंग इज अलाउड। अब पहली बात है डिविडेंड बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना।
सबसे पहले यूएस का कोई कंपनी है जिसने इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप रखा है क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ता मिलता है। इस इंडियन सेटअप ने इंडिया में कुछ प्रोडक्ट्स बनाए और इंडिया से एक्सपोर्ट किया गया $2 मिलियन का चाइना में, और इंडिया से एक्सपोर्ट किया गया $3 मिलियन का ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट है, ये एक्सपोर्ट नहीं है, नेट प्रॉफिट है उस एक्सपोर्ट से आया हुआ। और इंडिया के इंडिया में इन्होंने नेट प्रॉफिट कमाया समझो $4 मिलियन का। अब टोटल जो उन्होंने इंडिया से कमाए इज इक्वल टू $9 मिलियन, दैट इज 2 मिलियन प्लस 3 मिलियन, 5 मिलियन प्लस 4 मिलियन, 9 मिलियन कमाए। अब ये 9 मिलियन, ये यूएस वाली कंपनी ये 9 मिलियन जैसा का वैसा डिविडेंड के तौर पे लेके जाना चाहती है बाहर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ मना कर दिया, बोले बिल्कुल नहीं ले जा सकते। यूएस की कंपनी ने पूछा क्यों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले कि तुमने हमको कमा के कुछ दिया नहीं एक्सचेकर को और लेके खुद जाना चाहते हो, गवर्नमेंट एक्सचेकर में डॉलर आए नहीं लेके जाना चाहते हो। तो यूएस कंपनी बोली हमने 2 मिलियन और 3 मिलियन तो कमा के दिए, तो हमें उतना तो डिविडेंड दो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिविडेंड रिस्ट्रिक्टेड नहीं बोला पड़ा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ड यूज किया डिविडेंड बैलेंसिंग, मींस बैलेंसिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट अर्नड। क्लियर है, जो प्रॉफिट हुआ उससे मैनेज करना है। तो यहां पे आप मैक्सिमम डिविडेंड दे सकते हो, दैट इज $5 मिलियन का। पर ये मैंने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बोला, एग्जाम में जब तक डिटेल सवाल ना पूछा जाए आप जहां तक के डिविडेंड बैलेंसिंग वर्ड पढ़ो आपने लिखना है इट इज प्रोहिबिटेड। डिविडेंड बैलेंसिंग वर्ड आया लिख देना प्रोहिबिटेड, ये आपके नॉलेज के लिए। अगर डिटेल में सवाल पूछा तो ये लिखना है, अगर डिटेल में सवाल नहीं पूछा डिविडेंड बैलेंसिंग वर्ड आया स्ट्रेट अवे बोल देना प्रोहिबिटेड। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना, इसे हम कहते हैं डिविडेंड बैलेंसिंग। डिविडेंड बैलेंसिंग के बाद में आता है कॉल बैक सर्विस, ये थोड़ा सा ओल्ड वाला ट्रांजेक्शन है, अभी आउटडेट हो चुका होगा। ये तब की बात है जब सेलफोन्स नहीं थे, व्हाट्सअप नहीं था, स्काइप नहीं था वगैरह, एक्सेट्रा कुछ नहीं था, और आपको ट्रंक कॉल लगाने पड़ते थे आपके बाहर के लोगों को। समझो इंडिया में कोई बंदा है, ठीक है, इंडिया में बंदा है जिसका नाम है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अपन, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं समझ में आएगा। इंडिया में कोई बंदा है जैसे वरुण धवन, वरुण धवन को प्यार हो गया नौरा फतेह से, नौरा फतेह अली खान, नौरा पता है, नौरा फतेह, नौरा फतेह अपन ड्रॉ करते हैं। हाय गर्मी, हाय गर्मी वाला डांस है, नहीं है ऐसी तो स्टेप है उसकी, हाय ना, सो हाय गर्मी। वरुण धवन को नौरा फतेह अली खान से प्यार हो गया। अब वरुण धवन, ये तब का जमाना स्काइप व्हाट्सएप वगैरह स्नैपचैट नहीं था, तो तब वरुण धवन क्या करता था, यूएस के एक हैंचबैक नंबर के ऊपर कॉल लगाता था। हैंचबैक नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, डज जैसे 8888 9999। ये हैंचबैक नंबर जब वरुण धवन का कॉल आता था तो यह कॉल को रिजेक्ट कर देता, कट कर देता था। फिर सेम नंबर से वरुण धवन को वापस कॉल आएगा, और वरुण को जब कॉल आएगा सेम नंबर से तो वरुण ने कॉल पिक करना है, पिक करने के बाद उसने हैशटैग और फिर नौरा का नंबर डायल करना है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? उसने नौरा का नंबर डायल करने के बाद में कॉल सीधा कॉन्टैक्ट किया जाएगा नौरा से इस सर्वर के थ्रू। अब आपने सुना होगा कि इंडिया से बाहर कॉल करो तो ₹5 पर मिनट लगता है, लेकिन अगर आप इस नंबर से कॉल करो हैंचबैक सर्विस से तो बाहर से इंडिया में कॉल करने के लिए हार्डली ₹2 लगता है शायद, और बाहर के बाहर यूएस में कॉल करने के लिए हार्डली 50 पैसा, तो आपका आधे ₹2.5 के अंदर काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका हैंचबैक सर्विस कॉल बैक करता है। पर इसके डिसएडवांटेजेस है, सबसे पहला इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को डैमेज, दूसरा गवर्नमेंट के डॉलर का बर्डन आ जाएगा, और तीसरा इंडिया में ऐसे 50 आशिक घूमने लगे, 100 200 आशिक घूमने लगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉलर एक्सचेंज चला ही जाएगा, इसलिए कॉलबैक सर्विस बैन हो गया। लेकिन अभी यह ट्रांजेक्शन थोड़ा सा आउटडेटेड हुआ है, एग्जाम के लिए पढ़ना जरूरी है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये चीज को याद रखना। ठीक है, ये चीज होने के बाद में अगले ट्रांजेक्शन के ऊपर जाते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है दैट इज रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन अ फंड्स हेल्ड इन नॉन रेसिडेंशियल स्पेशल अकाउंट स्कीम। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आएगा। समझो बिल गेट्स को बेटी है और विजय माल्या को बेटा है। बिल गेट्स की बेटी इंडिया में 6 महीने के लिए घूमने आई, इंडिया में आई 6 महीने के घूमने के लिए तो $5 मिलियन लेके आई। लेकिन विजय माल्या ने सपना देखा कि बिल गेट्स के बेटी के साथ अगर मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तो माइक्रोसॉफ्ट दहेज में आएगा, इसलिए विजय माल्या ने उसको मिला दिया सिद्धार्थ माल्या से, और ये दोनों लोग इंडिया में हर जगह घूमे। अब इंडिया में हर जगह ये घूमे, ये $5 मिलियन उसने आरबीआई को दे दिए, आरबीआई ने एक अकाउंट के अंदर, स्पेशल अकाउंट के अंदर ये डॉलर रखे हुए हैं, ठीक है। सिद्धार्थ माला ने उसको पूरे इंडिया में ₹1 खर्च करने दिया, 6 महीने का पीरियड एक्सपायर हो गया। जब ये बेटी बाहर जाना चाहती थी तो आरबीआई से उसने $5 मिलियन वापस मांगे, बोले स्टार्टिंग में जब मैं आई थी 6 महीने पहले तो 5 मिलियन दिए थे, वापस दो। आरबीआई उसको जैसे का वैसे 5 मिलियन वापस देता है। बिल गेट्स की बेटी इंटरेस्ट की डिमांड करती है, ₹2.5 लाख का तो इंटरेस्ट बनेगा, $2.5 लाख का इंटरेस्ट का डिमांड करती है। आरबीआई बोलता है ये नॉन रेसिडेंशियल स्पेशल अकाउंट है,
स्पेशल अकाउंट है, और इस अकाउंट की स्पेशलिटी यह है कि इस अकाउंट के ऊपर हम इंटरेस्ट नहीं देते। तो ऐसे हम इस अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देते बिकॉज ये नॉन रेसिडेंट का अकाउंट है और उनके सेफ कीपिंग ऑफ मनी के लिए हम ये अकाउंट प्रोकर करते, तो इसके ऊपर हम इंटरेस्ट नहीं देते। पर बाहर के लोग इससे कई ज्यादा खफा हो गए और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के सामने कई सारी इसकी क्वेरीज पोस्ट की, इसके पोस्ट क्वेरीज पोस्ट नहीं की, कई सारे कंप्लेन्स पोस्ट किए। अभी हम एनआरएसए अकाउंट ओपन करना ही बंद कर दिए हैं, अभी हम सिर्फ वो अकाउंट चला रहे हैं जो क्लोज नहीं हुए, दैट्स ऑल। ये है नॉन रेसिडेंशियल स्पेशल अकाउंट और उसके ऊपर का इंटरेस्ट। ये चीज होने के बाद में यहां पे प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन खत्म होते हैं। एक बार वापस बोल दूं, सबसे पहला ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर जो था नेपाल एंड भूटान ट्रांजैक्शन ट्रैवल, दूसरा था लॉटरी एंड गैम्बलिंग दैट इज विनिंग एंड परचेस, विनिंग के अंदर 3, लॉटरी इनकम, हॉर्स रेसेस इनकम या एनी अदर हॉबी इनकम, परचेस के अंदर 5, लॉटरी किट, बैंड मैगजीन, फुटबॉल पूल, स्वीपस्टेक्स और एनी अदर गैम्बलिंग एक्टिविटी। फिर उसके बाद में आता था कमीशन ऑन रूपी स्टेट क्रेडिट रूट एंड कमीशन ऑन रुपीज स्टेट क्रेडिट रूट, कमीशन ऑन इन्वेस्टमेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर एंड वोल्यू ओन सब्सिडरी, मुकेश अंबानी वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन आता था दैट इज डिविडेंड बैलेंसिंग, फिर कॉल बैक सर्विस और फिर इंटरेस्ट ऑन नॉन रेसिडेंशियल स्पेशल अकाउंट स्कीम। 2 मिनट देता हूं, 1 मिनट देता हूं, फटाफट इसको अपने बुक में से रिवाइज कर लो। गो फॉर इट फास्ट। चलो डन, लेट्स गो। एक बार रिवाइज हो चुका हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ आफ्टर दिस ये हमारा हो गया करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन विच आर प्रोहिबिटेड। नाउ आई एम गोइंग ट्रा फॉर द ट्रांजेक्शन विच आर, अच्छा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, आपने फॉरेन करेंसी के सभी अकाउंट पता होने चाहिए। मेरे बुक के अंदर ही फॉरेन करेंसी के सभी अकाउंट्स दिए हैं, रुपी अकाउंट्स भी दिए हैं जो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो सकते हैं, और प्रॉपर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स भी दिए हैं जो बेसिकली फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे तरीके से ध्यान देना, और प्लीज क्वेरी पूछना बंद कीजिए, लाइव चैट के ऊपर स्पैम करना बंद कीजिए। अगर आपने लाइव चैट्स के ऊपर स्पैम करना बंद नहीं किया तो मुझे लाइव चैट बंद करना पड़ेगा। जब मैं बोलता हूँ सिर्फ क्वेरीज पूछेंगे तभी सिर्फ क्वेरी पूछेंगे, इसके बाद अगर लाइव चैट बंद हो गया तो आप कोई भी क्वेरी पूछ नहीं पाओगे। ये आपके बेनिफिट के लिए सेशन चल रहा है, कृपया इसका ध्यान रखें, कोई भी लाइव चैट के ऊपर कृपया करके कोई क्वेरी ना पूछे। ठीक है, कोई क्वेरी, केस बेस्ड एमसीक्यूज नहीं होने वाले बेटा फिलहाल। ठीक है, सो क्वेरी पूछना बंद कीजिए, जो टॉपिक चल रहा है सिर्फ उससे रिलेवेंट क्वेरी पूछे, अदरवाइज मैं नेक्स्ट सेशन से लाइव चैट बंद कर दूंगा और फिर कोई क्वेरी पूछते आपको नहीं आएगी। स्टॉप द लाइव चैट। ठीक है, कुछ बच्चे उसमें स्पैम कर रहे हैं, सर योगा वगैरह करने चले गए, जो भी बच्चा वहां पे स्पैम करते हुए मुझे दिखा मैं इमिडिएटली उसको ब्लॉक कर दूंगा पूरे चैनल से। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, कोई इच्छा नहीं है, पर वहां पे स्पैम करते हुए दिखा यू विल गो अवे। ठीक है, और कोई भी स्पैम करते हुए नहीं दिखना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से ध्यान देना। नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस। ठीक है, जिसके अंदर अभी हम जाने वाले हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर, और जो ट्रांजेक्शंस है रिगार्डिंग करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन विच आर प्रोहिबिटेड बाय सीजी, विच आर प्रोहिबिटेड बाय सीजी। अब सवाल उठता है जब आरबीआई या अपेक्स अथॉरिटी है फेमा में तो सीजी को ये पावर क्यों दिया गया है, तो जरा बहुत अच्छे तरीके से समझना। यहां पे मैं एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूं, समझने के लिए आसानी होगी। जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है वो फर्दर डिवाइड होते हैं बच्चों 2 पार्ट के अंदर, जिसके अंदर आप ले सकते हो ऐसे ट्रांजेक्शन जो पब्लिक इंटरेस्ट में है और ग्रुप ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट में है, और दूसरे ट्रांजेक्शन जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट में है। ठीक है, ग्रुप ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट या जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट में है। जो ट्रांजेक्शन पब्लिक इंटरेस्ट में है, जो ट्रांजेक्शन कौन से इंटरेस्ट में है पब्लिक, हम उसके लिए अप्रूवल लेने जाते हैं सीजी का, बिकॉज सीजी मतलब गवर्नमेंट मतलब पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब आरबीआई का हम अप्रूवल लेने के लिए जाएंगे उन लोगों के लिए, बिकॉज आरबीआई नॉर्मली इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ट्रांजेक्शन के लिए अप्रूवल देता है। तो अभी हम जो सीजी वाले ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो पब्लिक बेनिफिट के ट्रांजेक्शन है। किसके बेनिफिट के ट्रांजेक्शन है? पब्लिक बेनिफिट। ठीक है, ये चीज होने के बाद में हम अब आगे बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला ट्रांजेक्शन आता है कल्चरल टूर्स।
कल्चरल टूर्स का मतलब ईस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, हर टाइप का कल्चर यहाँ पे आएगा। और सीजी में एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, दैट इज मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। जिसके अंदर जब भी हम कल्चरल टूर बोलते हैं, जैसे ही मैंने कल्चरल टूर बोला यहाँ पे सबको लगता है भरतनाट्यम शास्त्रीय संगीत की बात की जा रही है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अगर ऋतिक रोशन पॉप डांस भी कर रहा है या भरतनाट्यम शास्त्रीय संगीत भी है, इसके लिए अगर आप टूर लेके जाना चाहते हो बाहर, तो भी इसके लिए सीजी का अप्रूवल लगेगा। चार सवाल अपने सीजी के ट्रांजेक्शन में पूछने चाहिए। सबसे पहले आपने पूछना चाहिए मिनिस्ट्री कौन सा है, तो मिनिस्ट्री है एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। दूसरा आपने पूछना चाहिए पर्सन कौन इन्वॉल्व है, तो यहां पे बोलना चाहूंगा एनी पर्सन। तीसरी चीज आपने पूछनी चाहिए कि कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन है, तो यहां पे है बच्चों एनी अमाउंट। और चौथी चीज पूछनी चाहिए कोई एक्सेप्शन है क्या, तो याद रखना यहां पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ये चार चीज आपने सीजी के हर ट्रांजेक्शन में पूछनी चाहिए अगर आपको अच्छे से याद करना है तो। मिनिस्ट्री, एचआरडी, पर्सन, एनी, अमाउंट, एनी, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। नेक्स्ट चीज के ऊपर मैं जा रहा हूं, कल्चरल टूर होने के बाद में सेकंड चीज के ऊपर मैं जा रहा हूं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय पीएसयू एक्सेडिंग US$10,000, नो रिस्ट्रिक्शन और अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल बिडिंग। अब इस चीज को बड़े अच्छे से समझना, ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहले तो ऑडियो विजुअल मीन, तो एक बात याद रखना ऑडियो विजुअल मीन इज फ्रीली परमिसेबल, जिसके लिए कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा है प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया के लिए आपको अप्रूवल की जरूरत है, पर प्रिंट मीडिया का भी या एडवर्टीजमेंट दो लोग कर रहे हैं, एक कर रहा है एनी पर्सन, कोई भी दूसरा पर्सन कर रहा है तो उसको फ्रीली परमिसेबल है। लेकिन अगर ये स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है या ये पीएसयू कर रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू के लिए अप्रूवल चाहिए, पर स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू में भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। अगर अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट इज मोर देन $10,000, 10K मतलब $10,000, और अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट इज लेस देन $10,000, अगर $10,000 से कम है एडवर्टीजमेंट का अमाउंट तो फ्रीली परमिसेबल है। अगर अमाउंट $10,000 से ज्यादा है तो ऐसे सिचुएशन में हमें इस चीज के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, और अप्रूवल है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, MOF, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया बाय स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू अबव US$10,000 तो अप्रूवल है। बाकी ऑडियो विजुअल मीन रेडियो टीवी चैनल वाला फ्रीली परमिसेबल, एनी फ्रीली परमिसेबल, अमाउंट बिलो 10K फ्रीली परमिसेबल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल लगेगा। तीन ट्रांजेक्शन एक्सेप्शन में आते हैं, इसके एक्सेप्शन तीन ट्रांजेक्शन है, जिसके अंदर है सबसे पहला टूरिज्म। अपन ने हमने बचपन से पढ़ा है भारताला भारताला पर्यटनामुळे परकीय चलन मिळतं, भारत को टूरिज्म के वजह से परकीय आवक होती है, इंडिया अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज बिकॉज ऑफ टूरिज्म, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसलिए टूरिज्म से हमको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, इसलिए उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है एडवर्टीजमेंट का। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडिया को इन्वेस्टमेंट के तौर पर एफडीआई बहुत बड़े मात्रा में आती है, इसलिए उसके एडवर्टीजमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इंटरनेशनल बिडिंग, अब इंटरनेशनल बिडिंग बहुत सारे बच्चों को नहीं समझेगा, इंडिया में आईपीएल का बिडिंग होता है, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद एक्सेट्रा। फुटबॉल में जो बिडिंग होता है ये आईपीएल चूज किया गया है फुटबॉल से, फुटबॉल में इंटरनेशनल बिडिंग होता है फुटबॉल प्लेयर्स को बेचने के लिए। आपको पता है फुटबॉल लीग का एक टीम वेंकीज, वेंकटेश्वरा, वेंकीज चिकन वाले ना, वो भी होल्ड करते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना, ब्लैकबर्न रोवर्स करके। अब इंडिया में आईपीएल का हम ऑक्शन नहीं करते इंटरनेशनली, पर समझो इंडिया में आईपीएल को ऑक्शन हमने इंटरनेशनली करना शुरू कर दिया तो बाहर से बहुत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आएगा, तो उसे हम इंटरनेशनल बिडिंग के तौर पर जाने जाएंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, ना, ये चीज को आपने याद रखना। एक खास बात थोड़ा सा ऐसी मजाक के लिए याद रखना, आईपीएल का अगर आप टैक्सेशन देखोगे दिमाग खराब हो जाएगा। एक सिंपल चीज बोलता हूं, अगर चेन्नई सुपर किंग्स ने एमएस धोनी को स्टार प्लेयर को बेच दिया पुणे को, तो प्रॉफिट पे बेचेगा ऑफकोर्स, एमएस धोनी को बेचेगा तो। आपको पता है जब चेन्नई सुपर किंग्स ये स्टार प्लेयर को पुणे को बेचेगा और प्रॉफिट पे बेचेगा, तो उसके ऊपर चार्ज होता है कैपिटल गेन टैक्स। हर टीम खुद के प्लेयर को असेट मानती है, नसीब समझो, डिप्रिसिएट नहीं करती है, ठीक है। पढ़ना काफी इंटरेस्टिंग है, हम सीए वाले स्टूडेंट है, हमें पढ़ना चाहिए आईपीएल का टैक्सेशन, ठीक है। किसी को चाहिए तो प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए, इट विल हेल्प यू, गो फॉर इट फास्ट। कोई क्वेरी है तो पोस्ट कर सकते हो। प्रिंसी, फर्स्ट रिवीजन हमने कुछ दिन पहले बेसिक्स के लिए दिया था, आप वो रिवीजन आज के सभी रिवीजन खत्म होने के बाद देख सकते हो बेटा। थैंक यू सो मच मोहम्मद। एनी पर्सन प्रिंट मीडिया में फ्रीली परमिटेड बेटा। 1000 लाइक्स, थैंक यू सो मच। 1000 लाइक हो गए, क्या बात है, मैं तेरा हाय रे जबरा हुए रे जबरा फैन हो गया। 1000 लाइक नहीं हुए, अच्छा नहीं हुए, कोई बात नहीं, चलो लेट्स गो, हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सबसे शेयर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट लेना चाहिए, ठीक है, लेट्स गो।
चलो, एक्विजिशन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कुणाल डिलीट हो चुका है, ठीक है। ये चीज होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे, नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन के ऊपर मैं जा रहा हूं। रेमिटेंस ऑन फ्रेट ऑन एनी वेसल चार्टर्ड बाय पीएसयू, पेमेंट फॉर इंपोर्ट थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएसयू ऑन सीआईएफ बेसिस। क्लियर है रोहित? यहाँ हेलो हाय ना कीजिए, ये स्पैम करने के लिए नहीं है। अगर कोई क्वेरी है तो सिर्फ वही पूछेगा, सिर्फ यहाँ पे क्वेरी पूछिएगा, और वो भी जो रिलेवेंट टॉपिक चल रहा है उसके। जो लोग लेट आ रहे हैं वो प्लीज यहाँ पे कोई क्वेरी पोस्ट ना कीजिएगा, ठीक है। सो एनी वेसल चार्टर्ड बाय पीएसयू एंड इम्पोर्ट थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट, दो चीजें हमको यहाँ पे याद रखनी है, सबसे पहले फ्रेट और दूसरा है इम्पोर्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। अब सबसे पहली चीज हम लेते हैं, ये सी वाला ट्रांजेक्शन है, क्योंकि उन्होंने बोला गया है ओशन ट्रांसपोर्ट, तो सिर्फ ओशन ट्रांसपोर्ट में लगेगा। मतलब आपका जो एयर ट्रांसपोर्ट है और जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो फ्रीली परमिसेबल है, इट इज फ्रीली परमिटेड, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रॉड ओशन ट्रांसपोर्ट में होते हैं इसलिए। सो अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयू बाहर से कोई इंपोर्ट करता है, तो पहले तो ये शिप को लगने वाला इंपोर्ट का फ्रेट, और दूसरा ये जो गुड्स इंपोर्ट किए उन गुड्स को लगने वाला इंपोर्ट का वैल्यू, उन गुड्स को लगने वाला इंपोर्ट का वैल्यू, ये दो चीजें आपने यहां पे याद रखनी है। इन दो चीजों के लिए अप्रूवल लगने वाला है। और याद रखना, जो हमारा ये फ्रेट एंड इंपोर्ट का ट्रांजेक्शन है FNI, वो हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर कोई एनी पर्सन इसको करना चाहे तो ये फ्रीली परमिसेबल है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू के लिए अप्रूवल है, स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू के लिए अप्रूवल है। कंसेप्ट समझ में आया? चार चीजें हमेशा पूछनी चाहिए। सबसे पहला अथॉरिटी जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, जिसको हम कहते हैं मोस्ट। दूसरा पूछना चाहिए अमाउंट, तो है एनी अमाउंट, एनी डॉलर अमाउंट। तीसरी वाली चीज जो हम यहां पे पूछते हैं, दैट इज कि भाई पर्सन कौन इन्वॉल्व है, तो मैं बोलना चाहूंगा स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू। और चौथी चीज हम यहां पे पूछते हैं कि भाई कोई एक्सेप्शन है क्या, तो हाँ एयर ट्रांसपोर्ट और रोड ट्रांसपोर्ट को आप यहां पे एक्सेप्शन मान सकते हो। क्लियर है? किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेकर रखो, गो फॉर इट फास्ट। सिर्फ प्रिंट मीडिया, जो प्रिंट मीडिया में ही दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो विजुअल मेन में नहीं दिया जाएगा बेटा। चलो डन। चलो आगे बढ़ते हैं, कंसोलिडेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। ये चीज होने के बाद में अगले वाले ट्रांजैक्शन के ऊपर मैं जा रहा हूं, और अगला ट्रांजैक्शन है सर्टिफिकेट टू मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स मेकिंग रेमिटेंस टू देयर रीजन अब्रॉड। मॉडल वर्ड देख के बहक मत जाना नलायको, ठीक है। कई सारे बच्चे मॉडल है, मॉडल वर्ड देख के बैक मत जाना निकम्मा, ठीक है। मल्टी मॉडल, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, मींस डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? एयर, वाटर, लैंड। वाटर वाला तो हमने देख लिया, लेकिन वो सिर्फ स्पेसिफिकली इंपोर्ट के लिए था, ये अलग है। एक एग्जांपल सेट करता हूं, समझ में आएगा। जैसे इंडिया ब्रिटिश, ब्रिटिश का ब्रिटिश एयरवेज करके एक एयरवेज था जिसने बाहर गोरे लोगों को भरा, गोरे लोग बोलो, ये गोरे लोग गो को एयरवेज लेके इंडिया में आता है और इंडिया में इनको खुला छोड़ देता है, बोले जाओ भागो यहां से। जाते वक्त क्या ये एयरलाइन, ये एरोप्लेन क्या खाली हाथ जाएगा? नहीं, जाते आते वक्त गोरे लोगों को लेके आया, जाते वक्त काले नहीं बोलते, निकम्मो इंडियंस बोलते हैं, वी आर ब्राउन, वी आर नॉट काले, काले लोग निग्रो लोग होते हैं, हम इंडियंस है। जाते वक्त ब्राउन पीपल को लेके जाएगा और वो ब्रिटिश में छोड़ेगा। अब देखो, गोरे लोगों ने जो पैसा दिया वो तो ब्रिटिश एयरलाइन ने वहीं पे कमा लिया। व्हाट अबाउट इंडिया में जो लोगों ने फ्रेट पे किया है ब्रिटिश एयरवेज को रुपीज के फॉर्म में, वो कैसे लेके जाएंगे? तो उसको इंडिया से रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करके ब्रिटिश को लेके जाना पड़ेगा। इसे कहते हैं मेकिंग रेयर रेमिटेंसेस टू एजेंट अब्रॉड। यहां एजेंट वर्ड को आपने डिलीट कर दिया तो भी चल जाएगा, रेमिटेंसेस टू अब्रॉड कह रहे हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर बाहर रेमिटेंस करना चाहते हैं वो इस रेमिटेंस को लेके जा सकते हैं। इसके लिए चार सवाल हमेशा पूछने। सबसे पहले अथॉरिटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। अमाउंट, एनी अमाउंट। उसके बाद में पर्सन इन्वॉल्व, पर्सन इन्वॉल्व सिर्फ लिखूंगा पी, एनी पर्सन। एनी एक्सेप्शन लिखूंगा ई, नो एक्सेप्शन। क्लियर है? अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, गो फॉर इट फास्ट। स्पैम ना कीजिए बच्चों, कमेंट कर रहे को बोले तभी कमेंट कीजिए प्लीज, वरना मेरे को लाइव चैट बंद करना पड़ेगा।
ए बी ब्रिटिश मीन्स पाउंड आप बोल सकते हो बेटा, लेकिन मैंने पहले ही बोला पूरे लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला, पूरे फेमा के अंदर जब भी मैं डॉलर बोलूं तो कोई भी फॉरेन करेंसी उस देश की है वो एम्ज्यूम कर लेना, ठीक है। चलो सर्टिफिकेट टू मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट होने के बाद अगले ट्रांजेक्शन के ऊपर जाते हैं। रेमिटेंस फॉर कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। अब जो वर्ड यहाँ पे इन्वॉल्व है दैट इज कंटेनर डिटेंशन चार्जेस। व्हाट इज कंटेनर डिटेंशन चार्जेस, तो बड़े अच्छे से ध्यान देना। समझो चाइना को हमने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किए जिस वजह से हमारी शिप चाइना के कस्टम पोर्ट के ऊपर पार्क करके रखी है। कस्टम पोर्ट पे शिप पार्क करने का, या जो बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं ऐसे लंबे लंबे कंटेनर्स आते हैं, ये कस्टम पोर्ट पे रखने का रेंट लगता है बेटा। इन रेंट को कहा जाता है डिटेंशन चार्जेस। इस रेंट को क्या कहा जाता है? डिटेंशन चार्जेस। वेसल पार्क करने का, स्टोरेज पार्क करने के चार्जेस को कहा जाता है डिटेंशन चार्जेस। और ये कंटेनर डिटेंशन चार्जेस के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने एक शेड्यूल बना के रखा है। उन्होंने कंट्रीज का नाम कुछ इस कदर लिखा है और पर डे के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से कितने चार्जेस पे कर सकते हो, ऐसा एक टेबल बना के रखा है। अगर उस टेबल से ज्यादा पर डे पर केजी के हिसाब से आप चार्जेस देने वाले हो तो आपने डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का अप्रूवल लेना है। अगर उससे कम है तो आप शेड्यूल के हिसाब से दे सकते हो। क्लियर है? चार सवाल अगेन मैं एक बार पूछना चाहूंगा। सबसे पहले अथॉरिटी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, दूसरा अमाउंट एनी अमाउंट, तीसरा पर्सन इन्वॉल्व एनी पर्सन, और चौथा एनी एक्सेप्शन नो एक्सेप्शन। तो अगर आप चाहो तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गो फॉर इट फास्ट। हाँ एसजीपीएसयू को अप्रूवल लेना है बेटा। योगेश स्क्रीन ब्लर हो जाएगी अगर आपका नेट कनेक्शन बुरा होगा थोड़ा सा, तो टेस्ट डिशेस भूटान वाला ये बेसिकली काउंट नहीं होता, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन में ही आता है बेटा। चलो डन हो गया सबका। ये चीज होने के बाद में अगले कंटेंट के ऊपर मैं जा रहा हूं। नेक्स्ट वाला है रेमिटेंस फॉर हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर्स फॉर टीवी चैनल एंड इंटरनेट सर्विसेज। बड़ा काम का ट्रांजैक्शन है टेक्निकली समझना। डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी, सभी इंग्लिश चैनल, एएक्सएन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गंदे वाले नहीं निकम अच्छे वाले बोल रहा हूं। डिस्कवरी चैनल इंडिया में ब्रॉडकास्ट करने का राइट है सोनी टेलीविजन के पास। इसके लिए डिस्कवरी चैनल ट्रांसपोंडर्स के थ्रू इंडिया में फ्रीक्वेंसी एमिट करता है। ये जो इक्विपमेंट कहते हैं इसे हम कहते हैं ट्रांसपोंडर, और हम डिस्कवरी चैनल को इसके लिए जो रेंट पे करते हैं इसे कहते हैं ट्रांसपोंडर चार्जेस। इसे हम कहते हैं क्या बच्चों, एक बार ट्रांसपोंडर चार्जेस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। अब ये ट्रांसपोंडर चार्जेस मतलब हम डिस्कवरी चैनल ब्रॉडकास्ट करने के लिए जो रेंट देते हैं उसे कहते हैं ट्रांसपोंडर चार्जेस। तो ये ट्रांसपोंडर चार्जेस टीवी चैनल या इंटरनेट सर्विसेज के लिए अगर आपको किसी बाहर की कंपनी को देने हैं तो ऐसे सिचुएशन में अथॉरिटी इज मोइब, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एंड आई गेस एक और मिनिस्ट्री इसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑल्सो आई गेस आता है। दूसरा दैट इज अमाउंट इन्वॉल्व एनी अमाउंट, पर्सन इन्वॉल्व एनी पर्सन, एक्सेप्शन नो एक्सेप्शन। तो ये चार्जेस के लिए आपको सीजी का अप्रूवल लगेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो डन एवरीबॉडी। रवीना ऑफशोर बैंकिंग यूनिट मतलब इंडिया के अंदर ही सेज वगैरह को लोन देना। चलो ये चीज होने के बाद मैं अगले ट्रांजैक्शन के ऊपर जा रहा हूं। अगला है रेमिटेंस फॉर प्राइज मनी। कोहली की तरफ मत देखो निगम्मो। रेमिटेंस फॉर प्राइज मनी फॉर स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड एक्सीडिंग $1,00,000। क्लियर है कंसेप्ट? फॉर एग्जाम्पल कोहली, अब ये समझो कोहली गया है ब्रिटिश इंग्लैंड के साथ टूर के लिए, मैच खेलने के लिए इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में जब इंटरव्यू चल रहा था तो इस पीछे आप देख सकते हो स्पॉन्सरशिप एमआरएफ टायर एलजी वगैरह। तो बाहर देश में जब कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है तो इंडिया से रिमिटेंस आता है एडवर्टीजमेंट के लिए, प्राइज मनी के लिए। आप और देख सकते हो जैसे पूरी फॉरेन की पब्लिक देख रही है और यहां एडवर्टीजमेंट चल रहा है कमला पसंद का, ठीक है। सो कमला पसंद, गजब का साथ, गजब की मिठास, जो भी है, या फिर कोई भी प्राइज मनी आप देते हो। अब ये तो पेटीएम ने रुपीज में चेक दिया है, लेकिन पेटीएम कई बार डॉलर्स वगैरह में चेक देता है बाहर की सीरीज के लिए। तो ऐसा कोई भी प्राइज मनी या कोई भी स्पॉन्सरशिप आप करना चाहते हो अबव $1,00,000, तो ऐसे सिचुएशन में आपको अप्रूवल लगेगा। और ऐसे सिचुएशन में अथॉरिटी इज अगेन वही टाइम पास अथॉरिटी, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। दूसरा अमाउंट इज एनी अमाउंट, पर्सन इन्वॉल्व इज एनी पर्सन, और उसके बाद में चौथा दैट इज
एक्सेप्शन है क्या? तो मैं बोल सकता हूँ नो एक्सेप्शन। हालांकि ये ट्रांजैक्शन अगर इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल या स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडी कर रही है तो ऐसे सिचुएशन में इसको एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा, बिकॉज इनका मेन काम ही स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, तो ये चाहे कितना भी पैसा खर्च करे इसके लिए अप्रूवल नहीं लगता। क्लियर है? चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, गो फॉर इट फास्ट। मोइब, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी शायद। यस राइट, यस बेटा, ये सीएमए को भी अप्लीकेबल है। हैव अ मेमोरी टेक्निक, फ्रांसिस्को टॉनसान को टॉस्कानो जो भी है, मेमोरी टेक्निक है बेटा, मैं उसी के ऊपर जा रहा हूं। चलो ये हो गया। इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर हम जाते हैं, मेंबरशिप ऑफ पी एंड आई क्लब। नाउ पी एंड आई क्लब का बहुत सारे बच्चों को लॉन्ग फॉर्म नहीं पता, लिख लेना प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब। पुराने जमाने की बात है, कोलंबस वगैरह के जमाने में या उसके बाद जब सेल डेवलप हुआ, इंश्योरेंस निकला, तो मरीन इंश्योरेंस लोग देते नहीं थे, बिकॉज कोई भी बंदा जब जाता था जहाज लगे तो ऐसा लगता था जंग पे जा रहा, आधा टाइम तो डूब के और मर के वापस आता था। तो मरीन सेक्टर को इंश्योरेंस देना लोगों ने बंद किया, तो मरीन सेक्टर वालों ने क्या किया, एक क्लब बनाया, और उस क्लब के अंदर समझो 5 सेलर्स है, उस क्लब के अंदर समझो 5 सेलर्स है, 6 है समझो, तो ये 6 सेलर खुद के हिसाब से $1,000 इस क्लब के अंदर डालेंगे पर सेलर, जिससे क्लब में जमा हो जाएंगे $6,000। ये $6,000 उस सेलर को दिए जाएंगे जिसका शिप उस महीने में डूब जाएगा पानी में ड्यूरिंग दैट पीरियड। क्लियर है? जिसका शिप उस महीने में पानी में डूब जाएगा, हम उसी सेलर को ये $6,000 देंगे। ये मिलीजुली सरकार है चिट फंड और बीसी की। कंसेप्ट समझ में आया कि आप ही अमाउंट कंट्रीब्यूट करो आप ही के सेफ्टी के लिए। इसे कहते हैं मेंबरशिप पी एंड आई क्लब। यूके पी एंड आई क्लब वगैरह ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं जो काफी सारे फेमस है, आप इसको गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो। पर अब इंडिया में मरीन इंश्योरेंस सेक्टर है, और इंडिया में एज अ मरीन इंश्योरेंस सेक्टर है, तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसे क्लब्स के इन्वेस्टमेंट हम प्रोहिबिट नहीं करते। अगर इंडियन मरीन इंश्योरेंस सेक्टर ने किसी को इंश्योरेंस नहीं दिया तो ऐसे क्लब के इन्वेस्टमेंट हम अलाउ करते हैं। अगेन अथॉरिटी, अथॉरिटी यहां पर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगेन सेकेंड, कोई डॉलर अमाउंट, कोई डॉलर अमाउंट नहीं, एनी अमाउंट बोला है। थर्ड वन, अच्छा पिछले इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शायद मैंने डॉलर अमाउंट एनी बोला, यहां $1,00,000 चाहिए, माय मिस्टेक। क्लियर है? $1,00,000 एंड अबव, यहां एनी अमाउंट ऑफ डॉलर है। उसके बाद में थर्ड वाला कि भाई पर्सन कौन इन्वॉल्व है, तो मैं बोल सकता हूं एनी पर्सन, और एक्सेप्शन तो मैं बोल सकता हूं नो एक्सेप्शन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये चीज को आपको बड़े अच्छे तरीके से समझना जरूरी है, ये चीज काफी काम में आएगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो ये चीज को आपके अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, गो फॉर इट फास्ट। चलो डन एवरीबडी। $1,00,000, आई एम वेरी सॉरी, गलती से मैंने वो बोल दिया। नेपाल ट्रांजेक्शन, नेपाल भूतान का ट्रांजेक्शन रूल 3 में दिया है, और रूल 3 प्रोहिबिटेड का पार्ट है, इसलिए वो प्रोहिबिटेड में आएगा, वो सिर्फ शेड्यूल का पार्ट नहीं है बेटा। जिसने भी सवाल पूछा है एमजे मोनिल, ठीक है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोहिबिटेड करंट, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ट्रांजेक्शन खत्म होते हैं। और एक मैं आपको ब्यूटीफुल चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगा जो देख के आपका वारे नारे हो जाएंगे सीधे स्टेबल। मैंने अथॉरिटी के हिसाब से ट्रांजेक्शन कैसे याद करने हैं, इसका एक मेमोरी टेक्निक, मेमोरी टेक्निक नहीं, लॉजिकल एनालिसिस आप इसको बोल सकते हो, जिससे आपको समझने में काफी आसानी आ जाएगी। देख सकते हो शेड्यूल 2 रूल 4। अगर आपको ये टेबल पसंद आए तो कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताना, और वीडियो को अच्छे से लाइक ठोकना। मेरे को लग रहा था अभी तक 1,000 लाइक हो जाएंगे, इतने देर से हम फॉलोअप कर रहे हैं कि कितने स्टूडेंट है, कितने लाइक है एक्सेट्रा, अभी तक 1,000 लाइक भी नहीं हुए। क्या बात है, कोई मतलब है इसके अंदर? छी, बिल्कुल ये चीज तुम्हारी मेरे को बिल्कुल नहीं आई अर्थू। सो शेड्यूल 2 रूल 4, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना कि मैं क्या कह रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी अथॉरिटीज है, हर अथॉरिटी के पास दो दो ट्रांजैक्शन है, और मैंने हर अथॉरिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। साथ में मैंने वही चारों सवाल किए हैं, अथॉरिटी, अमाउंट, पर्सन, एक्सेप्शन। अब सबसे पहले अथॉरिटी है एचआरडी। एचआरडी के अंदर कल्चरल टूर है और स्पोर्ट्स है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कल्चरल टूर, स्पोर्ट्स। कल्चरल टूर में कोई भी अमाउंट है, पर्सन कोई भी है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। स्पोर्ट्स के अंदर 1,00,000 से ज्यादा के अमाउंट के लिए ही अप्रूवल है, पर्सन इन्वॉल्व है, दैट इज एग्जम्पशन दिया है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडी, नेशनल लेवल स्पोर्ट्स बॉडी, स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडी, बहुत छोटे हस्ताक्षरों में लिखा है। एक्सेप्शन है अबव $1,00,000, मतलब $1,00,000 के नीचे एग्जम्पशन दिया गया है। क्लियर है? फिर आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके पास दो है, एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया बाय स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू, अबव यूएस डॉलर $10,000।
ये चीज आपको शायद पता होगी। और दूसरा है दैट इज पी एंड आई क्लब, मेंबरशिप ऑफ पी एंड आई क्लब के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल लगता है। अबाउ यूएस डॉलर 10,000 एडवर्टीजमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू को ही अप्रूवल लेना है। ऑडियो विजुअल मीन टूरिज्म इंटरनेशनल बिडिंग और फॉरन इन्वेस्टमेंट्स के लिए टोटली अलाउड है, तो एक्सेप्शन में लिखा है। पी एंड आई क्लब की इन्वेस्टमेंट के लिए एनी अमाउंट एंड एनी पर्सन ने किया तो भी उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ सर्फेस ट्रांसपोर्ट में दो है, एक है फ्रेट और दूसरा है इम्पोर्ट। फ्रेट के अंदर एनी अमाउंट है, स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू को अप्रूवल लेना है और एग्जम्पशन है एयर और लैंड ट्रांसपोर्ट को। इंपोर्ट के अंदर एनी अमाउंट पर सीआईएफ बेसिस पे होना चाहिए, एफओबी बेसिस पे नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहां पे लिख रखा है सीआईएफ बेसिस। स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू का अप्रूवल लेना है और एग्जम्पशन है एयर और लैंड ट्रांसपोर्ट को। फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग में दो है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एमएम ट्रांसपोर्ट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड कंटेनर डिटेंशन चार्जेस सीडीसी, कंटेनर डिटेंशन चार्जेस को रिवर्स कर करके देखना। प्लीज क्वेरी मत पूछना सर इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, यहां सभी लॉन्ग फॉर्म में बोल रहा हूं तो इसको रिवर्स कर करके देखना, नहीं बाद में भी याद नहीं आया तो वीडियो खोल के देखना, क्वेरी मत पुट करना, मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एनी अमाउंट फॉर एनी पर्सन, क्लियर है आंसर। कंटेनर डिटेंशन चार्जेस Above the rate prescribed by Director General of Shipping for any person. नीचे exception कोई नहीं है। फिर Ministry of Information Broadcasting में भी दो है, एक है TV channel और दूसरा internet services providing. TV channel में any person any amount, internet service में भी any person any amount, कोई भी exception नहीं है। इसके अंदर सभी CG के transaction बकायदा amount जो चार सवाल है उसके साथ खत्म होते हैं। अगर आपको ये चार्ट पसंद आया तो स्क्रीनशॉट ले लो, लाइक ठोको और कमेंट करो कैसा लगा। ठीक है, दिस इज अ स्मार्ट वर्क, एक बार टेबल पढ़ो काम खत्म हो जाना चाहिए, गो फॉर इट फास्ट। पसंद आया तो बिल्कुल मुझे बताना, आई विल बी वेरी हैप्पी, पढ़ाते वक्त थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है, और लाइक्स भी ठोको तो और मोटिवेशन लिखाऊंगा, और जोश से पढ़ाऊंगा। ये ऐसे लेन देन वाली बात होनी चाहिए, मैं आपको मोटिवेट करूं आप मेरे को मोटिवेट करो। तो द पीएनआई क्लब में 1 लाख का एग्जम्पशन नहीं है बेटा श्याश, वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी में है, मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी का करेक्ट पीएनआई क्लब में करवाया था। हाँ, आरएफसी ईएफसी के ऊपर मैं कमेंट करूंगा नेहा, जस्ट वेट, अभी उसके नीचे हमको वही कमेंट लिखना है। एयर एंड लैंड क्लास में शिखर मैंने एग्जम्पशन लिखवाया था, नहीं लिखा तो अभी लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, इसी के लिए टीचर भी डेवलप होता है ना धीरे धीरे। चलो डन एवरीबॉडी, आगे बढ़ते हैं, कॉन्सोलेट करना अच्छे तरीके से, समझ में आया पक्का। अब एक चीज इसमें से सिर्फ ये वाला छोड़ दो, पीएनआई क्लब वाला, मैं इसको अलग कलर के पेंसिल से लेता हूं। पीएनआई क्लब वाले को आप मार्क कर दो मार्कर से रेड, मार्कर से मैं इसको मार्क कर रहा हूं कुछ दूसरे कलर में, मैं इसको मार्कर से लेके जाना चाहूंगा ब्लू कलर में, स्पेसिफिकली पीएनआई क्लब। पूछो बच्चों क्यों, पूछो क्यों, मैं आपको बोलू पीएनआई क्लब छोड़ के बाकी कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप ईईएफसी एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट या आरएफसी, अगर आपको इन अकाउंट के डिटेल चाहिए होंगे तो मेरे बुक के अंदर सभी अकाउंट्स के फॉरेन करेंसी अकाउंट के डिटेल दिए हैं, पूरे जितने भी दुनिया में अकाउंट हो सकते हैं सबके आपको डिटेल चाहिए तो मेरे बुक से रेफर करना, मेरे कोई भी स्टूडेंट है उसे जेरॉक्स मरवा लेना। ईईएफसी या आरएफसी अकाउंट से अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है तो ऐसे सिचुएशन में आपको सीजी का मतलब स्पेसिफिक मिनिस्ट्री का अप्रूवल आपको लेने की जरूरत नहीं है, पर पी एंड आई क्लब वाले ट्रांजैक्शन में आपको ऑल टाइम अप्रूवल लगेगा। मतलब अगर आप ईएफसी आरएफसी अकाउंट में भी करोगे तो भी पी एंड आई क्लब में आपको हर बार अप्रूवल लगेगा, पी एंड आई क्लब छोड़ के बाकी सब केसेस में ईएफसी आरएफसी अकाउंट से एग्जम्पशन है, क्लियर है, आपको सीजी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ये चीज को याद रखना, क्लियर है कंसेप्ट। ठीक है, सोचिए तो अब स्क्रीनशॉट वापस लेके रखो, गो फॉर इट फास्ट। थाउजेंड लाइक ठोको, इंटर वालों ने 1000 लाइक तो कंप्लीट किए थे पहले ही लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में ही। चलो डन, तो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। यहां खत्म होता है सीजी वाला ट्रांजैक्शन। सीजी वाले ट्रांजैक्शन के बाद अब मैं जा रहा हूं आरबीआई के ट्रांजैक्शंस के ऊपर, और प्लीज गौर करना इसके ऊपर क्योंकि मैं इसको लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के साथ ले रहा हूं, और ये भी चार्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है, समझने में काफी आसानी होगी अगर आप इसको ठीक से पढ़ना चाहो तो। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। ठीक है, आरबीआई के ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 रूल 5 में दिए गए हैं, सो प्लीज बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। आरबीआई के अगर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है शेड्यूल 3 रूल 5 के, जैसे गिफ्ट और डोनेशन, प्राइवेट विजिट,
बिजनेस और कॉन्फ्रेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट जिसके अंदर ट्रीटमेंट का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा और अटेंडेंट का। ट्रीटमेंट मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑपरेशन करने के लिए लगने वाला खर्चा। मेंटेनेंस मतलब उसके बाद वहां आराम करने के लिए, एडमिट रहने के लिए खर्चा। अटेंडेंस मतलब उसके साथ जो केयर टेकर जा रहा है उसका खर्चा। साथ में एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हो, किसी बाहर के क्लोज रिलेटिव को मेंटेन करना है, आपका बेटा बाहर का एजुकेशन ले रहा है उसको मेंटेन करना है। इमिग्रेशन के लिए जा रहे हो, स्थलांतरण कर रहे हो बाहर के देश में, या एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, ऐसे सभी केसेस को हम शेड्यूल 3 रूल 5 में कवर करते हैं आरबीआई के। समझ में आया? आप इसके साथ परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ऐड कर दो सिर्फ पीआरआई के लिए। पीआरओआई के लिए लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम नहीं है इसलिए उसको काट के रखा है। यह समझने में काफी मुश्किल है इसलिए रिपीट कर करके देखना। सो आरबीआई के शेड्यूल 3 रूल 5 के ट्रांजेक्शन, परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, मैंने आपको याद है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में थोड़ी देर पहले बोला था पीआरआई को सब परमिटेड है और कैसे आंसर करना था ये भी बोला था कि आरबीआई की अप्रूवल लगती है। तो परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन टू पीआरआई जो 11 ट्रांजैक्शंस है जो दिए है शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 टू कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के रूल्स में दिया है वो ट्रांजैक्शंस, साथ में परमिटेड फ्रीली परमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, फ्रीली परमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मतलब जो ना प्रोहिबिटेड में कवर्ड है ना सीजी ना आरबीआई कहीं पे भी कवर्ड नहीं है, फ्रीली परमिटेड है, ऐसे तीनों ट्रांजेक्शन को ऐड करो ये सबको, एंड पर ईयर एक पर्सन इसके लिए मैक्सिमम ले सकता है $2.5 लाख। एक पर्सन पर ईयर ये सभी ट्रांजेक्शन मिला के, कैपिटल अकाउंट, फ्रीली परमिसेबल करंट अकाउंट, आरबीआई के अप्रूवल वाले करंट अकाउंट, ये सब मिला के पर ईयर ले सकता है $2.5 लाख। एक बार आपने जो $2.5 लाख एक्सीड कर दिया, एक बार आपने जो ये $2.5 लाख एक्सीड कर दिया, तो बात याद रखना आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ $2.5 लाख यू रिक्वायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, यू रिक्वायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, पर कौन सी चीज के लिए? यू रिक्वायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर पॉइंट वन, यू रिक्वायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर पॉइंट टू, बट फ्रीली परमिसेबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए आरबीआई का अप्रूवल नहीं लगेगा, सिर्फ पॉइंट वन और टू में लगेगा, मतलब सिर्फ ये दो में लगेगा $2.5 लाख यूटिलाइज करने के बाद, बिकॉज फ्रीली परमिसेबल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन वैसे ही फ्री है। ये चीज को आपने अच्छे से याद रखना, क्लियर है सब? नीचे किस किस के लिए है? इंडिविजुअल पीआरआई, एनी पर्सन पी आर आई, ये सब ये ट्रांजेक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। आईसीआई के मॉड्यूल में तो भी ये लिखा है, हालांकि ट्रांजेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत अलग से दिए है, पर आईसीआई के मॉड्यूल में ऐसा दिया है। मैं चाहूंगा प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, गो फॉर इट फास्ट, बड़े काम में आएगा। मोर देन 1 लाख ही है कुणाल, गलत अगर बोल दिया होगा तो मैंने इक्वल टू शायद नॉर्मली बोलने की आदत है दैट्स व्हाई बोला है। इंडिविजुअल लिमिट्स निस्वार्थ इनकी कोई काम नहीं करती, इनको स्पेसिफिकली आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। इंडिविजुअल लिमिट सब डिलीट हो चुके हैं आईसीआई की तरफ से निस्वार्थ। रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, कमीशन फॉर सेल ऑफ फ्लैट, डोनेशन फॉर एजुकेशन, ये कवर नहीं होते, हम इसके ऊपर भी जा रहे हैं दीक्षा, जस्ट थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए। जितने ट्रांजैक्शन मैंने लिखे हैं सिर्फ उतने ही प्लीज, ओके ये चीज को याद रखना, जितने ट्रांजैक्शन मैंने यहां पे लिखे हैं सिर्फ उतने ही एलआरएस में है। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है आरबीआई के जो नहीं आते हैं लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम में, जिसके लिए आरबीआई का स्पेसिफिक अप्रूवल लगता है, ठीक है? कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो नहीं आते हैं लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम के अंदर। अब ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जो लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम के अंदर नहीं आते हैं, पहले मैं उनको दिखा दू, जस्ट वेट फॉर इट। मुझे एक बार सर्च करने दीजिए, ओके यहीं पे डायग्राम बना के रखे चाहिए, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट डायग्राम भी बना देता हूं, मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। सो यहां पे एक चाहिए तो सेपरेट चार्ट ही बना लेते हैं, आपको पसंद भी आएगा वो। सो मैं यहां हेडिंग देता हूं ट्रांजैक्शंस नॉट कवर्ड इन एलआरएस लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम, ऐसे ट्रांजैक्शन जो लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम के अंदर कवर नहीं किए गए हैं। तो जिसके अंदर मैं चारों पांचों ट्रांजैक्शन बोल दूं, जिसके अंदर सबसे पहला ट्रांजैक्शन आता है, मैं यही लिखता हूं कमीशन ऑन रियल इस्टेट दैट इज सेल ऑफ फ्लैट
एंड कमर्शियल प्लॉट्स, ठीक है। ये कमीशन आपको वैसे फ्रीली अलाउड है, ये कमीशन आपको वैसे फ्रीली अलाउड है, मैं बताऊंगा कितना कैसा। इसको आरबीआई के ट्रांजैक्शन में कवर नहीं, एलआरएस में कवर नहीं किया जाता। दूसरा ट्रांजैक्शन है जो आरबीआई के एलआरएस में कवर नहीं किया जाता, दैट इज प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। का रीइंबर्समेंट मतलब रिफंड। तीसरी चीज जो आरबीआई के ट्रांजैक्शन एलआरएस के अंदर जो कवर नहीं की जाती, दैट इज कंसल्टेंसी सर्विसेज। और कंसल्टेंसी सर्विसेज में हम यहां पे दो लेते हैं। कंसल्टेंसी सर्विसेज का सबसे पहला कंसल्टेंसी है, दैट इज प्राइवेट कंसल्टेंसी, और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी। ये दोनों नहीं आते तो ये हो गए चार ट्रांजेक्शन, 1, 2, 3, 4, और चौथा है डोनर एम्प्लॉयमेंट। ये पांच ट्रांजेक्शन लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में नहीं आते, इनके लिए आपको आरबीआई का स्पेसिफिक अप्रूवल लगेगा, लेकिन इनकी भी खुद की कुछ लिमिट्स है, उस लिमिट के अबव लगेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। लिमिट्स में बताऊंगा, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। जिनको भी लाइव चैट से दिक्कत है वो खुद का जय लाइव चैट बंद कर दे। हर्षित यहाँ पे प्लीज स्पैम ना कीजिएगा, हर्षित और राम मैं यहीं पे ब्लॉक कर दूंगा। कोई भी सिचुएशन हो कोई स्पैम नहीं करेगा, सिर्फ क्वेरी पूछनी है तो पूछिए। हर्षित और राम ने कम्युनल कमेंट किए थे इसलिए उनको बैन कर दिया गया है। मोहम्मद लॉजिक बेटा जो वनडे रिवीजन में देना मोहम्मद काफ़ी मुश्किल होगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि रिवीजन हम कर रहे हैं रेगुलर बैच में और फास्ट ट्रैक में काफ़ी लॉजिक दिया। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ गो विद द सेम। राम और जो भी था राम गोपाल, आई एम वेरी सॉरी मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ा, पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है बिकॉज यू आर स्पैमिंग, ठीक है। जैसे लेक्चर खत्म हो जाएगा हम आपके ऊपर के रिस्ट्रिक्शंस हटा देंगे, अगर आप वापस स्पैम करोगे तो आपके ऊपर वापस रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। चलो डन एवरीबडी, ओके लेट्स गो। ओके, कुछ लोग सवाल पूछ रहे मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह में क्या होगा, तो पहले तो हम ये पांच ट्रांजेक्शन को निपटा देते हैं बेटा। ये पांच ट्रांजेक्शन होने के बाद में हम इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को सेपरेटली देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आ जाओ, मैं जा रहा हूँ पीपीटी की तरफ, लेट्स गो। ओके, सबसे पहली बात रियल एस्टेट बिजनेस, रियल एस्टेट का ट्रांजैक्शन समझना है तो लेट्स सी। इंडिया में समझो देर इज वन बिल्डर, इफ यू डोंट नो मुंबई में एक बिल्डर है लोढ़ा, वो इंडिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बना रहे हैं 132 स्टोरीड। अब ये अपार्टमेंट ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब रहेजा, हीरा लंदानी, बहुत सारे अलग अलग बिल्डर्स हैं जो अलग अलग लेवल पे अपार्टमेंट लेते हैं, तो इस चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। अब इनको पता है कि एनआरआईज भी इन अपार्टमेंट में काफी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए इन्होंने दुबई में एक एजेंट अपॉइंट किया इन अपार्टमेंट्स को सेल करने के लिए। अब इस एजेंट ने दुबई में कुछ फ्लैट सेल किए तो ये एजेंट मांग रहा है कमीशन। अब समझो इसको कमीशन कितना देना है, तो बच्चों कमीशन की लिमिट है, मैं अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना तो समझ में आएगा। कमीशन की लिमिट है 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस और US$25,000 विच एवर इज लोअर, विच एवर इज क्या है बोले एक बार उसे लोअर। अब समझो इंडिया में दो केसेस लेते हैं, इसने 1 लाख का फ्लैट सेल किया या इसने 1 करोड़ का फ्लैट सेल किया, 1 लाख का फ्लैट सेल किया, 1 करोड़ का। अगर इसने 1 लाख का फ्लैट सेल किया तो इसको कमीशन दिया जाएगा 5% ऑफ 1 लाख, दैट इज $5,000, या तो फिर $25,000, विच एवर इज लोअर, नहीं माई मिस्टेक, विच एवर इज हायर है यहां पे, विच एवर इज हायर, तो इसको यहां पे कमीशन दिया जाएगा $25,000, 5,000 नहीं दिया जाएगा। अगर इसने 1 करोड़ डॉलर का फ्लैट सेल किया तो इसको $5 लाख कमीशन दिया जाएगा, या तो फिर $25,000 कमीशन दिया जाएगा, विच एवर इज हायर। तो यहां पे 25,000 कट कर दिया गया है, आपको 5 लाख का कमीशन देना अलाउड है। ये है कमीशन ऑन रियल एस्टेट बिजनेस। ये होने के बाद में अगला ट्रांजेक्शन आता है, दैट इज अगर हम किसी भी क्लोज रिलेटिव, नहीं हम जाते हैं कंसल्टेंट, हाँ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। अगला ट्रांजेक्शन आता है
कि अगर प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल बिल गेट्स ने इंडिया में एक सब्सिडियरी ओपन की जिसके लिए बिल गेट्स ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख डॉलर्स का, कितने लाख डॉलर्स का बोले एक बार, 10 लाख डॉलर्स का, तो बिल गेट्स को हम कितना प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस रिफंड कर सकते हैं? 10 लाख डॉलर्स का बिल गेट्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। अब मैं यहां पे बोलता हूं बिल गेट्स को रिफंड होगा 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट और US$1 लाख और US$1 लाख विच एवर इज हायर। अब 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हो $50,000 और $1 लाख विच एवर इज हायर। $50,000 और $1 लाख में से हायर है $1 लाख, तो बिल गेट्स को मैक्सिमम 1 लाख देंगे। पर एक बात याद रखना, मैक्सिमम 1 लाख दे सकते हैं, इसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर अगर बिल गेट्स ने $75,000 ही किया है तो हम 1 लाख और 75,000 में से विच वर इज लोअर देंगे, क्योंकि हम रिफंड ऑफ एक्सपेंसेस करते वक्त जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है उतने ही वापस करते हैं। So, ये चीज को याद रखना। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि 1 लाख और एक्चुअल इसमें से भी लोअर लेना है, मतलब 5% और 1 लाख विच एवर इज हायर और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर, इस तरीके से इक्वेशन आता है। वापस बोलता हूं, 5% और 1 लाख विच एवर इज हायर और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर, ये चीज को आपको याद रखना है। ये होने के बाद में अगली चीज के ऊपर मैं मूव कर रहा हूं, एंड अगली चीज जो आती है वो आती है डोनर एम्प्लॉयमेंट। डोनर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है पहले मैं समझा दूं। टाटा बहुत सारे डोनेशंस करते हैं, इस बार जैसे रतन टाटा, मेरे आइडॉल है वो। सो इसमें रतन टाटा ने अगर एजुकेशन पर्पस के लिए बाहर कुछ बच्चों को भेजा, ठीक है, अब ये ऑर्फन बच्चे थे इसलिए रतन टाटा ने इन बच्चों के एजुकेशन के लिए फीस नहीं दिया, इन बच्चों के एजुकेशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डोनेशन दिया। कई बार कॉलेज में स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए डोनेशन देना पड़ता है, आपके भी बचपन में, मेरे भी बचपन में दिया गया था हमारे पेरेंट्स की तरफ से। सो डोनेशन दिया तो रतन टाटा इन बच्चों के एजुकेशन के लिए डोनेशन दे रहा है, पर इनसे एक बॉन्ड भी साइन करवाएंगे कि जब ये डिग्री होल्डर होंगे और वापस आएंगे तो ये रतन टाटा के किसी भी टाटा ग्रुप के अंदर 5 साल तक एम्प्लॉयमेंट लेंगे। कितने साल तक एम्प्लॉयमेंट लेंगे? 5 साल। इस चीज को कहा जाता है बच्चों डोनर एम्प्लॉयमेंट। जो आपके एजुकेशन के लिए डोनेशन दे रहा है उसका बॉन्ड साइन करना एम्प्लॉयमेंट का 5 साल तक। तो आप कितना डोनेशन दे सकते हो इसके ऊपर लिमिट है, 1% ऑफ लास्ट 3 ईयर्स फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, 1% ऑफ लास्ट 3 ईयर्स फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग और US$5 मिलियन। यहां लास्ट 3 ईयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है या लास्ट ईयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है सिर्फ एक बार चेक कर रहा, और US$5 मिलियन इनमें से विच एवर इज लोअर, ये इकलौती लिमिट है आरबीआई अप्रूवल्स में जो लोअर साइड है। जो कौन से साइड है बोले एक बार, लोअर साइड। ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से आपने याद रखना, ये है डोनर एम्प्लॉयमेंट। लास्ट वाला बचता है जिसे हम कहते हैं कंसल्टेंसी। मैं कंसल्टेंसी सॉल्व करवा दूं। कंसल्टेंसी बच्चों दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइवेट कंसल्टेंसी और दूसरी है इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी। कंसेप्ट समझ में आया? अच्छा, ये जितने भी लिमिट्स मैं बोल रहा हूं यहां तक आरबीआई का अप्रूवल नहीं लगता, इनके अबव आरबीआई का अप्रूवल लगता है। प्राइवेट कंसल्टेंसी मतलब फॉर एग्जांपल कल जाके अगर बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिसाइड किया कि हम एक्सेंचर से कंसल्टेंसी लेंगे, एक्सेंचर कंपनी से हम कंसल्टेंसी लेंगे, या अगर बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिसाइड किया, तो एक्सेंचर कंपनी को बैंक ऑफ बड़ौदा प्राइवेट कंसल्टेंसी के लिए मैक्सिमम दे सकता है $1 मिलियन। लेकिन अगर कल जाके डीएलएफ कंपनी ने कंसल्टेंसी लिया गोल्डन गेट कंपनी से, गोल्डन गेट कंपनी का लोगों को सीज कदर है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग गोल्डन गेट कंपनी ने ही बनाया है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग और रोड्स और ब्रिजेस के लिए अगर गोल्डन गेट कंपनी से डीएलएफ ने कंसल्टेंसी लिया तो डीएलएफ गोल्डन गेट को कंसल्टेंसी चार्जेस पे कर सकता है $10 मिलियन तक। कितने बोले एक बार, $10 मिलियन। सो $1 मिलियन और $10 मिलियन, यह है इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी का कंसेप्ट समझ में। इंफ्रास्ट्रक्चर के कई सारे कॉम्बिनेशन है, रेलवे, वाटर, सीवेज, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, डैम्स एक्सेट्रा, ये सब इसके अंदर कवर किया जाता है। सो ये 5 ट्रांजेक्शंस है जो हम लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम में कवर नहीं करते। मैं चाहूंगा इन सब का आप स्क्रीनशॉट लेकर रखो। सबसे पहले डोनर एम्प्लॉयमेंट से शुरू करते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन से, फिर बचे हुए स्क्रीनशॉट लेना, कोई क्वेरी है तो पूछ लो। ओके, 3 ईयर्स है, थैंक यू सो मच बताने के लिए बच्चों। 1500 करोड़ टोटल डोनेशन बाय टाटा ग्रुप, लेकिन वो डोनर एम्प्लॉयमेंट का नहीं था। 5% और 1 लाख विचेवर इज हायर और एक्चुअल विचेवर इज लोअर बेटा शुभम। 5% तक आरबीआई का अप्रूवल नहीं लगता है निखिल, 5% के अबव लगता है। समझ में आया?
थैंक यू सो मच ओंकार। दूसरा स्क्रीनशॉट, सॉरी स्क्रीनशॉट निकालना था, माय मिस्टेक, मैं वापस जाता हूँ, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, कंसल्टेंसी स्पेलिंग्स को थोड़ा सा एग्जम्प्ट कर देना। इमिग्रेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब आएगा बेटा, निरंजन 2 मिनट के लिए सिर्फ वेट कीजिए। चलो पीछे, कंसल्टेंसी के बाद देर इज, दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, हेडिंग लिख रहा हूँ फिर, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, प्लीज इसको देखिए और अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लोज रिलेटिव भी आएगा, जस्ट वेट फॉर दिस, क्लोज रिलेटिव रिलेटिव सब आएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। चलो पीछे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज फॉर कमीशन ऑन रियल एस्टेट। क्लोज रिलेटिव भी आएगा, जस्ट वेट फॉर इट बेटा। 3 लाइक्स रह गए 1000 के लिए, मुझे बहुत भरोसा है कि आप 1000 लाइक तो कर ही दोगे जरूर। चलो ये हो गया सबका। ओके सो पांचों ट्रांजेक्शन्स मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक चार्ट दे दूँ जो आपको समझना काफी आसान है। तो मैं एक सिंपल सा चार्ट दे रहा हूँ आरबीआई ट्रांजेक्शन्स के अंदर, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ट्रांजेक्शन के अंदर मैं एक अच्छा चार्ट दे रहा हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन्स को एलआरएस नहीं लगता, ये हमने नीचे दिए हैं। बचे हुए जितने भी ट्रांजेक्शन है, ऑल अदर ट्रांजेक्शन्स जो दिए गए हैं शेड्यूल 3 और रूल 5 में, उन सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए हमको लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम लगता है। ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। अब हम वो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन देखते हैं जो एलआरएस में पहले से ही अलाउ करके रखे हैं, जैसे गिफ्ट डोनेशन वगैरह। गिफ्ट डोनेशन में सच डिस्कस करने लायक नहीं है, आप बाहर अगर गिफ्ट डोनेशन देना चाहते हो तो एलआरएस में आएगा। प्राइवेट विजिट में भी डिस्कस करने लायक नहीं है, बिजनेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट भी डिस्कस करने लायक है, जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, आ जाइए। सो मेडिकल ट्रीटमेंट, अब देखो मेडिकल ट्रीटमेंट में 2 चीजें होती है, एक होता है ट्रीटमेंट मतलब ऑपरेशन का खर्चा, और दूसरा होता है रहने का खर्चा, पेशेंट के रहने का। और पेशेंट जाते वक्त अकेला थोड़ी जाएगा, कैसा लगेगा सलाइन की बोतल खुद लेके एयरपोर्ट से जा रहा है ऑब्वियसली, तो साथ में कोई अटेंडेंट जाएगा। तो मेडिकल टूर के अंदर ट्रीटमेंट, लिविंग पेशेंट, अटेंडेंट, ये सब मिला के 2.5 लाख, और इसके साथ वो जो सभी हमने इक्वेशन देखा ना, वो सब मिला के 2.5 लाख, ये हम लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम के अंदर कवर करते हैं। ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। दूसरी बात, मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद में जो दूसरी चीज मेरे को कवर अप करनी है, दैट इज एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के लिए अगर आप बाहर जा रहे हो तो मैं उसको थोड़ा रिलेटिव के साथ में कवर अप करने की कोशिश करूंगा, आ जाइए। देखो यहां पे क्लोज रिलेटिव के 2 चीजें मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, क्लोज रिलेटिव वाली, सो प्लीज बहुत अच्छे से बोर्ड पे ध्यान देना, ये आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत तकलीफ है। ठीक है, क्लोज रिलेटिव के ट्रांजेक्शन को आरबीआई के केस में 2 पार्ट में डिवाइड करो, पहला इंडिया दूसरा फॉरेन, पहला इंडिया दूसरा फॉरेन। इंडिया में फैमिली, फैमिली का लीड पर्सन भी इंडिया में है, फैमिली इंडिया में है, कमाने वाला पर्सन इंडिया में है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। और डिपेंडेंट पर्सन जा रहा है बाहर, डिपेंडेंट पर्सन जा रहा है बाहर, तो जो लीड कमाने वाला पर्सन है वो बाहर डिपेंडेंट पर्सन को कितना पैसा भेज सकता है, तो $2.5 लाख। इस $2.5 लाख में उसका क्लोज रिलेटिव का मेंटेनेंस और साथ साथ में उसका एजुकेशन, ये दोनों करना पड़ेगा। क्लियर है आंसर? ये चीज को याद रखना, ये 2.5 लाख मैंने लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम से उठाए हैं। ठीक है, दूसरा इंडिया फॉरेन, फॉरेन में कोई फैमिली है, फॉरेन का लीड पर्सन जो कमाने वाला है वो फॉरेन में रहता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट बेसिस पे इंडिया पे आया, उसके कंपनी उसको प्रोजेक्ट बेसिस पे इंडिया पे भेजा। कई बार आप फॉरेनर्स वगैरह देखते हो सॉफ्टवेयर कंपनीज के इंडिया में आते हैं, तो वो लीड पर्सन जो इंडिया में आया है, क्या उसकी फैमिली बाहर भूखी मरेगी? तो खुद के फैमिली को नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस पीएफ एक्सेट्रा दे सकता है, लेकिन फॉरेन का मतलब पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान से कोई भी पर्सन आया तो वो नेट सैलरी बाहर नहीं भेज सकता। ये बाकी सब कंट्रीज के लिए अलाउड है लेकिन पाकिस्तान के लिए अलाउड नहीं है। कंसेप्ट समझ में आया? लेबी लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम के अंदर आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। ये चीज को याद रखना। ठीक है, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहले इसके ले लेना। शानदार बच्चों, 1000 लाइक्स डन, आई एम वेरी हैप्पी, लव यू ऑल। शानदार तूफान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
बेटा प्रवीण, मेरे 18 लेक्चर्स के अंदर नियरली 9 लेक्चर्स फेमा के ही होते हैं, क्योंकि फेमा बहुत डिटेल में एग्जाम में पूछा जाता है, 12 से 15 मार्क के इसके ऊपर बैठे जाएगा, ठीक है? तो ये चीज को याद रखना, 9 लेक्चर्स मतलब हाफ टाइम बकायदा रिवीजन का फेमा की तरफ जाने ही वाला है, क्योंकि फेमा उतना बड़ा चैप्टर है, ऑप्शन नहीं है, बाकी सब चैप्टर जल्दी जल्दी हो जाएंगे प्रवीण, डोंट वरी, ठीक है? ढाई लाख से ज्यादा अगर आपको चाहिए तो आपको आरबीआई के अप्रूवल के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है? यही स्क्रीनशॉट लेके रख लिया आपने, फिर उसके बाद में आप चाहो तो मेडिकल टूर का भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ये भी आपके काम में आएगा, गो फॉर इट। एलआरएस स्कीम से एक्सीड होते हो तो इंडिविजुअल लिमिट्स अप्रूवल की आईसीआई ने अगर एक्सेप्ट नहीं किए तो आपको स्ट्रेट अवे चला जाएगा, आपको स्ट्रेट अवे जाना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ आरबीआई अप्रूवल विदाउट एनी लिमिट। हर्ष, दिस इज वार्निंग, स्पैम ना कीजिए अदरवाइज चैनल से ब्लॉक हो जाओगे। चलो डन, चलो ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ओके, सो यहां पे आरबीआई वाले जितने ट्रांजेक्शन मेरे को कवर करने थे एक बार मैं वापस देख लूँ। हाँ, इमिग्रेशन, कोई भी बंदा अगर इंडिया से बाहर इमिग्रेट करना चाहता है डायरेक्टली तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर कवर हो जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? तो ये चीज को याद रखना। अच्छा, क्लोज रिलेटिव का अगर मतलब जिसको नहीं पता होगा उसको क्लोज रिलेटिव बोल दू, दो स्टेप ऊपर दो स्टेप नीचे, एक इधर एक उधर, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, ठीक है? ये है रिलेटिव्स, और इनमें ऐड कर दो सन की वाइफ, डॉटर का हस्बैंड, तो हम इन्हें कहते हैं रिलेटिव्स एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये रिलेटिव हुए, पर इनके साथ जिनके साथ ब्लड रिलेशन होता है, और खुद की स्पाउस, ये चीज को याद रखना। तो जिनके साथ ब्लड रिलेशन होता है उन्हें हम कहते हैं रिलेटिव्स, क्लियर है? जिनके साथ रिलेशन होता है उन्हें हम कहते हैं रिलेटिव, पर जिनके साथ ब्लड रिलेशन होता है उन्हें हम कहते हैं क्लोज रिलेटिव। तो बेटा रिलेटिव्स होते हैं 9, लेकिन ब्लड रिलेशन जिनके साथ होता है उन्हें कहते हैं क्लोज रिलेटिव, जिसमें सन की वाइफ और डॉटर का हस्बैंड, सन की वाइफ, एक बार फिर बोलो, सन की वाइफ ये बिल्कुल नहीं आता, और डॉटर का हस्बैंड नहीं आता, इसलिए क्लोज रिलेटिव होते हैं 7। क्लोज रिलेटिव अगर नंबर 7 याद करना है तो ऐसे याद रखना क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टी शर्ट का नंबर है 7, याद करने में काफी आसानी जाएगी, कंसेप्ट समझ में आया? और रिलेटिव होते हैं 9, क्रिस्टियानो रोनाल्डो टी शर्ट 7, क्लोज रिलेटिव 7, रिलेटिव होते हैं 9, कंसेप्ट समझ में आया? ये चीज को याद रखना, ठीक है? सो यहाँ पे आरबीआई के ट्रांजेक्शन के सभी ट्रांजेक्शन खत्म होते हैं, और यहाँ पे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन पूरा का पूरा होता है आपका खत्म। नियरली हम फेमा के एंड के ऊपर है, अब कुछ ही चीजें हैं जो बची हुई है, उनको एक बार हम फिनिश अप कर दे, आ जाइए, लेट्स गो। ओके, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी, जो ये वाला टॉपिक है एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी, ये डिलीट हो चुका है, प्लीज इसका गौर कीजिएगा, होल्ड। ओके, ये एक्वाइजेशन ट्रांसफर ऑफ इमोल प्रॉपर्टी ये डिलीट हो चुका है, कई सारे बच्चों के बुक में अभी तक डिलीट नहीं किया होगा तो कट कर देना, इनमें से कोई भी पैरामीटर या कोई भी एरिया आपको अप्लीकेबल नहीं, ये सब डिलीट कर देना बेटा, ठीक है? एक्वाइजेशन ट्रांसफर ऑफ इमोल प्रॉपर्टी ये सिर्फ 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट में ही है, ठीक है? 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट वालों डिलीट मत करना, उनको अप्लीकेबल है। अगली चीज के ऊपर हम जा रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज में पहला डेफिनेशन है एक्सपोर्ट, और दूसरा डेफिनेशन है सर्विसेज जो उठाए गए हैं जीएसटी और कस्टम से, तो प्लीज वहां पढ़ लेना, यहां पूछेंगे नहीं। यहां पे हम जा रहे हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या डिक्लेयर करना पड़ता है। इंडियन एक्सपोर्टर जब कोई भी गुड्स बाहर देश में एक्सपोर्ट करता है तो उसको आरबीआई को कुछ डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं। ये डिक्लेरेशन दो पार्ट में डिवाइड होता है, अगर ये डिक्लेरेशन है रिगार्डिंग गुड्स या सर्विसेज, या ये डिक्लेरेशन है रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के जो डिक्लेरेशन है वो हम देते हैं फॉर्म सॉफ्टेक्स में, और जो गुड्स एंड सर्विसेज के डिक्लेरेशन है वो हम देते हैं ईडीएफ में। सॉफ्टेक्स और ईडीएफ में हमने क्या डिक्लेरेशन देने हैं उसका डिटेल देखना, पहले एक्सपोर्टर के डिटेल्स, फिर नेचर ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स, डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट,
और इंपोर्टर के डिटेल, मतलब बाहर के कंट्री में कौन इंपोर्टर है उसके डिटेल। वैल्यू ऑफ गुड्स में आपने एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स देना है, जो अगर अवेलेबल नहीं है तो आपने सिमिलर गुड्स का मार्केट वैल्यू देना है। जो भी अगर अवेलेबल नहीं है तो आपने असर्टेंड वैल्यू देना है, असर्टेंड वैल्यू जो आपने रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यू किया हो या कोई भी तरीके से आपने वैल्यूएशन किया हो वो वैल्यू देना है। ठीक है, इतना एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन में चाहिए, मतलब चाहिए। अगर आपने ये नहीं किया तो आपको पेनल्टी बैठ जाएगी, आपका एक्सपोर्ट खारिज हो जाएगा। ईसीबी मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है लेक्चर के एंड में। एक तो पूरे लेक्चर देखो बेटा या क्वेरी मत पूछिए, ईसीबी हम अमेंडमेंट लेक्चर में कवर किए हैं, इसलिए वनडे रिविजन के अंदर ईसीबी कवर नहीं होगा, ना ईसीबी ना ओडीआई हम वनडे रिविजन के अंदर कवर अप नहीं करेंगे बच्चों, ना इम्पोर्ट। ये अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर है, वहीं से आपको पढ़ना है क्योंकि इसके ऊपर 10 से 12 मार्क प्रेजेंट हो सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, ईडीएफ शॉर्ट टेक्स्ट, बहुत बढ़िया नेहा, बहुत बढ़िया निस्वार्थ, हो गया सबका। नेक्स्ट, ये चीज होने के बाद में अगली चीज के ऊपर मैं जा रहा हूं। एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन देने के बाद में कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन नहीं लगता। ठीक है, अब इसकी जो लिस्ट है ना वो नियरली 17-18 आइटम्स दिए हैं, मतलब क्लॉज नंबर एन तक के आइटम्स दिए हैं जिसका एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन नहीं लगता। अगर आप क्लॉज नंबर एन तक याद करने जाओगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसके लिए मैंने इसको स्पेसिफिक कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है, अगर आप वो कैटेगरीज भी याद कर लो तो ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा कि इसके बारे में एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन नहीं लगता। तो ब्रॉडर कैटेगरीज जिसमें एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन नहीं लगता, ये पसंद आए तो ताली ठोक देना कमेंट के अंदर बहुत अच्छे से। सबसे पहले जो आप फ्री सैंपल देते हो, फ्री ऑफ चार्ज गुड सप्लाई करते हो, फ्री सैंपल या फ्री ऑफ चार्ज अगर आपने गुड सप्लाई किए उसके एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफेंस के लिए जो भी गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं या उसके लिए कोई भी डिक्लेरेशन नहीं लगता है। एयरक्राफ्ट या वेसल जो रिपेयर ओवरहॉलिंग या टेस्टिंग वगैरह पर्पज के लिए गए हैं उसके लिए डिक्लेरेशन नहीं लगता है। डिफेक्टिव गुड्स को अगर रिटर्न किया है या एक्सेस गुड्स को रिटर्न किया है तो उसके लिए एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन नहीं लगता है। जो गुड्स लीज और लोन बेसिस पे आपने लिए हैं, लीज और लोन बेसिस, उसके लिए एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन नहीं लगता है। जो गुड्स टेस्टिंग के लिए बुलाए हैं और आप री एक्सपोर्ट करने वाले हो उसके लिए डिक्लेरेशन नहीं लगता है। और ऐसे गुड्स जिसके लिए स्पेसिफिक परमिशन लगना चाहिए, स्पेसिफिक परमिशन लिया है ऑलरेडी, उसके लिए एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन नहीं लगता है। मैं चाहूंगा इसको नोट करके रखो, ये बड़े काम में आएगा। इसी कैटेगरीज में वहां के सब एक्सपोर्ट के नॉन डिक्लेरेशन वाले एरियाज आते हैं, गो फॉर इट फास्ट। और इसमें एक और आता है, सॉरी, पर्सनल बिलोंगिंग्स, पर्सनल बिलोंगिंग्स, गो फॉर इट फास्ट। यस बेटा शाह, वो डिलीट हो चुका है, एक्विजिशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, लेकिन वो 6D ऑप्शनल सब्जेक्ट में है। रिपेयर वर्क, निस्वार्थ रिपेयर वर्क वगैरह ओवरहॉलिंग हमने ऊपर ले लिया एयरक्राफ्ट में, रिपेयरिंग ओवरहॉलिंग लिखा है ऑलरेडी वहां पे। हाँ दोनों डिलीट हो गए हैं, लेकिन ग्रुप फोर के सब्जेक्ट से चारों लिए डिलीट हुए हैं, ये 6D से डिलीट नहीं हुए हैं, 6D में अप्लीकेबल अगर कोई 6D में जा रहा है तो। सर एस्टिमेटेड मोर देन 2,50,000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा बेटा, निरंजन। चलो डन एवरीबॉडी, ये चीज को याद रखना, ये एक्सपोर्ट वाली सिचुएशन कवर हो गई। एक्सपोर्ट के बाद में मैं वापस जा रहा हूं मेरे पीपीटी के अंदर, आ जाइए, बड़े अच्छे से ध्यान देना। नेक्स्ट चीज जो आती है, अथॉरिटी जिसके पास आपने डिक्लेरेशन फर्निश करना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी भर दिया, ईडीएफ और सॉफ्टटेक्स, इस फॉर्म में आपने डिक्लेरेशन फर्निश करना है। ईडीएफ आपको डुप्लीकेट में फर्निश करना पड़ता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और जो सॉफ्टटेक्स है वो ट्रिप्लीकेट में फर्निश करना पड़ता है। और ये किसके पास रखा जाता है ये आपको नॉर्मल मिल जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए उसको स्किप कर रहा हूं। ठीक है, ये चीज होने के बाद एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन जैसे बोला ईडीएफ और सॉफ्टटेक्स दे दिया है। फिर उसके बाद में आता है एविडेंस सपोर्टिंग डिक्लेरेशन, आपने एक्सपोर्ट का फुल वैल्यू देना है, फुल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, और उसके साथ में आपने एविडेंस देना है किस तरीके से एक्सपोर्ट हुआ है, किस तरीके से गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका मैनर आपको मेंशन करना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए आगे बढ़ रहा हूं। कितने दिनों में आपने एक्सपोर्ट का पैसा इंडिया में लाना चाहिए, यह चीज को बड़े अच्छे तरीके से आप ध्यान देना। जो गुड्स आपने इंडिया से नॉर्मली एक्सपोर्ट किए हैं, जो नॉर्मल एक्सपोर्ट है ऑर्डर बेसिस पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो कि ऑर्डर आई और फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसका पैसा 9 महीने
और कुछ स्पेसिफिक रीजन में 9 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है, 9 months plus 9 months में आ जाना चाहिए स्पेसिफिक रीजन में ही, 9 months अनअवॉइडेबल रीजन में। लेकिन आपने गुड्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके रखे हैं, वो वहां पे पड़े हुए हैं और फिर ऑर्डर के हिसाब से उसको खरीदा जा रहा है। जैसे एप्पल के सेलफोन्स इंडिया में आके पड़े हुए हैं, ये इंपोर्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूं, थोड़ा लिंक करना। एप्पल के सेलफोन इंडिया में आके बहुत सारे पड़े हैं, फिर लोग उसके लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं, वैसा वाला। वैसे ही अगर हमने इंडिया से माइक्रोमैक्स के सेलफोन एक्सपोर्ट करके रखे हैं, बाद में उसके लिए ऑर्डर आ रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो 15 महीने plus 15 महीने के अंदर हम कवर अप करेंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना। अगर SEZ, EOU, EHTP, STP या BTP से अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में 9 months plus 9 months में हम उसको कवर अप करते हैं। तो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना, 9 months plus 9 months ये हमारा नॉर्मल है, वेयर हाउसिंग है, तो ऐसे सिचुएशन में 15 months plus 15 months, ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेशेंट का सेपरेट नहीं होगा बेटा, अटेंडेंट का 2.5 लाख 2.5 लाख सेपरेट नहीं होगा, दोनों का मिलके होगा, जो पेशेंट है उसी की तरफ से अप्रूवल आता है। गिफ्ट अप टू 5 लाख्स ऑब्वियसली एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन। अच्छा, गिफ्ट अप टू 5 लाख्स, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर गिफ्ट अप टू 5 लाख्स का क्या हुआ, तो मैं उनको पहले दिखा दूं, आ जाइए। गिफ्ट अप टू 5 लाख्स का बहुत सारे बच्चे मेरे को सवाल पूछ रहे हैं, लेट्स गो। सो सर गिफ्ट अप टू 5 लाख्स का क्या हुआ, तो गिफ्ट अप टू 5 लाख्स के लिए भी आपको डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है, ये इसके अंदर कवर किया जाएगा। तो गिफ्ट है ना, वो फ्री ऑफ चार्ज में कवर होगा, इसलिए मैंने कैटेगराइज उसको वहां पे डाल दिया, ठीक है। चलो, ये होने के बाद में अगले चीज के ऊपर बढ़ रहे हैं, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट हो गया, उसके बाद में सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। नॉर्मली आपने 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट कर देनी चाहिए। पेमेंट रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट्स, जो एक्सपोर्ट से रिगार्डिंग पेमेंट है वो आपको मिलनी चाहिए, लेकिन अगर स्पेसिफाइड मैनर में मिलने चाहिए, जो मैंने आरबीआई ने दिया है। अगर पेमेंट में डिले है तो आपको रेगुलेशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन में आरबीआई आपको डायरेक्शन देगा और उस डायरेक्शन के हिसाब से हो सकता है कि आपको गुड्स एक तो रीइंपोर्ट करने पड़ेंगे या तो फिर पेमेंट वापस मांगना पड़ेगा। तो ये आरबीआई के डायरेक्शन के हिसाब से पेमेंट रियलाइज करना चाहिए। सर्टन एक्सपोर्ट्स रिक्वायरिंग अप्रूवल, दो एक्सपोर्ट है जिसके लिए अप्रूवल लगता है, जैसे रूपी स्टेट क्रेडिट रूट आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट अंडर एक्सटेंडेड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके हिसाब से अगर रूपी स्टेट क्रेडिट रूट का एक्सपोर्ट है, रूपी क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इसका एक्सपोर्ट है, तो और बैंक वगैरह ने एलसी वगैरह दिया है, लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक ने गारंटी दिया है, तो उसके एक्सपोर्ट के लिए स्पेसिफिक अप्रूवल लगता है। अगर डिले इन रिसीट ऑफ द पेमेंट, डिले इन रिसीट ऑफ पेमेंट है, तो आरबीआई में गिव डायरेक्शन, इस चीज को सिंपली आपने याद रखना। एडवांस पेमेंट, अगर एक्सपोर्ट के खिलाफ आपको एडवांस पेमेंट आया है, तो सबसे पहले 1 ईयर के अंदर आपका एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए। अगर 1 साल में आपका एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लाइबोर प्लस 100 बेसिस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले ने पेमेंट कर दिया, 1 साल में एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, तो आपने इंटरेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब इसमें बहुत सारी डिस्प्यूट ये है कि सर ये 1 ईयर ऑफ इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट है, ये जिस 1 ईयर का डिले है उसमें भी लगेगा या 1 ईयर के बाद लगेगा? तो लॉजिकली ये 1 ईयर के बाद लगेगा, बिकॉज आरबीआई ने 1 ईयर का समय देके रखा है। हालांकि बहुत सारे ऑथर्स के जगह पे इसमें डिस्प्यूट है, तो आपको जो आपके ऑथर ने पढ़ाया होगा आप उसको रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट वाला सिचुएशन, इश्यू ऑफ डायरेक्शंस, आरबीआई इसके लिए डायरेक्शंस वगैरह दे सकता है, स्किपेबल मैटर, इसको थोड़ा सा रीड कर लेना। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट भी एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना। तो यहां पे एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन का जितना भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एरिया है, वो सब यहां पे होता है खत्म। फिर उसके बाद में आता है रियलाइजेशन रिपेट्रिएशन। रियलाइजेशन रिपेट्रिएशन का सिंपल मतलब मैं बता दूं, हालांकि ये सेक्शन पूरा एप्लीकेबल नहीं है, जितना कंटेंट एप्लीकेबल है बोल दूं। रिपेट्रिएशन का मतलब होता है, अगर बाहर आपने कुछ अर्न किया तो आके उसको ऑथोराइज पर्सन को सबमिट कर दीजिए। उसके बाद में बाहर आपने कुछ अर्न किया और वो बाहर के बाहर किसी लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए यूज कर दिया, तो आप उसका डिक्लेरेशन ऑथोराइज पर्सन को दे दीजिए, डिक्लेयर द सेम टू ऑथोराइज पर्सन। इस चीज को कहा जाता है रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन, बस इतनी चीज आपने याद रखनी है। बाकी आप इंडिया में कितने डॉलर्स खुद के पास रख सकते हो, $2000 तक आप इंडिया में खुद के पास रख सकते हो, ये भी करेंसी नोट्स के फॉर्म में रख सकते हो, कॉइन्स के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? रियलाइजेशन रिपेट्रिएशन होने के बाद में आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट चीज पेनल्टीज अंडर द फेमा। अब ये फटाफट फटाफट हो जाएगा। 4 टाइप की पेनल्टीज फेमा के अंदर कवर की जाती है, कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लीजिए। इट इज नेसेसरी टू पे इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, बेटा देवेश देना ही पड़ेगा, आरबीआई ने बोला है। गिफ्ट कवर हुआ है बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट में, अभिषेक चलो हो गया सबका। ये होने के बाद में अब मैं आगे बढ़ रहा हूं,
ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टीज के लिए, ठीक है, जितने भी लोग आंसर दे रहे, काफी सही आंसर आ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हुई है बेटा, बहुत अच्छे, 15 मंथ्स, 15 मंथ्स, 9 मंथ्स, 9 मंथ्स, बहुत जबरदस्त, हैंडली बॉर 100 बेसिस पॉइंट, जबरदस्त। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। सेक्शन नंबर 11 में अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, मतलब ऑथोराइज पर्सन ने फेल्योर कर दिया, सेक्शन 11 10 to 12 ऑथोराइज पर्सन का, इसमें 11 ऑथोराइज पर्सन ने फेल्योर कर दिया, 10,000 + 2,000 पर डे ऑथोराइज पर्सन की पेनल्टी हम देख चुके हैं। अगर आपने फेमा में कॉन्ट्रावेंशन कर दिया तो 3 टाइम्स आपको पेनल्टी लगेगी, लेकिन 3 टाइम पेनल्टी लगाने के लिए अमाउंट क्वांटिफाइबल होना चाहिए। अगर अमाउंट क्वांटिफाइबल नहीं है तो 2 लाख की लमसम पेनल्टी लगेगी। तो आप बोलोगे सर बंदा तो हमेशा यही क्लेम करेगा कि अमाउंट क्वांटिफाइबल नहीं है, बेटा क्वांटिफाइबल एज पर नॉट एज पर द अक्यूज पर्सन, क्वांटिफाइबल एज पर गवर्नमेंट। और अगर ये ऑफेंस कंटिन्यू होता है फेमा में, स्मगलिंग कर रहे हो, करते जा रहे हो, 50 दिन तक स्मगलिंग ही किया, 5,000 रुपीज पर डे लगता जाएगा, और टोटल स्मगलिंग का 3 टाइम्स लगेगा वो अलग सी बात है। साथ में स्मगलिंग के लिए दूसरे नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस में अलग पेनल्टी लगेगा वो अलग। अगर फेमा में आपने इमोबल प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग या फॉरेन एक्सचेंज से रिगार्डिंग या सिक्योरिटी से रिगार्डिंग कोई भी ऑफेंस किया है तो ये अलग पेनल्टी है, 3 टाइम्स पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी, साथ में आपको जेल हो सकता है बेटा 5 ईयर्स, और आपका प्रॉपर्टी या जो भी सिक्योरिटी है वो कॉन्फिस्केट हो जाएगा। 3 पेनल्टीज यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, 3 टाइम्स पेनल्टी लगेगा ही लगेगा, कॉन्फिस्केशन हो जाएगा, जेल होगा 5 ईयर्स, यहां 3 टाइम्स ऑफ पेनल्टी, नहीं तो 2 लाख 5,000 पर डे। क्लियर है? अब ये जो पेनल्टी आपको लगी है ये 1 करोड़ से ज्यादा है, एक्सीड 1 करोड़, और आपने 90 डेज में ये पेनल्टी पे नहीं की, नोट करके रखना, 90 डेज में आपने ये पेनल्टी पे नहीं की तो आपको 3 साल की से ज्यादा, 3 साल तक की सजा हो सकती है अगर 1 करोड़ से ज्यादा आपकी पेनल्टी और 90 डेज तक पे नहीं की तो। और अगर ये 1 करोड़ से कम वाली पेनल्टी एनी अदर केस में तो आपको 6 महीने तक की सजा हो सकती है इस सिचुएशन में। यह चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, कंसेप्ट समझ में आए। यह चीज होने के बाद में मैं आगे बढ़ू, अगली चीज आती है अपील्स। फेमा के अंदर अगली चीज आती है अपील्स होल्ड, क्योंकि पेनल्टी पड़ ली ना तो अपील तो देखना पड़ेगा। अपील्स के लिए मेरे बुक में ऑलरेडी एक चार्ट है, मैं उस चार्ट को ओपन करना चाहूंगा, आ जाइए। अपील्स के लिए मैं चार्ट दिखा रहा हूं, प्लीज इसको समझिएगा। रियलाइजेशन रिपेट्रिएशन बेटा नहीं है फिलहाल, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस की 1 टाइम ही लिमिट होती है बेटा, बिकॉज इनकॉर्पोरेशन एक ही बार होता है लाइफ में। गिफ्ट इज कवर्ड इन एलआरएस, चलो आ जाओ। सो ये है फेमा के अंदर अपील्स, पहले मैं इसको समझा दूं। जैसे मैंने बताया था अथॉरिटी स्ट्रक्चर में फेमा के, ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया था, फिर से एक बार। फेमा के अंदर आपके खिलाफ जो पेनल्टी असेस करता है, जैसे इनकम टैक्स में असेसिंग ऑफिसर होता है, वैसे फेमा में है एडिशनल डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर। एडिशनल डिप्यूटी डायरेक्टर ने आपके खिलाफ अगर ऑर्डर पास किया तो यू कैन मेक एन अपील टू स्पेशल डायरेक्टर। कई बार स्पेशल डायरेक्टर अवेलेबल नहीं हुआ तो आप ज्वाइंट डायरेक्टर को भी बोल सकते हो सेम ग्रेड के, उसके बाद में स्पेशल डायरेक्टर। अच्छा, ये अपील आप कितने डेज में कर सकते हो स्पेशल डायरेक्टर को? 45 डेज में। यू कैन मेक अ अपील टू स्पेशल डायरेक्टर विद इन 45 डेज। पेन से मैं इसको यहां पे मार्क करना चाहूंगा, आ जाइए। यू कैन मेक अ अपील टू स्पेशल डायरेक्टर विद इन 45 डेज। स्पेशल डायरेक्टर के डिस्पोजल के लिए कोई समय की सीमा नहीं बोली है, नो टाइम लिमिट। लेकिन स्पेशल डायरेक्टर ने अगर आपके खिलाफ और पेनल्टी बढ़ा दी तो 45 डेज में यू कैन गो टू फेमैट। फेमैट मतलब फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल इस केस को यहां पे 180 डेज के अंदर कंक्लूड करेगा। 180 डेज में कंक्लूड करने के बाद अगले 45 डेज में अगर आपके खिलाफ फिर भी पेनल्टी लगाई गई तो यू कैन गो टू हाई कोर्ट। यहां पे एक्चुअली 45 डेज नहीं, 60 डेज है, बिकॉज हाई कोर्ट की अपील हमेशा 60 डेज की होती है। कंसेप्ट समझ में आया? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमेशा 60 डेज की अपील, और दोनों का डिस्पोजल हमेशा सुमोटो। ये आप पागल काले पत्थर की लकीर बांध लो कि भाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की अपील हमेशा 60 डेज और दोनों का डिस्पोजल हमेशा सुमोटो। अब फेमा में सुप्रीम कोर्ट की अपील नहीं बोली है, लेकिन हाई कोर्ट ने डिस्पोज करने के बाद 60 डेज के अंदर यू कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ऑलरेडी बताया है व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो प्लीज समझना सुप्रीम कोर्ट इसको डिस्पोज करेगा सुमोटो डिस्पोजल। ये है फेमा के अपील्स। जिसको चाहिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा डीमैग्निफाई करता हूं, जूम आउट, जूम आउट, ठीक है। सो बहुत ही ज्यादा जूम आउट हो गया। ओके, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर नीचे ड्रैग करता हूं, गो फॉर इट फर्स्ट। शानदार तूफान, फेमा खत्म ही होते आ रहा है रैंडम बेटा, रैंडम कैसा नाम है बेटा। तो अभी हम ब्रेक लेंगे, डोंट वरी।
हाँ कंपाउंडिंग अप्लीकेबल वगैरह हम सब देखेंगे, कंपाउंड वगैरह सब चीजों के ऊपर जा रहे हैं, कॉमन टॉपिक्स में अभी आएगा। 60 डेज प्लस 60 डेज सार्थक कंडोनेशन ऑफ डिले के केस में, नॉर्मली मैं 60 डेज ही बोलता हूँ क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली डिलेज कंडोन नहीं करते हैं। चलो ये हो गया सबका, नीचे का भी स्क्रीनशॉट ले लो, सुप्रीम कोर्ट के अपील वाला काम में आएगा, गो फॉर इट फास्ट। चलो डन। इसके बाद में अगली जो चीज है दैट इज टाइम लिमिट। फेमा के टाइम लिमिट्स मैंने कुछ एक जगह पे देखे रखे हैं, चार्ट पसंद आए तो खुद के दांत मेरे को दे देना, निकाल के दांत मत दे देना, ठीक है। सबसे पहले सब टाइम लिमिट एक जगह पे, फुल पेनल्टी टू बी पेड विद इन 90 डेज, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है आई गेस, ये सुनो। कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन 180 डेज में होता है, हालांकि हम कंपाउंडिंग के ऊपर जाएंगे, डोंट वरी। एडजुडिकेशन की कंप्लेंट अथॉरिटी की 1 ईयर ऑफ रिसीट ऑफ कंप्लेंट हम सॉल्व करेंगे। अपील टू स्पेशल डायरेक्टर 45 डेज, अपील टू अपीलेट अथॉरिटी 45 डेज, अपील टू हाई कोर्ट दैट इज हाँ डिस्पोजल बाय ट्रिब्यूनल 180 डेज, अपील टू हाई कोर्ट 60 डेज। क्लियर है, सब टाइम लिमिट मैंने फेमा में एक जगह पे दिए, चाहिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, काम में आएगा। एज पर आर्टिकल 134 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सागर शानदार 180 डेज, जानकी राम बहुत बढ़िया। लॉन्ग ब्रेक हाफ आवर का नियरली अभी हम देंगे, डोंट वरी। फेमा खत्म ही होते आ रहा है किशोर, जैसे ही फेमा खत्म हो जाएगा वी विल हैव इट, डोंट वरी। चलो ये चीज होने के बाद में अभी मैं बढ़ रहा हूं अगले कंटेंट के ऊपर, और अगला कंटेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट चल रहा है फेमा का, पर एनर्जी मत छोड़ना, बहुत जरूरी है। इसे मैं कहता हूं कॉमन कंटेंट, कॉमन टॉपिक फॉर ऑल एक्ट्स, जितने भी एक्ट है कंपनी लॉ इकोनॉमिक लॉ, इनके कॉमन टॉपिक्स के लिए मैं दे रहा हूं, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आएगा इसको पहले मैं मार्क कर दूं। सबसे पहला, फर्स्ट थिंग, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अभी अभी हमने पढ़ा, असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्यूटी डायरेक्टर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट हमेशा सीजी करता है, और सीजी एनी नंबर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट कर सकता है, ये चीज को आपने याद रखना, क्लियर है आंसर। और दूसरी बात, जुडिशियल अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट, जैसे फेमैट वगैरह, जुडिशियल अथॉरिटी किसी भी लॉ में जुडिशियल अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट भी हमेशा सीजी करता है, एंड सीजी ही डिसाइड करता है एनी नंबर ऑफ पर्सन जो अपॉइंट करने हैं जुडिशियल अथॉरिटी के अंदर। तीसरी चीज आती है, अगर किसी बंदे के खिलाफ ऑर्डर पास हुआ है, किसी बंदे के खिलाफ ऑर्डर पास हुआ है, तो जिस बंदे के खिलाफ ऑर्डर पास हुआ है उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं, ये कतई जहर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देना। वो तीन चीजें कर सकता है, पहली चीज वो कर सकता है अपील, अपील मतलब तारीख पे तारीख, जो हमने देखा फेमैट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, वो अपील हुआ। दूसरी चीज वो कर सकता है कंपाउंडिंग, और तीसरी चीज इम्यूनिटी। ये बड़े अच्छे से समझना, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता और इंस्टीट्यूट इसके ऊपर एक बार ठोकने वाला है बहुत अच्छे से। अपील आप तब करते हो व्हेन यू डू नॉट एग्री टू पेनल्टी, डू नॉट एग्री विथ ऑर्डर, ठीक है। कंपाउंडिंग आप तब करते हो व्हेन यू सरेंडर एंड एक्सेप्ट द मिस्टेक, सुरेंदर, व्हेन यू सुरेंदर एंड एक्सेप्ट द मिस्टेक। एंड इम्यूनिटी गवर्नमेंट आपको देता है सुमोटो, गवर्नमेंट और कोर्ट आपको सुमोटो इम्यूनिटी देता है आपके कैरेक्टर की तरफ देखते हुए, क्लियर है। अपील तो अभी हमारा हो गया, आई एम डिस्कसिंग अबाउट कंपाउंडिंग, ठीक है। किसी भी लॉ में कंपाउंडिंग देख लो, यहां पे अथॉरिटी शॉल अपाउंडिंग अथॉरिटी अपॉइंट ऑफिसर फॉर कंपाउंडिंग, जैसे फेमा के अंदर अथॉरिटी जो कंपाउंडिंग के लिए ऑफिसर अपॉइंट करती है वो है आरबीआई। कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन 180 डेज में करना चाहिए ऑर्डर से, ऑर्डर से 180 डेज के अंदर कंपाउंडिंग करना चाहिए। उसके बाद में तीसरी चीज, थर्ड थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, कंपाउंडिंग जो है दैट इज सरेंडर टू गवर्नमेंट, जहां पे आपका जेल प्लस पेनल्टी कंपाउंड करके आपको लोअर अमाउंट की पेनल्टी लगाई जाती है, मतलब जेल और पेनल्टी कंपाउंड करके आपको एक तो हायर पेनल्टी लगाई जाएगी, या अगर आपको सिर्फ पेनल्टी लगाई जा रही है तो आपकी पेनल्टी को लो कर दिया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपका पहला ऑफेंस है दूसरा ऑफेंस है, आप खुद जा रहे हो आप खुद बोलोगे कि मेरे से गलती होगी माफ कर दो एक्सेट्रा। चौथी चीज, सेम ऑफेंस 3 साल में नहीं होना चाहिए, नॉट रिपीट ऑफेंस इन 3 ईयर्स, वरना कंपाउंडिंग नहीं होगा, 3 साल में सेम ऑफेंस रिपीट नहीं होना चाहिए। पांचवी चीज, एक बार कंपाउंडिंग हो गया तो नो प्रोसिक्यूशन एंड ऑर्डर आफ्टर कंपाउंडिंग,
और ऑर्डर पेनल्टी आफ्टर कंपाउंडिंग। ये बेसिक चीज है जो कंपाउंडिंग के आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना, ये चीज को याद रखना। दूसरा, गवर्नमेंट और कोर्ट सुमोटो। जब गवर्नमेंट या कोर्ट को ऐसा लगता है कि यार बंदे की इस लिटिगेशन में कोई गलती नहीं है, और ऐसा कोई देखो, व्हेन गवर्नमेंट फील्स दैट पर्सन इज नॉट गिल्टी, या देर इज नो एविडेंस अगेंस्ट अ पर्सन, या फिर तीसरा स्पेशल पर्पसन है, कोई स्पेशल पर्सन है जिसके खिलाफ आप प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते, जैसे फॉरेन डिप्लोमेट वगैरह आया है इंडिया में, इसके खिलाफ आप प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते, उनके ही कोर्ट में एंटरटेन करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट विल डिक्लेयर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है बेटा कि आपके खिलाफ इंडियन लॉ में कोई भी चीज नहीं हो सकती, नो एक्शन इन इंडियन लॉ। ये तीन चीजें, अगर आपके खिलाफ ऑर्डर पास हुआ है तो आप ये तीन चीजें अप्लाई कर सकते हो। पसंद आया तो लाइक ठोकना, नॉर्मली बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता लेकिन ये हर लॉ में होता है। इसके बाद में नेक्स्ट चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए, अगर कंपनीज ने कॉन्ट्रावेंशन किया है, कंपनीज ने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो पर्सन इंचार्ज ऑफ मैनेजमेंट लायबल होगा। और डिफॉल्टिंग पर्सन लायबल होगा। ये हर लॉ में आपको ये प्रोविजन मिलेगा, पर्सन इन चार्ज ऑफ मैनेजमेंट एंड डिफॉल्टिंग पर्सन विल बी लायबल। तो ये कॉमन है, इसके भी एडिशन में दो तीन है जो मैं यहां थोड़ा सा स्पेस सेव करके नीचे लिखता हूं, स्पेस को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बच्चों प्लीज। अगला, पावर टू मेक रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट इस लॉ में जब चाहे तब रूल्स और रूल्स वगैरह बना सकती है। पावर टू गिव एग्जम्पशन, एंड कंडोन डिलेज। फॉर एग्जाम्पल, कहीं कोई एप्लीकेशन करने में डिले हो गया, एनसीएलटी को, फेमैट को अप्लाई करने में डिले हो गया 45 डेज से ज्यादा, तो कंडोनेशन, कोई भी टाइम लिमिट दी है 90 डेज में पेनल्टी पे करने के लिए डिले हो गया, तो पावर टू गिव एग्जम्पशन एंड कंडोन डिलेज, इसमें दो है, एग्जम्पशन फ्रॉम फेमा, फुल फेमा से एग्जम्पशन और इट्स प्रोविजन, एंड लिबरल, दूसरा है लिबरल टाइम लिमिट्स, मतलब आपको डिले कंडोन हो जाएगा। ये दोनों पावर सीजी और आरबीआई को मिक्स दिए हैं, सीजी एंड आरबीआई। जैसे नॉर्मली पावर टू गिव जो एग्जम्पशंस है, इसको थोड़ा सा देखना, पावर टू गिव एग्जम्पशंस है वो नॉर्मली सीजी को होता है, एंड जो कंडोन डिलेस का होता है नॉर्मली आरबीआई को देता है, पर ऐसा नहीं है कि काले पत्थर के लगे रहे, कई बार सीजी और आरबीआई मिक्स ये पावर यूज करता है बच्चों। ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना, ये चीज को बहुत अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट चीज, पावर टू रिमूव प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। ये हर लॉ में, आप किसी भी लॉ में लगा लो ये लगी जाएगा। जैसे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 470 है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी रिमूव करने का, ये हर लॉ में होता है, पावर टू रिमूव प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। फॉर एग्जांपल, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 470 में पावर टू रिमूव प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है 5 इयर्स तक था, एफसीआरए में भी हमको ये पावर है नियरली 2 इयर्स तक का, पर अब ये सेक्शन ट्रांजिशन पीरियड में है तो ये डिलीट हो चुके हैं। ये कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो हर लॉ के अंदर लगते हैं। मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, अगर चार्ट पसंद आया तो प्लीज खुद के दांत मेरे को दे दीजिएगा, दांत देना मेरे को दांत, ठीक है? गो फॉर इट, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, काम में आएगा, फिर मैं जूम करता हूं, वो भी स्क्रीनशॉट ले लेना, गो फॉर इट फास्ट। 6.3 एप्लीकेबल नहीं है बेटा 6D में, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सबने? नीचे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शानदार। यह है मिसलेनियस टॉपिक फेमा के, ये चीज को आपने याद रखना बेटा। 180 डेज में एप्लीकेशन है दीक्षा, 180 डेज में ही डिस्पोजल है। एक बार कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन का टाइम लिमिट चेक करना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो 180 डेज ही है, आई विल जस्ट चेक इकोनॉमिक लॉ के मॉड्यूल से। होल्ड,
गलत नहीं होना चाहिए। नॉर्मली 180 डेज ही होता है, मुझे कॉमन वाले प्रोविजन से याद है। क्या खुल गया इसलिए ये टॉपिक इकोनॉमिक लॉस। कॉन्ट्रावेंशन कंपाउंडेड विद इन 180 डेज लिखा है, तो यहां पे आप कंपाउंडिंग 180 डेज में लिख लो, मतलब एप्लीकेशन वगैरह करके सब मैटर रफा दफा होना चाहिए 180 डेज में। यहां एप्लीकेशन की जगह पे कंपाउंडिंग लिख लो प्लीज। चार्ट पसंद आया तो खुद के दांत मेरे को दे देना। ठीक है, ये चीज को याद रखना, कंपाउंडिंग 180 डेज में खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो ये चीज को याद रखना। अब इसके एडिशन में फेमा में क्या बचा है, आई जस्ट सी, आई गेस कुछ बचा नहीं है, पूरा फेमा हमारा हो चुका है, आई गेस कुछ भी नहीं बचा है। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंपनीज हो गया। हाँ, एक और कॉमन प्रोविजन है, वो चाहिए तो मैं यहां पे एक छोटा सा ये बचा है तो लिख दू। अगर ये यहां फिनिश हो गया, ड्यूरिंग अपील, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ही लिखता हूं, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग डेथ या इंसॉल्वेंसी होता है अक्यूज्ड का, तो प्रोसीड अगेंस्ट नॉमिनी, प्रोसीड अगेंस्ट नॉमिनी। आंसर समझ में आ रहा है, तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, समझ में। उसके बाद में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एक्ट, सीजी का एग्जम्पशन मैंने डिक्लेयर कर दिया है। बार ऑन लीगल प्रोसीडिंग, सिविल कोर्ट को फेमा में कोई भी पावर नहीं है, ये तो नॉर्मली सबको पता होगा, पुणे सिविल कोर्ट को फेमा में कोई पावर नहीं है क्योंकि फेमा के खुद के कोर्ट्स है। ठीक है, बाकी तो आई गेस वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। हाँ, अब इसके एडिशन में बचता क्या क्या है ये मैं बोल दू। ईसीबी, ओडीआई और इंपोर्ट प्रोसीजर, तीन चीजें, वापस बोलो सब जनी कमेंट में लिखो, ईसीबी, ओडीआई और इंपोर्ट प्रोसीजर, ये तीनों के लिए। ईसीबी के लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, अमेंडमेंट लेक्चर में ओडीआई और इंपोर्ट प्रोसीजर 10 अप्रैल तक के आ जाएगा, हो सकता है तो मैं उसके लिए भी लाइव सेशन कंडक्ट करने की कोशिश करूंगा। पर ओडीआई और इंपोर्ट प्रोसीजर और ईसीबी ये अपने मेन रेगुलर लेक्चर से ही देखने, उसका यहां पर रिविजन कवरअप नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कंपल्सरी सवाल आने वाला है इस बार, और वो आएगा, मतलब आएगा तो आपको उसमें से पढ़ना है। ठीक है, सो दिस दर्शन खरे, यहां पे हम फेमा के सभी कंटेंट को करते हैं फिनिश, इस चीज को याद रखना। इसके बाद में अगले सेशन में हम आईबीसी कवर करेंगे, आईबीसी के बाद में, अगर आईबीसी तो नियरली जल्दी हो जाएगा, नॉर्मली ऐसा मैं बोलता हूं, इस चीज को याद रखना। मेरे जो 18 लेक्चर्स है, 18 में को 8 में से 9 लेक्चर में को फेमा को ही लग जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि अभी हमने टोटल लंबा चौड़ा समय लिया है, 4 घंटे का नियरली हमने समय लिया है। तो अगर मैं बोलूं तो फेमा हमारा इतने इसमें 4 घंटे में रिवाइज हो गया है, तो बचे हुए नियरली 3-4 घंटे के अंदर हमारा बचा हुआ टॉपिक भी रिवाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपके बड़े काम में आएगी, इस चीज को अच्छे से याद रखना। टोटल 16-17 घंटे का मैं रिविजन प्लान कराऊ, हो जाए तो काफी अच्छी बात है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, नॉट ऑल फॉर टुडे, दिस इज ऑल फॉर फेमा। लाइव स्ट्रीम बंद हो जाएगी, आपको अगर वीडियो आया पसंद आया है तो इसके ऊपर कमेंट ठोको, लाइक ठोको, इट विल हेल्प यू इन वेरी स्मार्ट वे। ठीक है, इस चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। दिस दर्शन करें साइनिंग आउट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आईबीसी के सेशन में मिलते हैं। हाँ, आईबीसी के सेशन में कितने बजे मिलते हैं वो भी देख लो प्लीज, एक बार प्लीज सब जन देख लीजिए। ठीक है, 5:33 हुए हैं, 6 o'clock शार्प हम आईबीसी और एफसीआरए के सेशन के लिए मिलेंगे। ठीक है, आईबीसी, एफसीआरए, पीएमएलए, सरफेसिया, ये टॉपिक हमको कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। समझ में आया सबको? सो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, स्ट्रीम खत्म हो जाएगी। लेक्चर पसंद आया कमेंट होको, और अगले सेशन के लिए इंस्टाग्राम पे स्टेटस पोस्ट करो मेरे अच्छे से पिक के साथ में, और सबको बुलाओ, हमको मैक्सिमम बच्चों को एडवांटेज देना, बिकॉज वी डोंट नो यूट्यूब लेक्चर लगेगा या नहीं रखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस दर्शन करें, ओवर एंड आउट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।